माना चलती कठिन परीक्षा पर मेहनत मेरा हथियार है माना चलती कठिन परीक्षा पर मेहनत मेरा हथियार है गुरुओं से लेकर शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है सबर का मैया बंद ना टूटे गला किस्मत का घोटूंगा बस चंद महीने बाकी है मां मैं फौजी बनकर लौटूंगा मैं फौजी बनकर लौटूंगा भारत माता की जय सर जमे है हिंदुस्तान की आन बान शान देश के सभी रण देश की आन बान शान मां भारती के लाडलों का स्वागत है आर्मी स्टडी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल बिहार की धरती से रण बाखुरे बिल्कुल जोश जनून जज्बे के साथ मैदान के अंदर आ चुके हैं हमारे साथ देश के लड़ले अशोक है के फोर्टी सेवन कृष्ण भाई आगाज सुमित भाई रामप्रकाश तेजस्वी आर्मी लवर मौसम भाई सूरज मिश्रा विशाल अंकित भाई डी एस सैनी सूरज भाई बिल्कुल सभी देश के भावी फौजियों का स्वागत है एक बार को दबा के शेयर कीजिए पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए जिनका सपना है सरहद पे जाना देश की रक्षा करना दुश्मनों को ठोकना दबा के एक बार शेयर कीजिए बहुत ही शानदार दमदार ये थन क्लास होगी और जो दोस्त नए हैं चैनल पे पहली बार है इस आर्मी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा आने वाला जो संडे है रविवार ध्यान रखना बिल्कुल संडे को भी आपकी लगातार 10 घंटे की महामैराथन क्लास रहेगी और यह क्लास भी आपकी लगातार रात्रि 12 बजे तक नॉन स्टॉप चलेगी बिल्कुल बहुत बढ़िया हाँ आज हमारे जो स्टडी के जोधा आप सभी देख रहे हैं है, एम एश गुरु इनका जन्मदिन भी है और आप सभी को पता है जन्मदिन पर बहुत सारे लोग पार्टियां सार्टियां करते हैं लेकिन वो बाद की बातें हैं अभी क्योंकि समय बहुत कम बचा है और आपको भी हम कहते हैं कि समय का सही सदुपयोग कीजिए क्योंकि ये वक्त यह उम्र वापिस नहीं आएगा अगर एक बार ये समय निकल गया आपकी उम्र निकल गई तो ये लौट कर नहीं आएगा तो जन्मदिन तो हम मनाते रहेंगे आपकी तैयारी बहुत जरूरी है कैसे हार जाऊ इन तकलीफों के आगे मेरी तरकी की आश में मेरी मां कब से बैठी है अपने माता पिता की अपने माता-पिता का सर फकर से ऊंचा करना है इसलिए मेहनत करना होगा जोश जनून जज्बे के साथ बहुत ही शानदार आज की मैराथन क्लास होगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस मैराथन क्लास के अंदर करवाए जाएंगे दारी से पूरा सेशन देखना है मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो ग्यारह रुपए का रिचार्ज कर लीजिए जिंदगी बदल जाएगी ऐसे नहीं कि हाँ मकरागिरी करते हैं नहीं मेहनत करना है जी जान जोश जनून जज्बे के साथ और ये अपने आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में आर्मी जीडी ट्रेड में नर्सिंग ऑल ट्रेड के बैचेज भी अवेलेबल है अभी भी वक्त है जो बच्चा नहीं जुड़ा है क्योंकि इसके अंदर रोजाना ऑल ट्रेड के कल से ग्यारह बजे से ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट पेपर बी ऐप के अंदर स्टार्ट है और आप सभी के पास आर्मी स्टडी का जो ब्रह्मास्त्र कंटेंट है आर्मी स्टडी के जो बुक्स है ये आपके पास होना चाहिए अभी ये स्टॉक के अंदर नहीं है Flipkart पे आपको ये अवेलेबल होगी जल्द होगी एक दो दिन के अंदर जैसे ही अवेलेबल होगी आप सभी को बता दिया जाएगा हर एक जवान के पास ये किताब होनी चाहिए क्योंकि इस किताब से बिल्कुल सेम डिटो पर्सन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं तो चलिए अब निवेदन रहेगा एमएस गुरु से कि की वो आगाज कीजिए इस क्लास का और बिल्कुल नौजवानों को वो क्वेश्चन जो परेशान करते हैं कि हाँ सर ये पर्सन एग्जाम के अंदर आते हैं लेकिन हमें नहीं आते उनको कैसे सोल्व करना है बताएंगे सिखाएंगे अंत तक बने रहना है क्योंकि असली योद्धा वही होगा जो अंत तक टिका रहेगा देखेंगे हम कि लास्ट तक इस महामराथन क्लास को कौन देखता है किसकी बाजों में है कौन मुकंदर का सिकंदर बनेगा कौन इस भर्ती के अंदर 2023 में तन पे वर्दी कंधों पे सितारे लगाएगा और अपने माता-पिता का नाम रोशन करेगा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है अच्छी मेहनत कीजिए अपने माता-पिता का नाम रोशन कीजिए बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे कि हाँ लाडलाप की बार फौजी बनेगा ऑल ट्रेड के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी आज हाँ भाई बिल्कुल आप सभी का एम एस गुरु भी स्वीकार करेंगे हैप्पी बर्थडे और बहुत सारे नौजवान हैं आपका भी आज जन्मदिन होगा परिवार में किसी का बिल्कुल आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तरक्की कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए चलिए आप निवेदन रहेगा एम एस गुरु से हाँ भाई गुरु डिमांड कर रहे हैं कि जिसने लाइक वाले बटन पे अभी तहल का नहीं मचाया है तो सेशन को लाइक कीजिए और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब मैराथन क्लासों का आगाज हो गया है कमर लीजिए मुकाबला टक्कर का होगा अच्छा कंपटीशन अब बार होने वाला है इसलिए तैयारी भी अच्छी आपकी होनी चाहिए ठीक है जी गुरुदेव चलिए आप निवेदन रहेगा एम एस गुरु से क्लास का आगाज करेंगे बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल मैराथन क्लास ये आपकी रहने वाली है अगले संडे को भी आपकी मैराथन क्लास रहेगी लगातार दस घंटे की क्लियर है जी गुरुदेव ओके जय हिंद जय भारत जहिंद कैसे हो मेरे शेर सर अच्छे हैं जी जान से मेहनत कर अब की बार हमें फौजी बन के दिखाना रख बापू भरोसा तेरा बेटा फौजी बन के आएगा और हंड्रेड परसेंट बन के आएगा ये गारंटी कौन लेता है आर्मी स्टडी गारंटी लेती है कि अब की बार हम क्या करेंगे फौजी बना के हंड्रेड परसेंट भेजेंगे एक जो मेरी लाइन है वो मैं हर बार बोलता हूँ फिर से मैं बोल देता हूँ कि क्यूट सा फेस तेरा क्यूट सा फेस तेरा AK47 फोर्टी सेवन तेरी स्टाइल AK47 फोर्टी सेवन तेरी स्टाइल फोर्टी सेवन तेरी स्टाइल भी थम जाता है और जो भी मेरे भाई है उनको सबसे पहले थैंक यू और जिनका भी अपने परिवार में किसी का भी भाई बहन का बर्थडे उनको मेरी तरफ से बधाई और क्लास की करते हैं शुरुआत तो देखिये मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे साथ के साथ प्रश्न को भी सोल्व करते जाइए जिससे कॉन्फिडेंस आएगा बोला यदि एक ए प्रतिशत एक सौ छियानवे है एक प्रतिशत एक सौ छियानवे है तो हमें क्या करना है एक मान बताना है जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और लगातार आपके आंसर आना स्टार्ट हो जाने चाहिए तो सर ये ए है तो आपको पता है कि का, का मतलब क्या होता है गुणा होता है फिर क्या है ए परसेंट है, ए परसेंट तो ए बटा तो कितना हो जाएगा सो हो जाएगा और बराबर कितना है एक सौ छियानवे है एक सौ छियानवे बोलोगे हाँ छः अब आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो बोलोगे कि सर इसको सोल करोगे इसको वजर गुणा करोगे तिरछा गुणा करोगे तो बोलोगे कि सर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एक सो छियानवे इंटू सो एक सो छियानवे इंटू सो स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा एक सो छियानवे किसका होता है 14 इंटू सो so का कितना होता है दस और आंसर आंसर कितना हो जाएगा 140 तो कौन सा ऑप्शन सही है गुरुदेव डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है यदि आप सोचो सर हमें नॉलेज नहीं हो तो आप तो भी लगा सकते हैं कैसे सर एक किसका होता है 14 का होता है और 14 कौन से ऑप्शन में है मात्र डी ऑप्शन में है कौन से ऑप्शन में सेरो मात्र डी ऑप्शन में है, है। बोलोगे जी एकदम परफेक्ट बातें सही है अगला प्रश्न है आपका कि चौतर का त्रेपन परसेंट बताना है कि चौतर का त्रेपन परसेंट कितना होगा जल्दी से बता दीजिए कि आपका इसमें परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है तो बोलोगे कि सर ये चौतर हमें दे रखे हैं और चौतरसो का हमें क्या बताना है त्रेपन परसेंटेज बताना है त्रेपन परसेंटेज तो देखो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा दो जीरो से दो जीरो तो सर हमें चौतर को किससे गुणा करना है त्रेपन से गुणा करना है त्रेपन से बोलोगे जी तो तिया कितना हो गया गुरुदेव बारह हो गया तिया इक्कीस और बीस इकतालीस इकतालीस से के कितना हो गया सर बयालीस हो गया बयालीस तो कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन सही है बाईस किसमें आ रहा सी ऑप्शन में आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है सी तो सी आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा अरे वाह आपने तो बहुत तगड़े तरीके से तूफान मचा रखा है अभी तक तो सब शेरों का एकदम सही आंसर आ रहा जिन्होंने शेर नहीं किया शेर कर दो और जिन मेरे शेरों और सैनियों ने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दे अगला प्रश्न हमारा क्या है बढ़िया क्वेश्चन है देखिए अगला बोला कि U तो 450 है और V कितना है V पान है कितना परसेंट अधिक है तो हमें U V से कोई मतलब नहीं है U V से कोई मतलब नहीं है एक नंबर है 450 और एक नंबर है बोलोगे सर पांच बोलोगे सर हमसे पूछा क्या है अरे गुरुदेव हमसे पूछा है अधिक हमसे क्या पूछा है, अधिक पूछा है तो बताओ ये कितना ज्यादा है कितना ज्यादा है सर पचास तो ये ज्यादा है और पिछासी ये ज्यादा है तो एक सौ पैंतीस ज्यादा है एक सौ पैंतीस तो माइनस कर दो एक सौ पैंतीस ज्यादा किससे ज्यादा है किससे ज्यादा है चार सौ पचास से ज्यादा है? है और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा बोलोगे जी सर अब बोलोगे यहां से जीरो से जीरो को हम काट देंगे पंद्रह पैतालीस पंद्रह नाम एक सौ पैतीसिया बन, बन के आएगा उनका जो जुनून तैयारी मैं सामने देख रहा हूं भाई साहब कितना खतरनाक तो आपकी तो मेरे से भी तगड़ी स्पीड है वाह गजब ऐसे ही होना चाहिए मेरे सिरो अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न क्या है देखिए बोला जब किसी संख्या में बत्तीस जोड़ा जाता है जब किसी संख्या में बत्तीस जोड़ा जाता है तो वो अपने आप 116 परसेंट हो जाती है अपने आप 116 परसेंट हो जाती है तो बोलोगे कि सर मेरे पास ये सौ रुपए है मेरे पास क्या है मेरे पास सौ रुपए सौ से कितना परसेंट हो गया सौ से एक सौ सोलह हो गया सर आपने सौ में जोड़ा तो नहीं यहां पे ऑलरेडी ही जोड़ के दे दिया ना तो वर्दी बोली ना कमी बोली ऑलरेडी दे दिया हमें बोलोगे जी गुरु जी तो आप ये बताओ सौ से ये नंबर मेरे पास सौ रुपए थे अब वो एक सौ सोलह हो गए तो गुरुदेव कितना ज्यादा हुआ सोलह ज्यादा हुआ सोलह जोड़ दिया सोलह जोड़ दिया प्रश्न कह रहा है नहीं सोलह नहीं जोड़ा है बत्तीस जोड़ा है कितना जोड़ा है बत्तीस तो एक बराबर कितना आ जाएगा बत्तीस बटा सोलह मुझे वह संख्या चाहिए वह संख्या चाहिए तो संख्या से गुणा करवा दो तो बोलोगे कि सर सोलह दुनी बत्तीस और गुणा करोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा वाह गजब इसे ही तो कहते हैं तैयारी वास्तव में मेरे से भी तगड़ी स्पीड है वो कहते हैं ना हम खुश होते हैं जब हमारे से भी तेज स्पीड में आंसर आते तो बड़ी खुशी मिलती है कि वास्तव में हम हमारे शेर हमसे भी आगे निकल गए यही तो खुशी चाहिए हमें अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या है ये थोड़ा सा चेंज करके फिर दिया गया है ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज लगे थोड़ा सा कंफ्यूज लगे कि 26 किस संख्या का 0.4 पॉइंट चार परसेंट है मतलब ये 26 है ना ये 26 ये किस संख्या का 0.4 पॉइंट चार परसेंट है जीरो पॉइंट चार परसेंट तो आराम से देखिए प्रश्न में क्या बोला गया कि कोई नंबर है क्या है कोई नंबर है उस नंबर का कितना निकालना है जीरो पॉइंट चार परसेंट परसेंट का मतलब क्या होता है सो so, तो कितना आना चाहिए छब्बीस परसेंट को बड़े प्यार से पढ़िए परसेंट ये छब्बीस है ना किस संख्या का किस संख्या का गुरुदेव हमें नहीं पता किस संख्या का तो हमने माना एन का जीरो पॉइंट चार परसेंट क्या है छब्बीस है तो सर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा चार से काटेंगे कितनी बार जाएगा बोलोगे सर ढाई सौ बार जाएगा तो अब इधर क्या बच गया एन अपॉन ढाई सौ बराबर कितना है छब्बीस अरे गुरुदेव वज्र गुणा करवा दे यस मेरे भाई वज्र गुणा करवा दीजिए तो गुणा करवाओगे जीरो छब्बीस पंजे एक सौ तीस छब्बीस दूना बावन और कितना हो गया पैंसठ तो आंसर जो होने वाला है ना मेरे भाई पैंसठ सो आंसर होने वाला है कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट ऑप्शन ही सही है यहां पे मुझे लग रहा था गड़बड़ करोगे और कुछ भाइयों ने यहां पर गड़बड़ कर ही दिया भाई यहां पे गड़बड़ कर अभी भाई लाइक के ना बहुत कम लाइक के हैं भाई बहुत ही कम लाइक के हैं देखो एक मोटिवेशन लाइन टाइम पर आ गई वतन अगर गजल है तो साज हो तुम वतन है अगर गजल तो साज हो तुम सरद पर आग उगलती आवाज हो तुम मुलक के दामन पर चमकते हैं हमारे फौजी भाई मुलक के दामन पर चमकते हैं हमारे फौजी भाई को खून से सींचने वाले जाबाज हो तुम जाबाज हो तुम तो मेरे दोस्त रुकना नहीं है थकना नहीं है संघर्ष हमें क्या रखना है जारी रखना है अगला प्रश्न आया देखिए अस्सी के 25% परसेंट के 125% परसेंट का मान क्या है अस्सी के 25% परसेंट के 125% परसेंट का मान क्या सात के साथ सोल कीजिए मैं इसलिए धीरे चल रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ प्रश्न को सोल करते रहे ठीक है जी इंटू तो कितना हो गया 125 बटा 100 तो बोलोगे सर कैंसिल कर दो आप बोलोगे कि सर जीरो से जीरो आप बोलो पच्ची चौक सो चार दूनी कितना हो गया आठ दो पंजी कितना हो गया दस और पांच से काटेंगे कितनी बार जाएगा पच्चीस तो कौन सा ऑप्शन सही है गुरुदेव बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है बी वाह गजब पुष्पेंद्र भाई अंकित भाई अतुल जगदीश गौरव रितेश सचिन समर रवीश बिल्कुल चलते हैं आगे की ओर चलते हैं ये देखो ये सारे के सारे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ये ध्यान रख लेना है ठीक है इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर नहीं होगा अनेक शिफ्ट होंगी एक टोकरी में तीन सौ आम है भाई एक टोकरी में कितने आम है एक टोकरी में तीन सौ आम है बोलोगे हाथ जी गुरु अब पिछेतर आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए और टोकरी में बचे हुए आमों का प्रतिशत कितना है आप बोलोगे कि सर 300 आम थे कितने आम थे भाई 300 आम थे और 300 आमों में से पिछेत्तर की तो क्या कर दी बैंड बजा दी मतलब पिछे हमने बांट दिए पिछेतर हमने क्या कर दिए बांट दिए तो बोलोगे सर बचा कितना 225 बचा 225 बोलोगे जी गुरु जी तो आपको यही तो बताना कितना बचा सर 225 बचा

परसेंटेज निकालने के लिए कुल नीचे लिखा जाता है परसेंटेज निकालने के लिए कुल को नीचे और सो से गुणा करवा दिया जाता है तो बोलोगे सर दो जीरो से दो जीरो तीन से काटेंगे तीन सत्य और तीन पंजीय पंद्रह तो बोलोगे सर पिछहत्तर परसेंट आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तो मेरे भाई डी आपका परफेक्ट आंसर है बस रुकना नहीं है थकना नहीं है संघर्ष में क्या रखना है जारी रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है बोलोगे हाजी गुरु जी एक आदमी अपनी आय का उनसठ प्रतिशत खर्च करता है ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई और बाकी की बचत करता है ठीक है मान लो मैं सौ रुपए कमाता हूं मान लो मैं क्या करता हूं मैं सौ रुपए कमाता हूं बोलोगे हाजी गुरुजी जी, गुरु जी सौ कमाते हो उसमें से मैं उनसठ खर्च कर देता हूं उसमें से मैं उनसठ क्या कर देता हूं खर्च करता हूं तो बताओ मैंने बचाया कितना मैंने बचाया कितना तो बोलोगे सर आपने इकतालीस बचा लिया कितना बचा लिया गुरुदेव आपने इकतालीस बचा लिया इकतालीस बोलोगे हाजी गुरुजी अब आप बोलोगे कि सर वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचाता है तो एक बात मैं यहाँ पे लिख दू देखो पूछा क्या है खर्चे का खर्चे का कितना प्रतिशत बचाता है खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है तो बोलोगे सर का किसके साथ लगा हुआ है का किसके साथ लगा हुआ गुरुदेव का खर्चे के साथ लगा हुआ है तो खर्चा कहा लिखा जाएगा खर्चा नीचे लिखा जाएगा और पूछा क्या है बचत पूछा है तो बचत ऊपर लिखा जाएगा और परसेंटेज निकालने के लिए सो से गुणा परसेंटेज निकालने के लिए भाई सो से गुणा करवाना पड़ेगा अब आप मुझे ये बताओ कि यहां पे इसका भाग दो भाग देना ही पड़ेगा क्योंकि उनसठ एक प्राइम नंबर है इकसठ एक, एक क्या है प्राइम नंबर है तो मैं बता देता हूं घर पे बैठ के भाग दे लेना बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है डी आराम से घर पे बैठ के भाग दे लेना इकतालीस में किसका भाग दे लेना बोलोगे सर उनसठ का भाग दे लेना उनसठ का तो उनसठ का भाग छह बार जाएगा नौ छ चौवन और छ पंजे तीस तीस और कितना आ गया तीस नौ छ गए पांच बच गया बोलोगे हां जी तो बोलोगे सर छह पंजे तीस और पांच पैंतीस तो लगभग छह बार जाएगा बाकी ऑप्शन सेट होगा नहीं तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सी डी घर पे बैठ के भाग दे लेना है ना मेरे भाई जी अगला प्रश्न देखो बढ़िया प्रश्न आया है देखना ना भूले अब बोलोगे कि सर बढ़िया प्रश्न फिर से देखो एक व्यक्ति अपनी आय का पंद्रह परसेंट खर्चा करता है एक व्यक्ति अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत खर्च करता है और उसका खर्च पिछहत्तर है तो मैं कुछ बात याद दिलाऊंगा आपको कि मैं सौ रुपए कमाता हूं मैं कितना कमाता हूं सौ रुपए कमाता हूं और उसमें से पंद्रह परसेंट खर्च कर देता हूं पंद्रह परसेंट क्या कर देता हूं खर्च करता हूं यदि ये बचत की बात करता यदि बचत बचत की बात करता, तो कितना मेरे भाई बचत आता पिछासी को किसके बराबर रखा जाएगा पिछेतर को सर ये पिछेतर खर्च है और खर्च को खर्च के बराबर रखा जाएगा खर्च को भाई कहा रखा जाएगा खर्च को खर्च के बराबर रखा जाएगा बोलोगे हाजी तो एक बराबर कितना आ जाएगा भाग दे दो पिछहत्तर बटा पंद्रह मुझे आई निकालनी है मेरी इनकम निकालनी है तो इनकम से गुणा करवा दो तो बोलोगे पंद्रह पांच पिछहत्तर पांच सौ आपका परफेक्ट आंसर आने वाला है डी तो डी आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी अभी भी जिन शहरों ने लाइक की नहीं किए भाई लाइक कर दो आप फौजी बनने जा रहे हो फौजी कज्जू से नहीं होता है है ना जी अभी लाइक के नहीं कम से कम एक झटके में पांच हजार लाइक के हो जानी चाहिए कितनी लाइक के हो जानी चाहिए पांच हजार चाहिए भाई पांच हजार ठीक है जी इधर देखो एक खाद्य तेल के मूल्य में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि होती है और उसके लिए फिर 20% परसेंट की कमी करती है तो हमें टोटल बताना है, टोटल क्या होगा तो आप बोलोगे कि सर पच्चीस रुपए की तो वर्दी होती है पच्चीस परसेंट की और 20% परसेंट की क्या होती है कमी मैं रिविजन कराऊं मैंने कहा था वर्दी हो तो सौ में ऐड करना है कमी हो तो सो में से क्या करना है माइनस करना है बोलोगे जी तो यही तो करना है मेरे पास वही सौ रुपए है बस हम सो ही रुपए कमाते हैं जिससे हमारा खर्चा चल जाता है 25 की वर्दी तो कितना हो गया 125 हो गया 125 सौ पच्चीस इंटू 20% की कमी है तो 20% परसेंट की कमी है तो कितना हो 80 बटा सो ये बात आपको मैंने बताई थी। बोलोगे कि सर पच्चीस एक सौ पच्चीस पच्चीस आठ और गुणा करवाया मेरे पास कितना था सो था और यहाँ पे गुणा करवाओगे सो ही आएगा तो क्या कोई प्रभाव पड़ा क्या कोई प्रभाव पड़ा अरे नहीं गुरुदेव यहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला जीरो प्रभाव पड़ा गुरुदेव कितना प्रभाव पड़ा जीरो प्रभाव पड़ा बोलोगे सर बात एकदम सत्य है जी देखो फूजी भाई ने क्या खूब कहा है फूजी भाई ने क्या खूब कहा है कि जमीन पर हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता जमीन पर हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता पानी में हमारे कोई दुश्मन तैर तो नहीं सकता गगन शक्ति इस काबिल है गगन शक्ति इस काबिल है हमारे हिंदुस्तान के आसमान की आसमान की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता आंख उठा के देख नहीं सकता बस स्याही जास और जुनो जज्बा रखना अगला है अगला प्रश्न देखिए अब अगला प्रश्न हमारे सामने आया बड़े आराम से देखिए बोलोगे हाँ जी <coughs> बोला किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात यह है एक तो भाई क्या है एक तो भाई सोना है क्या है सोना है और एक क्या है मेरे भाई एक तांबा है तांबा बोलोगे जी सर और क्या अनुपात है तीन अनुपात दो है तीन अनुपात दो भाई पूछा क्या यहां से यहां से पूछा है कि आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है हमें सोने का प्रतिशत निकालना है तो बोलोगे कि सर सोना कितना है तीन किसमें बताना आभूषण तो ये आभूषण टोटली तो होता है बोलोगे हाँ जी तो पांच और परसेंटेज निकालने के लिए सो से गुणा सर आभूषण किस किसको बोलते हैं मिक्स मिक्स को आभूषण बोलते हैं कि आभूषण सोना और तांबे से मिलकर बना है तो तांबा कितना है तीन और आभूषण कितना है टोटल पांच है तो सोल करोगे दस और तिया कितना आ गया साठ तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है सही यार गुड गुड भाई साहब आपके मुकाबले मुझे लगता है भाई साहब कोई तैयारी नहीं कर रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मुकाबले भाई कोई भी तैयारी नहीं कर रहा ठीक है जी इतनी खतरनाक आपने तूफान मचा रखा भाई तो देखो लोकल ट्रेन के देने के टिकट का मूल्य एक सौ रुपए है बोला गया कि आप लोकल ट्रेन में जाओगे ना लोकल ट्रेन में तो आपको एक सौ रुपए देने पड़ेंगे लोकल ट्रेन में आप जाओगे ना तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे गुरुदेव आपको एक सौ सो, एक सौ साठ रुपए देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा भाई एक सौ साठ रुपए देना पड़ेगा ठीक है अब बोला गया और आपके पास मासिक पास है भाई अपन मासिक पास लेते हैं मासिक पास क्यों लेते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है मासिक पास में क्या होता है मासिक पास में किराया होता है लेकिन मासिक पास एक दिन का, का नहीं होता है देखिए यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं तो एक महीने में छब्बीस दिन यात्रा कर सकता हूं अर्थात तो मुझे ऐसा जाना पड़ेगा यदि मैं कैसे जाऊंगा कि मैं पर डे किराया देकर जाऊंगा ना तो मुझे पर डे का एक सौ साठ रुपए देना पड़ेगा और यदि मैं पास लूंगा तो मुझे पास 26 दिन का मिलेगा कितने दिन का मिलेगा 26 दिन का पास मिलेगा 26 दिन का मतलब इस 2912 रुपए में मैं 26 दिन जा सकता हूं तो 26 दिन जाऊंगा तो एक दिन का किराया क्या पड़ रहा है मुझे एक दिन का किराया लगभग 112 रुपए पड़ रहा है 26 1 26 3 26 1 26 2 52 कितना आ गया गुरुदेव 112 आ गया अर्थात मुझे पास लूंगा ना मैं पास पास का मतलब आरक्षण के हिसाब से मैं चलूंगा ना तो मुझे इतना किराया देना पड़ेगा

का डिस्काउंट आया है बोलोगे सर आठ और बोलोगे सर अड़तालीस रुपए का डिस्काउंट आया किस पे 160 पे इतने रुपए की बचत हो रही है अड़तालीस रुपए में पर डे बचा रहा हूं तो सर कैंसिल कर दो जीरो से जीरो सोलाती अड़तालीस तो कितना परसेंट आ गया गुरुदेव थर्टी परसेंट आ गया थर्टी तो कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है सही है अभी भी लाइक के है ना अभी भी लाइक के लाइक के कितनी नहीं हुई है लाइक के पांच हजार नहीं हुई है बाबू कितनी लाइक नहीं हुई है पचास हजार सर आपको पचास हजार के पसंद है यस मेरे भाई ये तो क्लास में भी करवाया है मैंने ठीक है जी देखो छत्तीस मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है छत्तीस मिनट छत्तीस मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है तो जरा मुझे ये बताइए कि एक दिन में एक दिन में कितने घंटे होते हैं एक दिन में गुरुदेव चौबीस 24, 24 तो तो घंटे तो तो होते हैं, लेकिन इस को में बदलना पड़ेगा, तो मिनट में बदलेंगे तो किससे गुणा करवा देंगे गुरुदेव साठ से गुणा करवा देंगे अब मैंने बताया था ना का किसके साथ लगा हुआ है सर का इसी के साथ लगा हुआ है तो जिसके साथ का लगा हुआ है ना उसको नीचे लिखा जाएगा उसको क्या लिखा जाएगा उसको नीचे लिखा जाएगा और जो बच गया उसको ऊपर और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा बोलोगे जी मैंने क्या किया एक दिन का मतलब होता है एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं बोलोगे जी और 24 घंटे को मैंने किस में बदला मिनट में क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है बोलोगे अच्छा मेरे भाई तो देखो कैंसिल करो बारिया छत्तीस बारह चौबीस का मतलब कितना आया कितना गया ढाई परसेंट तो भाई लोगों आंसर होगा इसका ढाई परसेंट अरे गजब लवर भाई आलोक धोली विशाल अशोक प्रिंस मिशन भूपेंद्र नीरज अतुल निखिल बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल सभी का एकदम बात सत्य है क्या तूफान मचा रखी है भाई आपने जी अब देखो आराम से समझना प्रश्न क्या एक व्यक्ति सेल में वस्त्र खरीदते समय पैंतालीस रुपए खर्च करता है और पांच रुपए की बचत करता है तो उसकी बचत कितनी है अब मैं क्या गया मैं कोई सेल बस्तर में खरीदने के लिए गया मैं जा रहा हूं आज शोरूम भाई साहब मैं जा रहा हूं आज शोरूम ठीक है जी तो भाई साहब शोरूम शोरूम जा रहा हूं ना तो शोरूम में जाऊंगा ना तो शोरूम से मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए पैंतालीस रुपए खर्च कर दिए जैसे ही मैं शोरूम में गया तो शोरूम में मैं जाऊंगा तो मैंने कहा ये लो पैंतालीस रुपया झंझट खत्म लेकिन भाई मैंने बचा लिया कितना बचाया बोलोगे कि सर मैंने बचाया पांच मैंने बचाया कितना पाँच तो आई बता सकते हो मेरी सैलरी कितनी है मेरी सैलरी कितनी है गुरुदेव ये तो आपने उस वक्त बताया था कि सैलरी में दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरी सैलरी कितनी है पचास रुपये कमाता हूं अरे भाई मैं पैंतालीस खर्च कर देता हूं मैं पैंतालीस खर्च कर देता हूं और पाँच बचा लेता हूं तो मेरी सैलरी कितनी हुई सैलरी पचास हुई पचास में से पैंतालीस खर्च कर देता हूं पाँच बचा लेता हूं बोलोगे सर गुड अब बोलोगे सर पांच मेरी सैलरी है कितने में सॉरी पांच मैंने बचाया कितने में से पचास में से और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा गुड बोलोगे जी अरे गुरुदेव जीरो से जीरो पांच से पांच कट गया आंसर कितना हुआ दस परसेंट तो कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है गड गड जी ये थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है ये इसलिए प्रश्न डाला है एक बार ये आर्मी के पेपर में आया था और जब मैं ऐप में पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि एक बार किस में पूछा हुआ है ये ये पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है ठीक है जी आर्मी के पेपर में ये प्रश्न आया था और ऐप के अंदर मैंने ऐसे तीन प्रश्न करवाए थे लेकिन अब इसको हमें जवाब करना है कि आपकी कितनी सोलिड तैयारी का मामला चल रहा है देखिए देखो आप बोलोगे सर लड़के हैं तो मैं लिख देता हूं बॉयज ध्यान से सुनना बॉयज और यहां पे हम लिख देते हैं गर्ल्स तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है तीन अनुपात दो है कितना है भाई तीन अनुपात दो है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात तीन अनुपात दो है अब मैंने बताया था इनके साथ जीरो लगा लो आसान बनाने के लिए अब बोलोगे हाँ जी तो ये क्या बोल रहा है कि 20 परसेंट लड़के और 25 परसेंट लड़कियां बालिग हैं बालिग है। और हमसे पूछा क्या है बालिग नहीं है वो पूछा है मतलब बालिग दे रखा है और नहीं वाला हमसे पूछा है तो सर आराम से प्रश्न को करेंगे जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है तो बोलोगे सर तीन का कितना परसेंट बोलोगे सर तीन का बीस तो तीन का बीस कितना होता है भाई साठ होता है ये क्या है बालिग है ये क्या है बालिग और लड़कियां कितनी है बोलोगे सर 200 में से कितनी है 25% परसेंट तो 25% परसेंट का मतलब कितना हो गया 50 ये क्या है बालिग है कितने में से ये देखना है तो बोलोगे सर कितने बालिग हुए तो बोलोगे कि सर ये 110 बालिग हुए कितने में से तीन सौ मतलब पांच में से और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा तो बोलोगे कि सर यहां पे दो जीरो से दो जीरो कट गया और ये बाई पंजे एक सौ दस तो बाईस परसेंट आएगा तो ये बाईस परसेंट बालिग है ये बाईस परसेंट क्या है बालिग लेकिन हमसे क्या पूछा है नहीं है हमसे पूछा है नहीं है तो सो में से माइनस कर देंगे और सो में से माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा अठहत्तर परसेंट कितना आएगा भाई अठहत्तर परसेंट आएगा सी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट है कुछ से का ये प्रशन गलत आया है उन से से मेरी हाथ जोड़ के के रिक्वेस्ट है कि इस स्टेप को आप अच्छे तरीके ये बात आपको ध्यान रखना है। ओ, की बात कर लेते हैं। चलो भाई चुनाव की बात कर लेते हैं बहुत दिन हो गए चुनाव की बात किए हुए अब हम चुनाव की बात करके रहेंगे ठीक है जी अच्छा जी. एक कॉलेज में एक चुनाव में एक उम्मीदवार था भाई ठीक है चुनाव किसके और है कॉलेज के और है अब भाई वो क्या करता है बासठ प्रतिशत मत प्राप्त हुए और वह 144 मतों के अंतर से चुन लिया गया वाह गजब ये भाई तो जीत गया ये भाई तो जीत गया चलो हम ये कहते हैं मेरे भाई कि कुछ इसमें कॉलेज में 100 वोट है लेज में कितने वोट पड़े भाई सो वोट पड़े सो में से एक बंदा कितना ले रहा है सो में से एक बंदा बासठ ले रहा है बासठ अरे गुरुदेव बासठ ही ले रहा है बोलोगे हाँ जी सर दूसरा तो दूसरे के लिए कितने बच गए सो में से बासठ ये ले लिया सो में से बासठ ये ले लिया तो बचे कितने तो सर अड़तीस बच गए अड़तीस तो पहले वाले को बासठ मिलते हैं दूसरे वाले को अड़तीस क्या ये बंदा जीत गया अरे गुरुदेव ये बंदा तो जीत गया कितने से जीता गुरुदेव बारह सोलह बोलोगे कि सर ये कितने से जीता फोर्टीन से जीता है बोलोगे जी गुरु जी नहीं आएगा ना कितने से जीता है फोर्टीन से आठ चार बारह तीन एक चार एक पांच नए ये चौबीस से जीता है किससे जीता है भाई चौबीस से जीता है चौबीस से प्रश्न कह रहा है नहीं चौबीस से नहीं जीता एक सौ से जीता है हमारी वैल्यू का एक बनाना है हमारी वैल्यू का एक बनाना है तो भाग दे दो भाई एक सौ में चौबीस का क्या चाहिए कुल मतों की संख्या कुल मतों की संख्या इसलिए 100 से गुणा करवा दीजिए सर भाग कितनी बढ़ गया एक सौ चौवालीस तो कितना आ गया 600 तो कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है 600 बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल मेरे भाई चौबीस मैंने गलती से फोर्टीन लिख दिया था गजब बोलो के हाँ सर एक बार हमारी कमेंटों पे नजर डाल लीजिए हम आपके कमेंटों पे नजर डालेंगे उससे पहले ये प्रश्न कर करो आप तब तक हम आपका कमेंट भी पढ़ लेते हैं ठीक है जी गुरु जी कमेंट पढ़ लीजिए अच्छा लगेगा जी ये प्रश्न कीजिए तब तक हम आपके कमेंट पढ़ लेते हैं विराट सुरेंद्र गड्डू प्रिया गुरलाल ईश्वर पिंटू सुधम भाई राजोल अंकित टारगेट भाई टाइगर भाई किल्लर भाई विवेक भाई अनुराग भाई दीपक भाई ठीक है सनी भाई आशीष भाई आर्मी रिंकू अजय दीपक घनेश अमन नितेश रुपेश भोलानाथ बिल्कुल बिल्कुल इतने ही पढ़ेंगे अब आगे बढ़ेंगे ठीक है जी आगे चलते हैं देखो अभी तो भाई सफर बहुत लंबा है अभी थकना नहीं है किसी वस्तु के मूल्य में दस प्रतिशत की कमी की गई पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में वृद्धि वाह ये तो गुरुदेव पहली स्टेप का प्रश्न है पहली स्टेप का बोलोगे हाँ जी गुरु जी कमी दे रखी है और वृद्धि पूछी है कमी दे रखी है और वृद्धि पूछी है तो वही बात भाई हम हमारे पास सौ रुपए हैं पूरा मामला सो पे ही टिका हुआ है सर सो रुपए हैं दस की कमी हो गई दस की कमी हो गई तो कितना हो गया नब्बे अरे गुरुदेव ज्यादा बताना है कितना ज्यादा दस अपोन किस से नब्बे नई वैल्यू नीचे रखी जाएगी नई वैल्यू और परसेंटेज निकालने के लिए सो से गुणा जीरो से जीरो कट गया सो में नो का भाग देना है तो सो में नो का भाग दोगे ना तो कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है भाई डी गजब गजब बोलोगे जी ग्यारह नो निन्यानवे नो आएगा नीचे भाई ग्यारह नीचे नहीं आ सकता ये गलती मत कर देना कई बार गड़बड़ भी आपसे हो जाए ना गड़बड़ भी आपसे हो जाए कि सर गड़बड़ हो गई तो आप देखना नो किसमें आ रहे हैं नीचे इसमें तो ग्यारह है भाई गलत है और इसमें नो है नहीं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी तो बोलोगे सर कौन सा परफेक्ट आंसर सही है डी तो डी आपका एग्जाम परफेक्ट आंसर सही है अभी भाई लाइक के है ना 6000 चाहिए कितनी चाहिए 6000 लाइक के चाहिए बोलोगे हाँ जी गुरुजी चलो फेल पास का प्रश्न आया है कि ये फेल पास क्या कहता है देखिए बड़े प्यार से देखो एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45 प्रतिशत अंक हासिल करने हैं भाई यदि इसको पास होना है ना पास इसको पास होना है ना पास तो भाई इसको चाहिए 45 प्रतिशत सर 45 प्रतिशत नहीं आए तो फिर ये फेल हो जाएगा तो नंबर आए इसके चौवन इसके नंबर आए चौवन और छत्तीस से भाई साहब फेल हो गया छत्तीस से फेल हो गया तो जोड़ लो सर चौवन और छत्तीस कितना हो गया गुरुदेव ये हो गया नब्बे अर्थात पास होने के लिए नब्बे नंबर चाहिए पास होने के लिए नब्बे अरे अपन बोलते नहीं क्या अरे सर कई बार मान लो आप मेरे से पूछ रहे हो सर मैंने कहा कि सर आपका सिलेक्शन हो गया मैंने कहा यार नहीं हुआ तो आपने आपने पूछा कि सर कितने नंबर आए तो मैंने कहा चौवन नंबर आए तो सर फिर क्या हुआ मैं छत्तीस से फेल हो गया अर्थात मुझे छत्तीस नंबर और चाहिए थे गड्ड वाले हाँ ठीक अब आप बोलोगे कि सर यहां पे बराबर बराबर तो एक बराबर नब्बे अपॉन पैतालीस और टोटल निकालने के लिए सौ से गुणा अरे सर सोल कर दो बोलोगे जी पैतालीस दुना नब्बे दो से गुना करोगे दो कौन सा ऑप्शन हो गया पहला ही ऑप्शन परफेक्ट आंसर सही है बोलोगे हाँ जी एक ये क्वेश्चन अगला थोड़ा सा अच्छा लेवल का लिया है थोड़ा सा ध्यान देना है इसको आप भी कोशिश करो बाकी हम समझाते हैं अब देखिए अब ध्यान से सुना पर्सन में क्या बोला पर्सन में बोला कि एल है ना वो एम से 25 परसेंट अधिक है ठीक है बोलोगे हाँ जी वैसे जैसे मैंने लाभ हानि में एक लास्ट का प्रश्न करवाया था ना ए बी को बेच देता बी सी को बेच देता उसी प्रकार का प्रश्न है ठीक है जी तो आप बोलोगे किस पे डिपेंड कर रहा है पे डिपेंड कर रहा है कि एल है ना वो एम से ज्यादा है तो एम पे डिपेंड कर रहा है एम एन पे डिपेंड कर रहा है कि एम है ना वो एन से क्या है बीस कम है और ये पच्चीस क्या है जा? एन किस पे डिपेंड कर रहा है एनओ पे डिपेंड कर रहा है ओ पे और 25% परसेंट क्या है अधिक तो सर ओ 800 है O आप बोलोगे एन ओ पे डिपेंड कर रहा है तो ओ कितना है ओ 800 कहने का मतलब ये हुआ कि एल तभी आएगा जब एम पता होगा एम तभी आएगा जब एन पता होगा और एन तभी आएगा जब ओ पता होगा और ओ का पता है हमें ओ का पता हमें है बोलोगे जी गुरु जी तो आप बोलोगे सर ओ कितना है ओ 800 है 800 बोलोगे हाँ जी अब आप बोलोगे कि सर ये देखो 25 परसेंट ज्यादा है उल्टा चलना है। 25 परसेंट ज्यादा है तो ज्यादा है तो कितना हो गया एक सौ और पच्चीस बटासो बोलोगे हां जी फिर क्या है सर फिर 20 परसेंट कम है तो कम है तो सो में से माइनस कर दो फिर सर फिर क्या है बोलोगे सर 25 परसेंट ज्यादा है तो 125 सौ पच्चीस बटा सो कर देंगे ये तो कर ही सकते हो ना मेरे भाई जी एक परसेंट आगे ऐसा और आएगा वो और कर लेंगे पहले करवा देंगे टेंशन क्यों कर रहे हो दो जीरो से दो जीरो जीरो से जीरो बोलोगे सर पच्चीस पंजे एक और गुरुदेव पच्ची चौक सो आप बोलोगे चार दूनी आठ बोलोगे बोलोगे हाँ जी और पांच दूनी दस दो से दो कट गया तो 108 ऊपर बचा आठ और इधर बचा 125 गुणा करवा दो तो आंसर कितना आने वाला है हजार क्या मेरे भाई हजार ही आएगा क्या मेरे भाई हजार ही आंसर आएगा गुड सर हजार ही आंसर आने वाला है क्या गजब की तैयारी कर रखी है भाई आपने आपके आंसर देखकर हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है एक ऐसा प्रश्न और करवा दें ये रहा लिए ऐसे ताकि बात क्लियर हो जाए ठीक है जी देखिए आप बोलोगे मेरे भाई क्या कि जे है ना जे के से दस परसेंट अधिक है तो भाई जे किस पे डिपेंड कर रहा है जे के पे डिपेंड कर रहा है और अधिक है दस परसेंट अधिक है और के किस पे डिपेंड कर रहा है एल पे के एल से दस परसेंट कम है और एल पे डिपेंड कर रहा है एम पे कि एम दस परसेंट कम है एम के पास 2000 रुपए हैं वही बात है जे किस पे डिपेंड है के पे के किस पे डिपेंड है एल पे एल किस पे डिपेंड है एम पेर एम का मान है 2000 एम का मान कितना है 2000 तो पहले लिख तो दो 2000 क्लियर जी अब आप बोलोगे कि सर 10 परसेंट कम है तो 95100 फिर बोलोगे सर 10 परसेंट कम है तो 95100 फिर 10 क्या है 10 परसेंट क्या है गुरुदेव 10 परसेंट ज्यादा है तो कितना हो सौ दस बटा सो बोलोगे हाँ जी अब देखो तीन चार जीरो से चार जीरो गई दो जीरो से दो जीरो गई तो गुणा करवाओ तो ये कितना हुआ दो इंटू नौ इंटू निन्यानवे इसको गुणा करवाओ नौ नाम इक्यासी फिर नौ नाम इक्यासी कितना आ गया एट इंटू कितना हो गया दो अब बोलोगे कि सर दो नौ दूनी अट्ठारह आठ दूनी सोलह एक सत्रह तो आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन तो सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सर दो परसेंट मैंने करवाए ताकि आपकी दिक्कत ना हो ठीक है जी अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तूफान मचा देना ये करो तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और पानी भी पी लेता हूं क्यों क्योंकि आज बहुत जरूरत पड़ेगी पानी की जी नीरज अजय चंदन जेपी भाई विनोद नीचू विजय राजवेंदर देवराज गणेश रमेश प्रकाश विनोद बिल्कुल ठीक है जी अब देखिए अब बोलोगे कि सर यहां से क्या कहानी निकलती है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20 प्रतिशत की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा कमी दे रखी है और हमें क्या करना है बढ़ाना है ज्यादा बताना है बोलोगे हाँ जी सर सौ रुपए थे अब सो रुपए थे ना अब 100 से कमी आ गई तो कितना हो गया अस्सी तो अब वापस बढ़ाना है तो वापस बढ़ाएंगे कितना आएगा बीस किसमें बढ़ाना है नई वैल्यू में नई वैल्यू में इंटू सौ so, तो बीस चौक अस्सी और चार से काट दो फिर बीस चौक अस्सी और चार से काटोगे पच्चीस तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है पच्चीस परसेंट बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है बी बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई जिक्र अगर हीरो का होगा जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम हिंदुस्तान के वीरों का होगा तो नाम हिंदुस्तान के वीरों का होगा यदि इस दुनिया में यदि ये जिक्र किया जा रहा है कि भाई हीरो कौन है हीरो कौन है तो याद रखना पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के वीरों का ही नाम होगा सिर्फ हिंदुस्तान के वीरों का क्योंकि इनका जो जज्बा जुनून और जो इनके अंदर पावर भरा हुआ है उस का ही नाम होगा बोलोगे आगे चलिए सर ये देखिए ये ये प्रश्न देखिए देखिए लास्ट में करवाया था प्रतिशत के यदि कलम की कीमत में बीस परसेंट की कमी आ गई तो एक कलम थी उस कलम में बीस प्रतिशत की क्या आ गई कमी लेकिन जिन शहरों ने अभी लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना है ना जी कमी होती है तो सौ रुपए में दस कलम अधिक खरीद सकता है तो प्रत्येक कलम की नई कीमत बतानी है तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी बीस परसेंट का मतलब कितना होता है एक बटा पांच बीस परसेंट का मतलब एक बटा पांच कमी है तो कमी कर दो एक तो नई वाली है एक तो पुराना है पुराना ठीक है जी और एक कौन सा है नया है नया तो बोलोगे सर पांच पे कितना हो गया चार फिर मैंने कहा था कि ये होता है इनका मूल्य और वजन क्या होता है वजन या वस्तु इसका उल्टा होता है उल्टा तो चार और कितना हो गया पांच ये बताया था अब इसका मतलब पहले चार कलम खरीदता था पहले चार कलम खरीदता था तो आज कितनी कलम खरीदता है पांच कलम खरीदता है तो एक फालतू खरीदता है और प्रश्न कहता नहीं दस कलम तो नई निकालनी है तो नई से गुणा करवा दो तो दस से गुणा करोगे तो ये पचास कलम आ जाएगी कितनी कलम आ जाएगी ये पचास कलम आएगी तो ये पचास कलम कितने रुपए में खरीदेगा सौ रुपए में ये पचास कलम है ना ये पचास कलम कितने रुपए में खरीदेगा सौ रुपए में खरीदेगा सौ रुपए में कितनी कलम पचास कलम तो एक कलम कितने की आएगी दो रुपए की आएगी भाई एक कलम कितने रुपए की आएगी एक कलम दो रुपए की आएगी ये बहुत सारे भाइयों का गलत है ये भाई साहब पहला क्वेश्चन शेरों का गलत होता हुआ वापस समझा देते हैं देखिए है। गलत हुआ वापस समझा दे में से एक कम हो गया क्यों कमी बोला बोला तो पांच में से एक कम हो गया कितना या? फिर उल्टा कर चाहिए तो नई वाली से हमने गुणा करवा दिया कितनी कलम आ गई पचास कलम आ गई तो ये पचास कलम पचास कलम कितने रुपए में खरीदता है सो रुपये में खरीदता पचास कलम है ना पचास कलम ये सौ में खरीदता है बोलोगे हाँ जी तो एक कलम कितने में खरीदेगा दो रुपए में खरीदेगा बोलोगे हाँ जी सर चलो ये बताओ भाई ये तो किसी का ही गलत नहीं होना चाहिए अभी कोई नहीं है हमने कम से कम बीस क्वेश्चनों से आगे निकल चुके हैं बीस क्वेश्चनों में अभी तक एक क्वेश्चन गलत हुआ कोई खास इफेक्ट नहीं है लेकिन उसको हम सुधार लेंगे यही तो बात है ना जी गुरु एक संख्या को पहले दस प्रतिशत से बढ़ाया जाता है फिर उसे दस प्रतिशत बढ़ाया जाता है तो जरा हमें आप ये बताइए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी और देखते ही उड़ा सकते हो भाई देखते ही देखिए <laughs> आप बोलोगे कि सर सौ रुपए है कितना है सौ रुपए हैं सौ रुपए दस की वर्दी दस बढ़ाया गया एक सौ दस फिर दस बढ़ाया गया एक सौ दस बटा सो बोलोगे जी गुरु जी अब बोलोगे सर दो जीरो से दो जीरो तो कितना हो गया इसको सोल करोगे तो एक सौ इक्कीस हो गया एक सौ इक्कीस तो सर वर्दी हुई या कमी अरे गुरुदेव इक्कीस परसेंट की वर्दी हो गई 21% परसेंट की क्या हो गई 21% परसेंट की वर्दी हो गई कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन सही है बोलोगे सर यदि ये, ये क्वेश्चन आया ना तो हम पेन ही ना चलाएंगे हमारे उत्तर याद रहेंगे हम डायरेक्ट ही कर देंगे ठीक है और जिन सरों ने लाइक नहीं किया लाइक तो बनती है है भाई लाइक तो बनती है रे सर भाई सोनू गोलू अरे भाई गोलू भाई हमसे बहुत दिनों बाद जुड़ा राम अशोक कपिल आशीष भाई दीपक रवि विजय शिवम बिंदास भाई बिंदास भाई ठीक है जी अच्छा जी हमने सुना भाई कि ओजी भाई कभी क्या नहीं होते हैं कंजूस नहीं होते हैं और इसलिए आज आप कंजूसी क्यों दिखा रहे हो लाइक ठोक दो क्या दिक्कत है जी एक परीक्षा में गणित में 66 प्रतिशत अंग्रेजी में सत्तर प्रतिशत सत। और 20 प्रतिशत दोनों विषय में साढ़े तीन सौ उत्तीर्ण हुए तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे इस पे आ जाओ भाई ठीक है जी तो आप बोलोगे कि सर यहां से ये मामला है ये डायग्राम बनाएंगे बताया था क्लास में ऐप के अंदर ये बात बताई थी जी तो सर गणित में कितने हैं साठ सर ये पास है या फेल ये पास है ये क्या है पास है सर अंग्रेजी में कितने हैं अंग्रेजी में सत्तर है ये क्या है गुरुदेव ये भी पास है लेकिन गुरुदेव ये फैल है बीस प्रतिशत ये बीस प्रतिशत फैल है फैल तो इसको पास में बदलो तो सो में से बीस निकाल देंगे तो ये पास में कन्वर्ट हो जाएगा और कितना आ जाएगा अस्सी कितना आ जाएगा अस्सी ये अस्सी भी क्या हो गया पास क्योंकि मैंने कहा था यूनिट सेम होना जरूरी है बोलोगे जी गुरु जी तो सर पास का निकालो तो सर इन दोनों को जोड़ देते हैं और बीच वाला माइनस कर देते हैं यही तो पड़ा होगा जी ये दोनों को जोड़ देते हैं, बीच वाला माइनस कर देते हैं तो सर यहां से माइनस करोगे कितना आने वाला है बोलोगे सर दस पचास आने वाला है, पचास तो ये पचास परसेंट क्या है पास है पास और ये भी क्या है गुरुदेव ये भी पास तो पास पास बराबर तो पास पास क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा साढ़ा तीन सो तो एक बराबर कितना आएगा साढ़ा तीन सो अपॉन पचास इनटू कितना हो जाएगा सो टोटल निकालने के लिए सो से गुणा करेंगे जीरो से जीरो अरे तो भाई मारकर चल जा चल जा चल जा भाई जीरो से जीरो पांच सात पैंतीस गुणा करोगे आंसर कितना आ जाएगा सात सौ तो भाई आंसर कितना आ जाएगा सात सौ अरे वाह मेरे से पहले ही आंसर दे दिया वाह गजब गजब आपने भाई साहब इतनी खतरनाक तैयारी कैसे कर ली जरा हमें भी बताइएगा भाई इतनी खतरनाक तैयारी आपने कर कैसे ली ये भी जरा हमें भी बताएगा इतनी खतरनाक कौन करता भाई सर हम फौजी भाई हैं और हम करते हैं यही तो बात है जी <laughs> यदि x तीस प्रतिशत बोलोगे हाँ जी ये प्रश्न करवाया था क्लास में x का तीस प्रतिशत एक्स का तो कितना लेना है x का तो तीस प्रतिशत लेना गुड बोलोगे हाँ जी सर y का क्या लेना है पाई का 40 परसेंट लेना है 40 परसेंट तो 40 बटा सो सर क्या है सर क्या है सम्मान है सम्मान और सम्मान का मतलब क्या हो जाएगा गुरुदेव बराबर क्या हो जाएगा बराबर तो सर दो जीरो से दो जीरो जीरो से जीरो तो कितना आया तीन एक्स बराबर चार अरे गुरुदेव ये नहीं चाहिए हमें चाहिए वाई अनुपात चाहिए उल्टा पूछा एग्जामिनर ने दिमाग खराब कर दिया एक्स अनुपात वाई ना पूछा क्या पूछा है वाई अनुपात एक्स पूछा है ठीक है जी तो आप बताओ वाई निकालना मुझे पहले किसको निकालना वाई तो वाई को दबा लो वाई निकालना तो वाई को दबा लो कितना आ जाएगा तीन मुझे x चाहिए तो x को दबा लो तो क्या दिखाई दे रहा है चार जि जिसको दबाने के बाद दिखाई दे रहा वही उसका होता है तो आंसर कितना आएगा तीन अनुपात चार सर यदि x अनुपात y पूछता तो हां यदि x अनुपात y पूछता एक्स अनुपात वाई पूछता तो फिर आंसर कितना होता चार अनुपात तीन लेकिन एग्जामिनर दिमाग खेल गया माइंड वो गेम खेल गया ठीक है जी और ऐसे पूछ लिया क्यों अब जल्दीबाजी में स्टूडेंट यही टिक करेंगे जबकि गलत गलत है आंसर कितना आने वाला है तीन अनुपात है, चार तो ये गलती मत करना है ना मेरे भाई जी ध्यान रखोगे हंड्रेड परसेंट यस सर हंड्रेड परसेंट ध्यान रखेंगे ऐसी गलती हम कतई नहीं करेंगे ठीक है जी अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न क्या आने वाला देखो ये प्रश्न कीजिए बोलोगे सर अभी कर देंगे टेंशन क्यों कर रहे हो गुरुदेव पी क्यू से चालीस परसेंट कम है पी है ना पी किससे कम है और हमें बताना क्या है ज्यादा अरे गुरुदेव कम दे रखा है और ज्यादा हमसे पूछा है कम दे रखा है कम दे रखा है और ज्यादा हमसे पूछा है बोलोगे हाँ जी तो वही सो मान लो ठीक है जी ये वही सो मान लो तो सर सो और कितना कम है चालीस कम है चालीस तो कितना हो गया साठ हो गया क्या ये बात क्लियर है जी अब हमें ज्यादा बताना है तो ज्यादा बताना है तो कितना ज्यादा हो गया सर चालीस ज्यादा हो गया किस से नई वैल्यू से साठ इंटू सो बोलोगे जी सर अब देखिए जीरो से जीरो दो दुनिया चार दो तिया छह कितना हो गया 200 सौ अपॉन थ्री आंसर कितना हो गया आंसर हो गया छियासठ पॉइंट आप बोलोगे सर बी ऑप्शन आपका सही है कौन सा ऑप्शन सही है बी बोलोगे जी सर अरे ऐसे को तो उड़ा देंगे सर गोली की तरह उड़ाएंगे गोली की तरह अच्छा जी अब थोड़ा सा एक भाई मुझे पर्सन भेजा था एक भाई ने मुझे पर्सन भेजा था और वो पर्सन हमने लिया है ये पर्सन एक भाई का भेजा हुआ है वो हमने पर्सन लिया है देखो थोड़ा सा दिक्कत देने वाला पर्सन है लेकिन हम क्लियर करवा देंगे टेंशन ना करो ठीक है जी एक संख्या का चालीस परसेंट एक तो लेना है संख्या का चालीस परसेंट बोलोगी जी गुरु जी एक तो क्या लेना है संख्या का चालीस परसेंट लेना है चालीस परसेंट ठीक है जी अब बोलोगे कि सर ये बात तो क्लियर है अब आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें उस संख्या का एक चौथाई लेना है एक चौथाई एक चौथाई का मतलब कितना होता है एक बट्टा चार तो एक चौथाई एक बट्टा चार दे रखा है ना तो इसको सो से गुणा करवा के परसेंटेज में बदल लो तो परसेंटेज कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ध्यान से सुनना गुरु जी गुरुजी। ठीक है जी वापस समझा रहा हूं चालीस अब एक चौथाई का मतलब क्या होता है एक बट्टा चार एक बट्टा चार दे रखा है तो हमने भी इसको किस में बदल लिया परसेंटेज में बदल लिया तो परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आ जाएगा पच्चीस परसेंट आ जाएगा कितना आ जाएगा पच्चीस परसेंट आ जाएगा ध्यान रखना है फिर क्या बोला अधिक है अधिक का मतलब मैंने लिखवाया था ना कि कम ज्यादा सुनना कम ज्यादा वर्दी कमी लाभ हानि जीतना हारना ये किसको शो करते हैं अंतर को तो यहां पे अंतर कितने का है गुरुदेव यहां पे अंतर कितने का है बोलोगे कि सर यहां पे अंतर है ना यहां पे अंतर है ना तो बोलोगे सर यहां पे अंतर पंद्रह का है पंद्रह का बोलोगे हां जी और प्रसन्न में कितने का है प्रसन्न में एक सौ पांच का है तो एक बार वह संख्या निकाल लेते हैं तो सर गुणा में है भाग दे दो पंद्रह सत्य एक सौ पांच डायरेक्ट भाग दे दिया है, सो, तो वह संख्या कितनी आई गुरुदेव वह संख्या सात सौ आई गुरुदेव वह संख्या 700 आई हमारी जो संख्या आई है ना वह संख्या कितनी आई है सात सो आई है सात सो बोलोगे हाँ जी वह संख्या कितनी आई वह संख्या सात सौ आई बोलोगे हाँ जी अब क्या बोला है देखो संख्या कोई दिक्कत नहीं है तथा उस संख्या का 35 परसेंट अब उस संख्या का 35 परसेंट निकालना है उस संख्या का कितना निकालना है उस संख्या का पैंतीस परसेंट निकालना है पैंतीस परसेंट बोलोगे हां जी निकाल लिया अब बोलोगे कि सर दो जीरो से दो जीरो तो बोलोगे सात पंजे पैतीस कितना आ गया तीन सातिया इक्कीस और तीन कितना हो गया चौबीस दो सौ और पैंतालीस कितना हो गया दो सौ वह संख्या तो कितनी है सात सौ वह संख्या तो कितनी है सात सौ और सात सौ का कितना है दो सौ पैंतालीस सात सौ का कितना है दो सौ पैंतालीस इनका क्या बताना है अंतर बताना है इनका क्या बताना है अंतर बताना है तो माइनस कर दो पचपन आएगा तो बोलोगे आंसर आएगा ना माइनस कर दो चार सौ पचपन ये ध्यान रखना है ये एक भाई ने प्रश्न भेजा था कि सर यह प्रश्न करवाओ जब मैं सोल कर रहा था जब मैं सोल कर रहा था तो मेरे सामने ये आया था जब मैं सोल कर रहा था तो मेरे सामने ये आया था ये मुझे आया नहीं तो जरा आप करा देना और हमने ले लिया बिल्कुल 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 ठीक है जी अच्छा जी गुड बोलोगे हाँ जी अब देखिए अगला प्रश्न क्या आता है भाई देखिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है ये प्रश्न कीजिए देखिए बोलोगे आराम से करेंगे हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है किसी बात की कतई ही हमें जल्दीबाजी नहीं है पचपन सो का नौ परसेंट एक तो लेना है पचपन सो का नौ परसेंट ध्यान से सुनना ठीक है जी ऐसा प्रश्न आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है ये ध्यान रखना हाल ही में पूछा ऐसा प्रश्न ठीक है वो बाकी के पिछले राउंड के प्रश्न है बोलोगे सर पचपन सो तो पचपन सो का कितना निकालना है पचपन सो का नौ परसेंट तो कितना हो गया नौ बटा सो बोलोगे हाँ जी अब आप बोलोगे सर 1100 का प्लस 1100 का कितना 1100 का 2.4 पॉइंट चार परसेंट दो पॉइंट चार परसेंट ठीक है जी अब सर अब और देखो अब बोलोगे सर माइनस है माइनस माइनस लिख लो 1600 का 40 परसेंट अब क्या है 1600 का 40 परसेंट है 40 परसेंट क्लियर जी आराम से बैठ के सोल्व कीजिए बोलोगे जी तो देखो दो जीरो से दो जीरो कट गया ठीक है गुणा करवाओ नौ पंजे पैंतालीस बच गए चार फिर नौ पंजे पैंतालीस और कितना हो गया उनचास तो यह आया चार सौ पिचानवे अब आप बोलोगे कि सर फिर प्लस है प्लस आप बोलोगे कि सर दो जीरो से दो जीरो कट गया दो जीरो से दो जीरो कट गया तो कितना आया ग्यारह चौक चौवालीस जी बच गया चार ग्यारह दूनी नहीं बाईस बाईस और चार कितना हो गया छब्बीस तो पॉइंट कितने पे लगेगा पॉइंट लगेगा एक पे बोलोगे हाँ जी पॉइंट एक पे है तो एक पे लगा दो सर ये <coughs> 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 सोला चौक चौंसठ सोला चौक कितना है चौसठ है तो कितना आएगा सर छह सौ चालीस पहले जोड़ लो या पहले माइनस कर लो पहले जोड़ लेते हैं तो सर जोड़ेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट चार ध्यान से समझना चार पांच ग्यारह أه oh, نيني yeah, <coughs> हाँ पॉइंट चार छह पाँच ग्यारह नोट दो ग्यारह रे कितना हो गया सर बारह हो गया और चार रे कितना हो गया पाँच हो गया अब माइनस करना छः सौ चालीस तो सर आंसर माइनस में आएगा आंसर किस में आएगा आंसर माइनस में आएगा अब हमें ये चेक करना कौन सा आएगा लेकिन माइनस में तो बोलोगे कि सर एक काम करते हैं डायरेक्ट घटा लेते हैं छः में पाँच निकालो तो बोलोगे सर इधर तो कितना आ गया लगभग देख लो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है नो और बोलोगे सर यहाँ पर कितना आ गया Uh, तीन आ गया एक आ गया और यहाँ पे कितना आ गया सर एक आ गया एक सौ उन्नीस मतलब एक सौ अठारह आएगा घटाओगे ना तब कौन सा आंसर आएगा एक सौ अठारह एक सौ अट्ठारह पॉइंट छ बोलोगे कोई तकलीफ कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ठीक है आराम से घर पे बैठ के सोल्यूशन कर लेना एक ऐसा प्रश्न और लेंगे भाई बढ़िया क्वेश्चन लिया है क्योंकि अब धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाएगी परसेंटेज मुझे लग रहा है कि ये परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है ऐसा क्यों लग रहा है भाई मुझे सर क्या पता, लास्ट ही हो सकता है देखेंगे फिर एक का भी होना चाहिए या फिर हम करवा देंगे पहला मौका आपको दे देंगे देखो 480 का 25 परसेंट तो लिख लो पहले बोलोगे जी वास्तव में आपकी तैयारी देखकर है ना जो मान लो कोई नया बंदा यदि हमसे जुड़ रहा है और आपकी इस की तैयारी देखकर वास्तव में वो बंदा भी बहुत चक्का हो जाएगा कि यार आर्मी स्टडी वाले क्या पढ़ाते हैं तो इतनी फास्ट आंसर ना दिया करो है ना इतना हाँ बिल्कुल बिल्कुल आगरा भाई ये आपकी ख्वाहिश हम वादा करते हैं पूरा करके जाएंगे ठीक है जी तो थोड़ा सा है ना आंसर की स्पीड थोड़ी डाउन कर दो नहीं तो दूसरा वाले ना वो डर जाएंगे कि भाई ये क्या चल रहा है ये तो कुछ बक्सी नहीं रहे ठीक है जी ये तो टीचर से पहले भी आंसर दे रहे हैं जी अच्छा जी सर हमें तो आंसर देना है। दुनिया क्या सोचे हमें क्या करना है गड मेरे से जी तो पांच का तीस प्लस फिर कितना है नब्बे का एक्स फिर क्या है नब्बे का एक्स परसेंट बोलोगे हाँ जी जो जो दे रखा लिखते जाओ फिर बराबर है 900 का कितना है 900 का 35% परसेंट है 900 का कितना है गुरुदेव का 35% का ये परसेंट है दे रखा है हमने इसको ओपन किया 480 का 25, 500 का 30, नब्बे का x और 900 का 35 बीच में क्या है बराबर का चिन्ह तो इसको सोल करो तो सर ये हो जाएगा पच्चीसौक सो चार से काटेंगे ना तो ये आ जाएगा एक तो बोलोगे कि सर ये वाला तो आया एक फिर है प्लस अब सर दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा पांच से या पंद्रह ये कितना आ जाएगा डेढ़ सौ अब ये प्लस ये जीरो से जीरो कट जाएगा और कितना आ जाएगा नो एक्स बटा दस यही तो आएगा जी अब बोलोगे बराबर है तो दो जीरो से दो जीरो तो कट गया तो गुणा करवाओ नौ पंजे पैंतालीस कितना आ गया चार नौ तिया सत्ताईस सत्ताईस और चार कितना हो गया इकतीस तो कितना हो गया तीन ठीक है जी अब इनको जोड़ लो इनको जोड़ के उधर भेज दो तो ये कितना हो गया 270 ये 270 को इधर भेज दो इस 270 को इधर भेज दो तो 270 को इधर भेजोगे तो माइनस कर दो कितना आ रहा है देखिए बोलोगे कि सर 9x एक्स अपॉन दस बोलोगे हाँ जी तो कितना आया गुरुदेव फाइव बोलोगे हाँ जी तो यहां पे कितना आ गया चार तो पैंतालीस आया पैतालीस अब नीचे एक मान लो और सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा बोलोगे हां जी नो पंजे पैंतालीस वज्र गुणा करोगे ना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पचास आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पचास कुछ नहीं था पर्सन इजी था लेकिन थोड़ा सा लेंथ था पर्सन इजी था लेकिन थोड़ा सा क्या था लेंथ था बाकी कुछ नहीं था तीन सौ पंद्रह में से दो सौ सत्तर घटाएंगे तो कितना आएगा पैंतालीस आएगा तो नो एक्स अपॉन दस बराबर पैंतालीस आ जाएगा वज्र गुणा करके सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा पचास पर्सन इजी था ठीक है लेकिन थोड़ा सा क्या था लेंथी था ठीक है जी अच्छा जी सर कितने बजे तक है बारह बजे तक है भाई बारह बजे तक ठीक है जी ये प्रश्न ये प्रश्न बताना है देखो बोलोगे हां जी ठीक है जी ये पर्सन वापस आया वो कलम वाला आया था ना अभी कलम वाला वैसा ही पर्सन है मूल का मतलब पुराना बताना है मूल का मतलब कौन सा बताना है पुराना मूल वास्तविक वास्तविक मतलब पुराना जल्दी से बता दीजिए कि इसका क्या आंसर होने वाला है ठीक है जी जल्दी बताओ भाई जल्दी <coughs> इसका हम वेट करेंगे अभी समझाया है और चार पांच ऐप में करवा रखा है हिंदू पंकज आगरा गॉड अंकित ठीक है मजा आ गया मजा आएगा मजे को हम गुलाम बना देंगे तुम टेंशन कर रहे आगरा भाई, भाई हम ये रात को बताएंगे ये रात के रात्रि बारह बजे बताएंगे पहले नहीं बताएंगे ठीक है जी अच्छा जी गेहूं के प्रति केजी मूल्य में बीस प्रतिशत की कमी तो बीस प्रतिशत का मतलब एक बटा पांच तो एक बटा पांच का मतलब पांच में एक की कमी हो गई तो पांच में एक की कमी होगी तो पांच का कितना हो गया चार ये पुराना वाला है ठीक है और ये कौन सा है गुरुदेव ये नया वाला है ठीक है और वस्तु या वजन इसका उल्टा होता है बताया था कि उल्टा होता है चार पांच तो सर यहाँ पे यहाँ पे मैं पहले चार केजी खरीदता था चार केजी अब पांच केजी खरीद रहा हूं और कितना एक पर्सन कह रहा है नहीं कितनी के जी केजी के जी पुराना निकालना है तो पुराना से गुणा करवा दो कितना के जी आ गया बीस के जी आ गया बीस के जी लेकिन मुझे तो मूल्य बताना है रुपए कितने आठ सौ आठ सौ रुपये में मैं बीस के जी खरीदता हूं आठ सौ रुपए में कितना खरीदता हूं आठ सौ रुपए में बीस के जी खरीदता हूं तो बीस का भाग दे दो जीरो से जीरो तो बोलोगे कि सर कितना आएगा चालीस रुपए प्रति के जी आएगा मतलब गेहूं का भाव है वो चालीस रुपए प्रति के जी है कितना है भाई चालीस रुपये प्रति के जी है ये अब की बार हमें पुराना वाला पूछा है अब की बार हमें पुराना वाला पूछा है नया वाला नहीं पूछा ये ध्यान रखना ये गलती मत कर देना जी तो ये आपका प्रतिशत द एड प्रतिशत को हमने अभी कर रहे हैं विदा और विदा कर रहे हैं इसी के साथ हम एक क्या कर देते हैं मोटिवेशन लाइन सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए मंजिल पाने के लिए ठीक है बोलोगे हाँ जी तो अब देखिए अब हानि में अग्रसर होते है भाई <coughs> की हमने बजा दी बैंड ठीक है जी अब देखिए किसी वस्तु का बिक्री मूल्य लागत मूल्य का आठ बजटा पांच है ठीक है जी प्रतिशत की आपने धुआं धुआं कर दी हम बहुत खुश हैं बिल्कुल लक्ष्मण भाई हमने आपका नाम लिया बहुत खुश हैं क्युं? क्यों क्योंकि प्रतिशत में हमने पता कर लिया कि आपके नंबर नहीं कटने वाले आप पूरे के पूरे ठोक के आओगे प्रतिशत में देखो यहां पे क्या बोला कि बिक्री मूल्य है ना बिक्री मतलब विक्रय विक्रय है ना विक्रय वो बोला किसका लागत का लागत किसे बोलते हैं ऐसे तो बोला लागत का कितना है लागत का आठ बटा पांच है ये बात इसने बोली है ठीक है जी मैंने ये बताया था कि जिसके साथ का लगा हो जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे वाला होता है जो बच गया उसका मान ऊपर वाला होता है यही बताया होगा कि बिल्कुल सर बताया तो यही है तो आप बताओ लागत तो कितना है लागत लागत बोलते हैं क्रय मूल्य को ठीक है जी तो लागत और विक्रय तो लागत तो कितनी है भाई लागत तो पांच है और विक्रय कितना है विक्रय है आठ तो जरा आप हमें ये बताइए क्या कि सर पांच का आठ में बेचता हूं तो तीन का प्रॉफिट हुआ है किस पे पांच पे परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा ठीक है जी तो पांच दूनी कितना हो गया दस तो कितना आ गया गुरुदेव साठ परसेंट आएगा सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी आनंद आया होगा मजा आया होगा ठीक है जी जरा हमें यह बता दीजिएगा मेरे भाई ठीक है ये भी बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई जल्दी बताइए ठीक है जी इसकी धुआं धुआं कर दीजिए भाई <coughs> अरे नितेश भाई आपका नाम ले लिया ना हमने कब कहा हम आपका नाम नहीं लेंगे जब हम भाइयों का नाम नहीं लेंगे तो बताओ किसका नाम लेंगे ठीक है <coughs> <थीके>? जी <coughs> बोलोगे हाँ जी. अब देखिए अब बोलोगे कि सर यहां से बात करें कि छह केलो का देखो एक भाई बोल रहा है कि सर इंग्लिश में भी लेके आया करो देखो इंग्लिश की समस्या क्या होती है हमारे जो भी शेर पढ़ रहे हैं ना वो लगभग नाइनटी परसेंट किससे हिंदी मीडियम से हैं ठीक है थीके? तो उनको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे ना तो और के दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इंग्लिश लेके आएंगे तो कुछ वर्ड फिर इंग्लिश में निकलेंगे और हमारे जो नब्बे ठीक है तो इसलिए हम हिंदी में लेके आते हैं ठीक है थीके? जी हैलो का बिक्री मूल्य छो का बिक्री मूल्य तो बिक्री है बिक्री किसे बोलते हैं विक्रय को किसको बोलते हैं भाई विक्रय को बोलते हैं तो विक्रय है और फिर आठ क्या है लागत लागत को हम क्या बोलते हैं कर और फिर क्या बोला है गुरुदेव फिर बोला है बराबर फिर क्या बोला है बराबर तो अब हमें कर और विक्रय निकालना है क्या निकालना है कर और विक्रय निकालना है तो गलती मत कर देना जल्दीबाजी में तो करे तो कर चाहिए ना तो कर लो कर ये है ये इसको दबा लो इसको दबाओगे ना तो छ दिखाई दे रहा है और सर विक्रय चाहिए तो विक्रय को दबा दबा लो कितना दिखाई दे रहा है आठ दिखाई दे रहा है अब आप बोलोगे कि सर छह से कितना हो गया छह से आठ हो गया तो कितने का प्रॉफिट हुआ दो का प्रॉफिट हुआ किस पे छ पे और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा तो सर कैंसिल कर दें यस मेरे भाई दो एकम दो दो तीन छह तो सौ में तीन का भाग दोगे तो में तीन का भाग दोगे आंसर कितना आ जाएगा तैतीस पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज यही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन अच्छा लगा आपने फिर से तूफान मचा दिया अरे नहीं भाई तैतीस पॉइंट थ्री थ्री आएगा आठ पे नहीं निकलेगा किस पे निकलेगा बाबू सिक्स पे निकलेगा सिक्स गलती कर रहे वापस समझा देते हैं कर निकालना है कर तो ये ये है ये है कर ध्यान रखना है तो कर चाहिए तो करे को दबाओ छ चाहिए तो विक्रय को दबाओ कितना आएगा आठ आएगा ये गलती मत कर देना है ना जी गुरु जी चलो अगला प्रश्न बताओ फिर बोलोगे हाँ जी <coughs> देखो भाई जल्दी से बताओ अब देखो अब बोला एक व्यक्ति किसी वस्तु को पंद्रह प्रतिशत लाभ पर बेचता है छह रुपए अधिक पर बेचता तो अठारह प्रतिशत का लाभ होता व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी ये हमें बताना है क्लियर जी गुरु जी बात क्या है एकदम क्लियर है ठीक है आपकी इजाजत हो तो हम एक बार है ना ब्लेजर को निकाल देते थोड़ी सी गर्मी सी महसूस कर रहे हैं हम है ना जी निकाल दो सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है चलो हमने निकाल दिया ठीक है जी अब चलते हैं देखिए अच्छा जी अब देखिए यहां से क्या बात आती है कि सर यहां पे सौ रुपए की वस्तु थी कितने रुपए की वस्तु थी सौ रुपए की पंद्रह परसेंट लाभ लाभ हो तो सौ में ऐड कर दो कितना हो गया एक सौ पंद्रह पहले लाभ पे काम करेंगे फिर लाभ कितने का है फिर लाभ है अठारह का तो कितना हो गया एक सौ अठारह लाभ हो तो सौ में ऐड करते हैं और हानि हो तो सौ में से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं क्लियर बोलोगे हाँ जी अब आप बोलोगे कि सर यहां से कितने का प्रॉफिट हुआ गुरुदेव यहां पे तीन का प्रॉफिट हुआ तीन का पर्सन कह रहा है नहीं, कितने का हुआ है? है। का हुआ है? हमारी वैल्यू का एक बनाना है तो एक बनाना है तो भाग दे दो छह अपॉन थ्री और टोटल निकालने के लिए सौ से गुणा करवा दो क्लियर जी तो आप बोलोगे सर तीन दुआ कितना गया? और हो गया गुणा करवा दो कितना आएगा दो वाह गजब सर गजब तो सी ऑप्शन हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बोलोगे हाजी गुरु जी कोई तकलीफ वाली बात कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है जी आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करते हैं यहां से क्या बात निकलती एका वेतन पचास प्रतिशत घटा दिया जाता है ठीक है भाई और 50 प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है तो कितने परसेंट की हानि हुई कितने प्रतिशत की हानि हुई ये हमें बताना है बोलोगे जी जिग्रुचि बता देंगे तो वही हमारे पास सौ रुपए थे तो सौ रुपए में से पचास गठा दिए तो 100 में से पचास गठाओगे तो पचास ही तो बचेंगे बोलोगे हाँ जी सर ये पचास ही बचेंगे इंटू फिर पचास बढ़ा दिया जाता है फिर पचास बढ़ा दिया जाता है तो 100 में ऐड कर दो ऐड कर दो किसमें ऐड कर दो 100 में कमी हो तो 100 में से घटा दो और वर्दी हो तो 100 में ऐड कर दो अब बोलोगे कि सर दो जीरो से दो जीरो कट गया बोलोगे हाँ जी तो अब आप बोलोगे कि सर ये 100 है और ये कितना आ गया ये पिछहत्तर आ गया पिछहत्तर बोलोगे जी अब देखिए यहां से कि सर कमी हुई या वर्दी हुई गुरुदेव कमी हुई है और कितने परसेंट की कमी हुई है 25 परसेंट की कमी हुई है किसकी कमी हुई है 25 परसेंट की कमी हुई है बोलोगे हाजी गुरु जी बात 100 परसेंट क्या है सत्य है लेकिन जिन भाइयों ने शेयर नहीं किया शेयर कर देना जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देना हम आप ही के लिए तो मेहनत कर रहे हैं सर ऑनलाइन बारह बजे तक चलेगा हम बहुत सारा आज प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत सारा भाई बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे देखिए देखिए बोलोगे जी हाँ जी बड़े प्यार से से अच्छा जी, अरे एक विक्रेता में के हिसाब संतरे खरीदता और तीन रुपए में दो के हिसाब से बेच देता तो क्या परिणाम रहा देखो मैंने कहा था ना रुपए पहले लिखते हैं और वस्तु वस्तु बाद में लिखते हैं बोलोगे हाँ जी पहला रुपए कितना है पहला रुपए छह है और सर इधर कितना है इधर फाइव है फिर रुपए कितना है बोलोगे सर फिर रुपए तीन है बोलोगे हाँ जी और वस्तु कितनी है दो तो याद हो तो मैंने बताया था ना तिरछा गुणा करवाते याद आया तिरछा गुणा करवाते है दूनी बारह तो दूनी बारह और ये कितना आया सर तीन पंजे पंद्रह तो ये आ गया पंद्रह बोलोगे हाँ जी तो सर पहले वाला क्रय होता है और बाद वाला विक्रय होता है विक्रय तो मैं बारह में खरीदा और पंद्रह में बेचा मैं बारह में खरीदा और पंद्रह में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ तीन का प्रॉफिट हुआ किस पे बारह पे और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा अब आप बोलोगे कि सर तीन एकम तीन तीन चौक बारह तो बोलोगे कि सर सौ में चार का भाग दे दो तो सौ में चार का भाग देंगे कितना परसेंट आ जाएगा पच्चीस परसेंट की लाभ होगा क्या होगा लाभ हानि नहीं होगी बारह से पंद्रह में बेच रहे हैं तो यहां पे लाभ होगा बारह से पंद्रह में बेचेंगे ना तो यहां पे क्या होगा भाई लोगों लाभ होने वाला है बोलोगे हाजी गुरु जी गुरुजी, ये बात एकदम है असत्य है क्लियर जी गुरु जी क्लियर है आगे देखो अगला प्रश्न ठीक है जी ये बढ़िया प्रश्न है ठीक है और मैंने कहा भी था क्या ऐप के अंदर की इम्पोर्टेंट है क्या है इंपोर्टेंट है बिक्री मूल्य पर 10 परसेंट की हानि होती है मैंने कहा था ना जब बिक्री मूल्य पे हानि दे दे बिक्री मूल्य पे लाभ दे दे तो क्या करते हैं हम बिक्री मूल्य को ही सो मान लेते हैं देखो एक तो होता है करह एक तो होता है भाई करह और एक क्या होता है एक होता है विक्रय तो यहां पे विक्रय को सो मानेंगे क्यों क्योंकि हानि किस पे दे रखी है बिक्री मूल्य पे Ó, और मैंने कहा था जब बिक्री मूल्य पे दे देना दे तो बिक्री मूल्य को ही हम क्या मानेंगे सो अब हमें कर मूल्य निकालना है भाई हमें क्या निकालना है कर मूल्य तो कर मूल्य निकालोगे ना तो ये दस की हानि हो रही है ये दस की क्या हो रही है हानि तो मुझे कोई बताएगा कर मूल्य कितना आएगा अरे गुरुदेव कर मूल्य एक सौ दस आएगा करय मूल्य कितना आएगा 110 सौ क्यों क्योंकि 110 में खरीदूंगा और 100 में बेचूंगा तभी तो मेरे भाई 10 परसेंट की आनी होगी जी गुरु जी तो बोलोगे सर हमें अब करे मूल्य पे बताना किस पे बताना है लागत पे बताना है लागत पे तो सर 10 का नुकसान हुआ किस पे 110 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा जीरो से जीरो अभी 11 किसी से नहीं कटेगा 11 नीचे रहेगा तो यहां नीचे 9 है और यहां पे नीचे क्या है 11 तो यही ऑप्शन सही है यही ऑप्शन सही है बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा और ये मैं कम से कम आपको दो तीन प्रश्न करवाए थे ऐसे ठीक है जी बोलोगे हाँ जी

विक्रय मूल्य बोलोगे सर विक्रय मूल्य पहले दिया है पहले तो पहले कितना है पांच और बाद में करे मूल्य है तो बाद में क्या दे रखा है चार तो बोलोगे कि सर करे तो कितना है करे तो चार है चार बोलोगे हाँ जी और सर विक्रय कितना है विक्रय पांच देखो उल्टा लिख के दे रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ उल्टा लिख के दे रहा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कैसे पांच अनुपात चार तो आप गलती करोगे जल्दी से और सर एक की हानि होगी पे पांच पे इंटू सो और ये करके आ जाओगे लेकिन देखो ये उल्टा करके दे रखा उल्टा कैसे पहले विक्रय मूल्य बोला है तो पहले विक्रय मूल्य होगा बाद में करे मूल्य बोला है तो बाद में करे मूल्य होगा ये गलती मत कर देना जल्दीबाजी में ध्यान रखना है तो सर चार कर मूल्य था पांच विक्रय मूल्य था तो बोलोगे सर एक का प्रॉफिट हुआ किस पे चार पे और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा और बोलोगे कि सर चार से काटेंगे पच्चीस आ जाएगा और पच्चीस परसेंट का क्या होगा प्रॉफिट का क्या होगा प्रॉफिट तो ये गलती मत करना ठीक है और मुझे उम्मीद है कि कभी भी आर्मी स्टडी के शेर और सेनी गलती कर ही नहीं सकते इतना कॉन्फिडेंस है सर बिल्कुल मेरे भाई आप बहुत बिलीव है क्यों क्योंकि आप तूफान की तरह इलाज कर दोगे ठीक है जी अब देखो देखो किसी वस्तु के चार प्रतिशत और तीन प्रतिशत लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर तीन है देखो मैं मान लेता सौ रुपए कि सर सौ रुपए है कितने हैं मेरे भाई सौ रुपये है सौ रुपये अब आप बोलोगे कि सर ये सौ रुपये है बिल्कुल मेरे भाई सौ रुपये अब आप बोलोगे कि सर सो पे कितने का लाभ है चार का लाभ है तो एक सौ चार सर यहां पे कितने का लाभ है सर तीन का लाभ है तो कितना हो गया एक सौ तीन सोपे चार का लाभ है एक सौ चार हो गया सो पे तीन का लाभ है एक सौ तीन हो गया तो कितने का अंतर आया गुरुदेव इन दोनों में कितने का अंतर आया एक का पहले परसेंटेज पे काम करते हैं पहले किस पे काम करते हैं परसेंटेज पे तो एक बराबर कितना आया एक बराबर तीन आया तो बोलोगे क्रय मूल्य चाहिए इसलिए सौ से गुणा करवा दो तो सौ से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा तीन सौ तो बोलोगे सी ऑप्शन तो सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोलोगे हाँ जी क्लियर जी गुरु जी बात एकदम हंड्रेड परसेंट सत्य है जी अच्छा जी अगला प्रश्न आप ही करोगे तो भाई हु? अगला प्रश्न करके दिखाओ हमने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है सीधा का सीधा का प्रश्न हमने नहीं दिया कुछ परिवर्तन किया है ये करके बताओ हम तब तक पानी पी लेते हैं जो मान लो टिक गया जो आज मैंने जितने टॉपिकों का प्रश्न लिया है वो टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे सर जो नहीं टिका भाई साहब फिर उसको दिन भर ये परसा निकालने पड़ेंगे क्लास वापस देखनी पड़ेगी एक क्या होता है लाइव में मजाक मजाक में क्लास क्लियर हो जाती है ठीक है और बाद में क्लास लेते हैं ना तब वो लंबी क्लास बहुत लंबी लगने लग जाती है तो इसलिए साथ की साथ लो आनंद भी आता रहे एक वस्तु का कर और विक्रय तेरा अनुपात नो है और विक्रय पहले करे है बाद में विक्रय है कितना अनुपात है गुरुदेव यह है तेरा अनुपात नो तेरह अनुपात नौ बोलोग हाँची अब हानि दे रखी है हानि कितने की है हानि तीन सौ बीस की है भाई हानि कितने की है हानि है ना हानि वो तीन सौ बीस की है यहाँ पे हानि देखो यहाँ पे हानि कितने की है गुरुदेव यहाँ पे हानि चार की है चार की और प्रसन्न में कितने की है प्रसन्न में तीन सौ बीस की है तीन सो बीस की तो वन बराबर कितना आ जाएगा भाग दे दो चार अट्ठे बत्तीस कितनी आ जाएगी चार अट्ठे बत्तीस अस्सी आ जाएगी अस्सी बोलोगे जी पूछा क्या है करय और विक्रय का जोड़ पूछा है करय और विक्रय का जोड़ पूछा है तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा इन दोनों का जोड़ कितना आएगा इन दोनों का जोड़ है ना इन दोनों का योग है ना वो योग कितना आएगा बोलोगे कि सर योग आएगा बाईस बोलोगे जी तो फिर बाईस से गुणा करवा दो जी करवा दिया जी तो जीरो आठ दुनी सोलह कितना हो गया सत्रह तो आंसर कितना हो जाएगा सत्रह सौ साठ आंसर कितना हो गया सत्रह सो साठ कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन आपका परफेक्ट है डी ऑप्शन आपका क्या है भाई डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है सही है गट बोलोगे हाँ जी गुरु जी आगे चले जी सत्रह दोनों का योग पूछा है <coughs> सर बाईस से क्यों करवाया ये बोल रहा है कि कर और विक्रय का योग बताओ तो कर तेरा है विक्रय नौ है योग हो जाएगा तो योग पूछा हमसे, तो फिर हमने किससे गुणा करवा दिया योग से योग से गुणा करेंगे कितना आएगा सत्रह सौ और साठ ये थोड़ा हमने परिवर्तन किया ताकि थोड़ी सी समस्या पैदा हो लेकिन बहुत सारे शहरों के समस्या पैदा नहीं हुई ठीक है बोलोगे वक्त ने फसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ वक्त ने फसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ हालातों से हार जाऊँ हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ मैं वो इंसान नहीं हूँ तो मेरे दोस्त मैं हर बार यही कहता हूँ कि हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी हमारे सामने बहुत सारी परिस्थिति आएंगी लेकिन हमें कभी रुकना नहीं है हमें कभी थकना नहीं है हमें सिर्फ संघर्ष जारी रखना है और वो संघर्ष ही हमें सफलता दिलाएगा और संघर्ष हमें क्या रखना है रखना सर एक क्वेश्चन गलत हो गया कौन सा हो गया भाई गलत अच्छा होगा बता देंगे लास्ट में आपसे पूछ लेंगे कोई मिस्टेक होगी तो ठीक है जी अच्छा जी अब देखो अब बढ़िया प्रश्न लेंगे तूफान मचाने वाले प्रश्न आएंगे आप खुद भी बोलोगे सर मजा आ रहा है देखिए अब देखो एक दुकानदार 27 लोटे जूते बेचकर एक दुकानदार को 27 लोटो के जूते बेचकर सात लोटो जूतों के बिक्री याद करो बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है मैंने कहा था पर्सन में क्रय मूल्य दे तो फिर इसको क्रय मूल्य मानना है बिक्री दिया है यहाँ पे क्या दिया है बिक्री दिया है तो भाई इसको क्या मानना है बिक्री मानना है विक्रय मूल्य मानना है क्या मानना है विक्रय मूल्य बोलोगे हाँ जी बताया था इसे प्रश्न बहुत सारे करवाए थे आपने कहा था सर और प्रश्न करवाइए और करवाइए तो फिर हमने लाइन निभा दी थी भाई करो जितना हो सके उतने प्रश्न करो लेकिन क्लियर होना चाहिए ठीक है जी तो बिक्री कितना है गुरुदेव बिक्री तेबिस है अब हमें करह निकालना है अब हमें क्या निकालना है अब हमें करह निकालना है तो सर इस पर प्रॉफिट हो रहा है सात का क्या हो रहा है सात का प्रॉफिट हो रहा है सात का मतलब भाई सात का क्या हो रहा है सात का प्रॉफिट हो रहा है तो सात का प्रॉफिट हो रहा है तो सर तो ये करह कितना रहा होगा सोलह रहा होगा तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो सात का प्रॉफिट हुआ किस पे सोलह पे परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा तो बोलोगे कि सर यहाँ पे कितना आएगा चार चौक सोलह और ये कितना हो गया 25 तो 25 सत्ता एक सौ पिछहत्तर तो एक सौ पिचहत्तर में चार का भाग दो तो चार चौक सोलह चार चौक सोलह और यहाँ पे कितना बच गया एक चारतियां बारह तितालीस पॉइंट कुछ आएगा तयलीस पॉइंट कुछ आएगा तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन सही है तयालीस पॉइंट कुछ बताया था ये जी तो तेयलिस पॉइंट कुछ हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा यमन भाई बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे बिल्कुल मेरे भाई थैंक्स ठीक है जी अच्छा जी आगे चले जी गुरु जी आगे चले अगली बात यहां से क्या होने वाली है जी ये प्रश्न बताओ बहुत देर हो गई मजे मारते हुए हम्म हा भाई बहुत देर हो गई मजे मारते हुए हमें ये प्रश्न करना है ये प्रश्न हमें करना है बोलोगे हाँ जी ये प्रश्न बताइए ये, ये जो बेईमान ये बेईमान दुकानदार आता है ना बेईमान दुकानदार वो वाला प्रश्न बताइए बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न बताइए ये अच्छा अच्छा सर ये बेमान दुकानदार का प्रश्न हम बता देंगे देखो <coughs> होता क्या है मैंने ये बताया था याद हो तो देखो लेकिन किलोग्राम वजन के बदले किलोग्राम मतलब इसका मतलब होता है एक किलोग्राम एक किलोग्राम का मतलब कितना होता है हजार ग्राम होता है एक किलोग्राम का मतलब कितना होता है गुरुदेव हजार ग्राम होता है हजार ग्राम ठीक है जी अब मैंने आपको बताया था कि ये आठ ग्राम है अब मैंने ये बताया था कम वजन तो करे मूल्य में लिखा जाता है कम वजन है ना कम वजन तो वो तो किस में लिखा जाता है कम वजन तो क्रय मूल्य में रखा जाता है और ज्यादा वजन किस में लिखा जाता है ज्यादा वजन विक्रय मूल्य में लिखा जाता है विक्रय मूल्य में बोलोगे हाँ बोलोगे कि सर यहाँ पे लाभ हो रहा है कितने का लाभ हो रहा है गुरुदेव यहाँ पे 100 900 125 का लाभ हो रहा है 125 का लाभ किस पे होगा गुरुदेव आठ पे होगा आठ पे और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा तो सर कैंसिल करो चलो हम कैंसिल कर देते हैं ठीक है जी तो सर पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस पच्चीस से काट रहा हूँ मैं पच्चीतियाँ पिछहत्तर पिछहत्तर के बाद में कितने बच गए बोलोगे सर ये पिछहत्तर पच्चीतियाँ पिछहत्तर पिछहत्तर के बाद में बारह बच गए पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस पांच सात पैंतीस तो सो में सात का भाग देंगे तो कितना आएगा तो बोलोगे कि सर यह आएगा चौदह सही दो बटा सात तो सो में सात का भाग दोगे ना तो चौदह सही दो बटा सात आएगा कितना आएगा चौदह सही दो बटा सात बोलोगे हाँ जी एक भाई बोल रहे बिजू सर से बात करनी है बिजु सर से बात अभी क्लास में थोड़ी करवाएंगे भाई जी ठीक है के हाची गुरु जी क्लियर देखिए अगला प्रश्न करके दिखाओ अगला प्रश्न करके दिखाओ तब माने हम तो कि वास्तव में तुम आरमिशी के शेरी हो जी अच्छा जी देखिए अब देखिए भाई ठीक है जी नब्बे लीटर पेट्रोल बेचकर एक व्यक्ति को तीस लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य भाई यहां पे बोला है क्रय मूल्य तो फिर इसको क्या मानना पड़ेगा क्रय मूल्य मानना पड़ेगा क्रय मूल्य क्या होती है हानि तो बोलोगे सर अब की बार क्रय मूल्य मानेंगे क्योंकि यहां पे क्रय मूल्य लिखा हुआ आया है तो बोलोगे सर ये है विक्रय है, है। बोलोगे हाँ जी <coughs> तो सर आप ये बताइए जरा क्या कि सर कितना मान लिया नब्बे और इस पे हो रही है हानि हानि कितने की है तीस की हानि है तीस की सर विक्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी नहीं विक्रय मूल्य की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर विक्रय मूल्य की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लाभ और हानि किस पे निकाली जाती है लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकाली जाती लाभ और हानि किस पे निकाली जाती है लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकाली जाती है इसलिए उसकी हमें जरूरत ना पड़ेगी ठीक है तो बोलोगे कि सर तीस का नुकसान हुआ है किस पे हुआ गुरुदेव नब्बे पे हुआ है और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा अब आप बोलोगे कि सर यहां से अपन देखेंगे तीस से कम तीस तीस या नब्बे तो सो में तीन का भाग दो तो सौ में तीन का भाग देंगे कितना आएगा तैतीस पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज तो ये ध्यान रखना है यहां का कि यहां पे क्रय दे रखा है तो क्रय मानना है और यहां पे विक्रय दे रखा है तो फिर विक्रय मानना है क्लियर जी अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न क्या कहता है भाई लोगों देखिए बड़े प्यार से समझिए एक वस्तु को चार सौ पचपन रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को तीस प्रतिशत की हानि होती है ठीक है तीस प्रतिशत लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए तो मेरे भाई पहले हम किस पे काम करेंगे पहले किस पे काम करेंगे हम परसेंटेज पे काम करेंगे। जी तो बोलोगे कि सर हम सौ रुपए मान लेते हैं सौ रुपए अब बोलोगे कि सर सौ रुपए मानोगे ना तो यहां पे कितने की हानि होगी तीस की हानि 30 की हानि होगी तो कितना हो गया गुरुदेव सत्तर हो गया सत्तर बोलोगे हाँ जी <coughs> और जिन शहरों ने लाइक नहीं किया ना लाइक कर देना भाई ठीक है जी अब आप बोलोगे सर फिर देखो 30 की हानि होगी तो तीस का ही क्या कमाना है तीस का ही लाभ कमाना है तो तीस का लाभ तो कमाएंगे कितना हो जाएगा गुरुदेव एक सौ तीस अब देखो आपको ये विक्रय मूल्य दे रखा है देखो बेचने पर यहां पे क्या लिखा है बेचने पर बेचने पर विक्रय मूल्य होता है तो ये क्या है विक्रय मूल्य कौन सा हानि वाला है कौन सा विक्रय मूल्य है ये हानि वाला विक्रय मूल्य तो बोलोगे सर सत्तर बराबर कितना आया चार सौ पचपन बोलोगे हाँ तो वन बराबर कितना आएगा वन बराबर आएगा? चार सौ पचपन सत्तर और हमें ये चाहिए इससे गुणा करवा दो अब आप बोलोगे कि सर सोल कर लो जीरो से जीरो कट गया सात छिगु बयालीस और सात पंजे पैंतीस तो तेरा पंजे पैंसठ कितना बच गया अच्छा छिगानी अठहत्तर तो कितना गया? आ गया चौरासी आठ सौ तो कौन सा ऑप्शन सही है आठ सौ आपका परफेक्ट आंसर है सही है बोलोगे हाँ अगला प्रश्न देखो आप बोलोगे आप बोलोगे कि सर एक कपड़ा विक्रेता के एक पूरे स्टोक को बेचता एक कपड़ा विक्रेता क्या करता है एक कपड़ा विक्रेता पूरे स्टॉक को बेचता है ठीक है जी और 10 परसेंट का नुकसान होता कुल है कुल हानि है तीन हजार कितना मान लेते हैं सो तो क्रय मूल्य आप सो मानोगे ना तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा नब्बे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा नब्बे तो आप ये बताओ तीन हजार को किसके बराबर रखा जाएगा क्या तीन हजार को सो के बराबर रखा जाएगा नहीं नब्बे के बराबर रखा जाएगा नहीं क्यों क्योंकि ये हानि दे रखी है हानि भाई लोगों ये क्या दे रखी है हानि तो फिर इसको हानि के बराबर रखेंगे तो हानि कितने की है दस की हानि है और इसमें हानि कितने की है तीन हजार की बोलोगे हाँ जी एक बराबर निकालेंगे कितना आएगा तीन हजार <coughs> बटा दस और मुझे क्रय मूल्य चाहिए क्रय मूल्य चाहिए तो फिर सौ से गुणा करवा दो करवा दिया जीरो से जीरो जीरो से जीरो कट गया तो सर कितना आया तीन सो जाएगा टू हजार आंसर कितना हो जाएगा तीस हजार कौन सा ऑप्शन सही है, है क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर रखा जाएगा विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रखा जाएगा हानि को हानि के बराबर रखा जाएगा लाभ को लाभ के बराबर रखा जाएगा यह बात आपको ध्यान रखनी ठीक है जी अरे नब्बे नहीं चाहिए करह मूल्य चाहिए करह मूल्य पूछा क्या है करह मूल्य सो से सर विक्रय मूल्य पूछता तो विक्रय मूल्य पूछता ना तो फिर हम नब्बे से गुणा करते तो कितना आता सत्ताईस हज़ार ठीक है जी ये गलती ना करो जब प्रश्न के नजदीक जा रहे हो फिर आप मिस्टेक कर रहे हो बाबू ऐसी मिस्टेक ना करनी क्योंकि ऐसी मिस्टेक कर देंगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी एक कुर्सी को पंद्रह सौ रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीदकर बारह में बेच दिया अब बताओ इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा अब इससे बड़ा कौन मूर्ख होगा कि कह रहा है कि पंद्रह में खरीदा बारह में बेचा पंद्रह में खरीदा पंद्रह सौ में खरीदा बारह सौ में बेचा एक भाई बोल रहा है वीडियो बेचू कि नहीं समझ आ रहा सर समझाए फिर से बेटा उसके लिए कोर्स लेना पड़ता है उसके लिए कोर्स लीजिए बात जीरो से पढ़िए और फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे एक बेनिफिट मिलता है ठीक है जी ठीक <coughs> है जी डायरेक्ट कभी भी पर्सन समझ नहीं आते पहले इनके बेसिक समझने पड़ते हैं फिर इनकी थोड़ी समझनी पड़ती है फिर उस पर आधारित प्रसन्न करने पड़ते हैं और ये तो जितना टॉपिक पढ़ा दिया ना उसकी प्रैक्टिस है भाई ठीक है जी बोलोगे हाँ जी तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास पंद्रह सौ रुपए में खरीदा ये चेयर कितने में खरीदा ये चेयर पंद्रह सौ रुपए में खरीदा तो सर बेचा कितने में बोलोगे सर बेचा, 1200 बेचा कितने में बारह सौ में तो आप बताओ इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है दुनिया में तो ये तो नुकसान ही हो गया कितने का नुकसान हुआ तीन सौ का पे हुआ पंद्रह सौ पे और परसेंटेज निकालने के लिए सो से गुणा बोलोगे हाँ जी सर अब आप बोलोगे कि सर दो जीरो से दो जीरो तीन पंजे कितना हो गया पंद्रह और पांच दोनी कितना हो गया दस तो बोलोगे सर बीस परसेंट आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बीस तो बोलोगे सर बीस परसेंट का नुकसान हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल यूपी वाले बाबा काबा काबा है ना है भाई यूपी वाले बाबा काबा का ना चलो आगे चलते हैं देखिए ठीक है जी अच्छा जी ये प्रश्न बताओ बोलोगे हाँ जी एक वस्तु को दस प्रतिशत हानि के बदले दस परसेंट लाभ पे बेचा जाता है मतलब दस प्रतिशत हानि के बदले सर दस प्रतिशत हानि के बदले दस प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है तो हमें ये बताना है तो बीस रुपए ज्यादा मिलते हैं तो हमें क्रय मूल्य निकालना है कि क्रय मूल्य क्या होगा तो देखिए एक सेकंड भाई एक सेकंड करो प्रश्न को तब तक प्रश्न को करो देखो बोलोगे हाँ जी तो सर ये सौ रुपए था कितना था गुरुदेव सौ रुपए था सौ रुपए अब इसपे दस की हानि हो गई दस की हानि हो गई तो कितना आ गया नब्बे और इधर दस का लाभ हो गया तो दस का लाभ हो गया तो कितना हो गया एक सौ दस तो कितने रुपए फालतू ले रहा है कितने रुपए फालतू ले रहा बीस फालतू ले रहा बीस बोलोगे हाँ जी और परसन में कितना है? ओ, में भी बीस ही है हमारे भी बीस ही और परसन में भी बीस ही है। तो एक बराबर बीस बटा बीस करे मूल्य निकालना है तो फिर करे मूल्य से ही गुणा करेंगे तो तो बोलोगे सर 20 से तो 20 कट जाएगा बिल्कुल मेरे भाई 20 से तो 20 कट जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा 100 तो कौन सा सही है बी ऑप्शन आपका सही है बी तो बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है बोलोगे 20 से 20 क्या हो जाएगा कट जाएगा जरा हमें यह बताइएगा जरा हमें ये बताएगा ठीक है जी जरा ये प्रश्न हमें आप बताइएगा कि इसका क्या है देखो लाभ दस प्रतिशत है कर और विक्रय का अनुपात बताना है कर और किसका बताना विक्रय का ये प्रश्न किस किस का सही आता है ये मुझे देखना है किस किस का गलत आता है ये मुझे देखना है ठीक है जी इस पे हम वेट करेंगे दुनिया का सबसे इजी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं <laughs> ये करके दिखाई इससे दुनिया में इजी हो ही नहीं सकता इससे दुनिया में इजी हो ही नहीं सकता हो सकता है क्या नहीं गुरुदेव जिंदगी में नहीं हो सकता ठीक है जी सर अग्निवीर में माइनस मार्किंग है बिल्कुल भाई नेगेटिव मार्किंग है पहले भी थी आज भी है ठीक है जी तो अब देखो आंसर आना स्टार्ट हो गया ठीक है जी देखिए मेरे भाई आप बोलोगे कि सर करें मूल्य को सो मान लो लाभ है ना लाभ लाभ है ना तो सो में ऐड कर दो तो सो में ऐड करते एक सौ दस ये कर है ये विक्रय बोलोगे हाँ जी सो में ऐड करोगे गठाओगे तो क्या आएगा आएगा लाभ है तो ऐड करेंगे जीरो से जीरो तो आंसर कितना आया सर दस अनुपात ग्यारह बस इतनी सी तो बात थी बी ऑप्शन बताओ इससे इजी हो सकता है क्या जी सर भोजन नहीं करेंगे भाई भोजन हम करेंगे आपकी क्लास कंप्लीट होने के बाद ही पहले हम कतई भोजन नहीं करेंगे हम पहले कतई भोजन नहीं करेंगे हम भोजन करेंगे क्लास होने के बाद ठीक है जी आप खाना खा रहे हो तो साथ के साथ खाना भी खा लो और साथ के साथ क्लास भी ले लो ठीक है जी अब देखिए यदि लाभ विक्रय मूल्य का एक बट्टा नो है बोला क्या देखो लिख के समझा देते हैं कि लाभ है ना लाभ वो क्या है विक्रय मूल्य का क्या है, है विक्रय मूल्य का किसका विक्रय का बोलोगे हाँ जी विक्रय का एक बट्टा नो है ठीक है तो मैंने क्या बताया था जिसके साथ का लगे जिसके साथ का लगे जिसके साथ का लगे उसका मान नीचे वाला होता है जिसके साथ का लगे उसका मान नीचे वाला होता है और लाभ कौन, कौन सा होता है लाभ ऊपर वाला होता गुरुदेव लाभ कौन सा होता है लाभ ऊपर वाला होता है क्लियर जी तो देखो सर ये विक्रय मूल्य तो कितना आया गुरुदेव विक्रय मूल्य है ना विक्रय मूल्य नो है भाई नो सर करे करे नहीं पता कितना है लाभ पता है बिल्कुल सर लाभ पता है लाभ का तो पता है हमें तो लाभ कितने का सर, हो रहा है बोलोगे सर लाभ हो रहा है ना वो एक का लाभ हो रहा है एक का कितने का लाभ हो रहा है एक का इसका मतलब कर मूल्य कितना रहा होगा आठ रहा होगा कितना रहा होगा गुरुदेव आठ तो बोलोगे कि सर एक अपॉन कर मूल्य पे निकालना आठ और परसेंटेज निकालने के लिए सो से गुणा तो बोलोगे सर कितना आएगा साढ़े बारह परसेंट कितना आएगा साढ़े बारह परसेंट तो साढ़े बारह परसेंट आपका आंसर आएगा बोलोगे बोलो। <coughs> बोलो जी बोलो बोलोगे जी चलिए जी मतलब जिसके साथ का लगाओ ना उसका नीचे वाला जो बच गया उसका ऊपर वाला हो है आपकी बार करे नहीं है लाभ है तो खुद ही देखिए कि सर नौ रुपए में बेचा नौ विक्रय मूल्य है और एक का लाभ हुआ तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा मूल्य आठ रहा होगा मैं नौ में बेच रहा हूं और एक का प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब खरीदा कितने में होगा आठ में खरीदा होगा ये गलती ये बहुत सारे भाइयों का गलत आया है मैंने देखा अभी है ठीक है जी अब देखिए <coughs> इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं ये उनके लिए है जो कहते हैं ना क्या कि मेरे भाग्य में है तो मिल जाएगी और नहीं लिखी तो नहीं मिलेगी बेटा भाग्य कभी डिपेंड नहीं करता है भाग्य कभी भी डिपेंड नहीं करता है लाइन पढ़िए कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं जो दिन रात मेहनत करके जो उनको अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जो बची कुची सफलता छोड़ दी उन्होंने वो इंतजार करने वालों को मिलती है ये गलती नहीं करनी है हमें लगातार हमें क्या करना संघर्ष करना है ठीक है जी जी अच्छा जी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या आता है बाबू अगला प्रश्न को देखिए देखिए एक वस्तु को तीन रुपए में बेचने पर बारह की हानि होती है तो करे मूल्य बताओ तो गुरुदेव करे मूल्य हम कितना मान लेते हैं करे मूल्य सौ रुपए मान लेते हैं ठीक है जी तो करे मूल्य को हम सौ रुपए मान लेते हैं मान लिया भाई अच्छी अब आप बोलोगे कि सर सौ रुपए अपन मानेंगे ना तो सर यहां पे इसका लाभ हो रहा है बारह परसेंट नहीं हानि हो रही है बारह परसेंट तो कितने में बेचेंगे गुरुदेव अठासी में बेचेंगे कितने में बेचेंगे अठासी में बेचेंगे तो बोलोगे कि सर यहां पे देखो अठासी की वैल्यू सर अट्ठासी की वैल्यू कितनी है तीन सौ बावन सर ऐसा क्यों है ये है और ये क्या है विक्रय और ये बेच रहा है तो ये बेच रहा तो विक्रय विक्रय किसके बराबर रखा जाएगा विक्रय के बराबर तो एक बराबर कितना आएगा एक बराबर आएगा तीन सो बावन कितना आ जाएगा अठासी और मुझे कर मूल्य निकालना है इसलिए किससे गुणा करवा देंगे सो से अब बोलोगे कि आठ कितना हो गया अठासी ग्यारह तैतीस और ग्यारह दूनी बाईस आठ सौ कितना हो गया बत्तीस तो कितना आंसर आएगा चार सौ कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है सही क्लियर जी अच्छा जी पानी की बोतल खाली हो गई भाई यार क्या करें बताओ है? अब डिस्काउंट का आगाज होने वाला है मेरे भाई डिस्काउंट का आघाज होने वाला है ठीक है जी डिस्काउंट का आगाज होने वाला है डिस्काउंट का ठीक है, है जी एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य 1126 है ठीक है जी अब 22 परसेंट की हानि है, है तो हानि है तो सो में से घटा दो ठीक है तो सो में से घटाएंगे तो कितना आएगा अठहत्तर बटासो कितना आएगा अठहत्तर बटा सो अब सर आंसर तो पॉइंटों में आएगा आंसर तो पॉइंटों में आएगा बोलोगे हाजी गुरु जी आंसर तो पॉइंटों में ही आने वाला है ठीक है जी असी, तो 78, तो हानि पूछा सॉरी सॉरी केवल हानि पूछा है केवल के क्या पूछा है हानि तो सॉरी मेरे भाई सॉरी सिर्फ हानि पूछा है तो हानि पूछा है तो सिर्फ यही निकाल दो बाईस बटा सोई सिर्फ क्या पूछा है हानि करे दे रखा है करे दे रखा हानि पूछा विक्रय नहीं पूछा हानि पूछा तो हानि से गुणा करवा दो तो सर क्या आंसर आने वाला है देखिए पॉइंट दो पे लगेगा तो जीरो तो लास्ट में नहीं आ सकता जीरो तो लास्ट में नहीं आ सकता नहीं बारह लास्ट में दो आएगा तो लास्ट में दो सर दो दो ऑप्शनों में है तो दो दो ऑप्शनों में है तो गुणा करवा लेते हैं आप करा के बताइए मुझे गुणा कितना आ रहा है ग्यारह सो इंटू बाईस ये आएगा दो पॉइंट बेहतर जैसे सोल करोगे ना तो दो पॉइंट बेहतर आएगा और ये आएगी क्या हानि आएगी हमसे विक्रय मूल्य नहीं पूछा हमें डायरेक्ट हानि या लाभ पूछा है तो डायरेक्ट हम हानि निकाल देंगे क्लियर जी अब ये लाभ हानि का आघाज खत्म अब भाई किसका चलेगा अब चलेगा भाई किस चीज का बोलोगे कि सर मिक्स करवाएंगे ऐसे नहीं है पहले इजी करवा दिया सारे प्रकार के प्रश्न करवाएंगे टेंशन ना करो देखो ये प्रश्न करवाया था डबल छूट वाला जी आगे देखो अब देखिए अब डिस्काउंट का आगाज हो चुका है देखो प्रतिशत हम करवा चुके हैं लाभ हानि हम करवा चुके हैं लाभ हानि की आप एक दो क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हुई बाकी आपने लाभ हानि की बैंड बजा दी वाह हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया आपके आंसर दे, जब देखते हैं ना स्क्रीन पे चलते हैं राइट आंसर स्क्रीन पे चलते हैं तो हमारा दिल है ना बहुत गार्डन गार्डन हो जाता है सर टाइम टेबल क्या है ऐप में देखो ऐप में तो आप ही को ऐप में जाकर जानकारी लेनी पड़ेगी ये बता सकता हूँ ऐप में मेरी क्लास तीन से पाँच आती है तीन से पाँच आती है और आज तीन बजे से पाँच बजे तक मैंने अनुपात भी स्टार्ट कर दिया था इतना मैं बता सकता हूँ अनुपात समानुपात स्टार्ट करवा दिया था ठीक है जी अब देखिए सर अंकित मूल्य हजार है अंकित मूल्य कितना है हजार रुपये भाई हजार अंकित मूल्य कितना है पे छूट दी जाती है तो पच्चीस को सो में से माइनस किया जाता है पहले परसेंटेज पे काम करेंगे तो सर पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट देगा तो सो में से माइनस कर दो पिछहत्तर बटासो कितना आ जाएगा पिछहत्तर बटासो मतलब हजार रुपए थे कितने रुपए थे हजार रुपए थे कितने रुपए थे हजार रुपए थे हजार में से पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट दे दिया डिस्काउंट को सो माइनस किया जाता है पिछहत्तर बटा सौ तो कैंसिल करेंगे दो जीरो से दो जीरो तो बोलोगे सर कितना आया सात सौ पचास आया कितना आया सात सौ पचास आया अब सात सौ पचास को कितने में बेचा जाता है सात सौ पचास को छह सौ में बेचा जाता है 750 को अब कितने में बेचा जाता है 600 में बेचा जाता है तो बोलोगे कि सर यहां पे डिस्काउंट कितने का हुआ सर चाय 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 बोलोगे हां जी तो आप बोलोगे सर ये कितने का डिस्काउंट हुआ डेढ़ सौ का डिस्काउंट हुआ किस पे 750 पे और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा क्लियर जी तो आप बोलोगे कि सर जीरो से जीरो कट गया पंद्रह पांच कितना हुआ पिछहत्तर पांच से काटेंगे पांच दूनी कितना हुआ दस तो कितना परसेंट आएगा बीस परसेंट तो कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है सही है क्लास में करवाए थे दो परसेंट ऐसे ठीक है जी दो परसेंट करवाए थे ऐसे ध्यान में रखना है पहले हजार रुपए अंकित मूल्य है छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है तो पहली छूट 25 की देगा तो साढ़ा सात सौ हो गया अब साढ़ा सात सौ को 600 सौ में बेचता है तो 600 सौ हो गया तो अब आराम से आप देख सकते हो कि कितना क्या मीटर होगा ठीक है जी एकल छूट बतानी है भाई एकल छूट बतानी है एकल छूट ठीक है जी अरे गुरुजी बता देंगे तीस परसेंट और बीस परसेंट की एकल छूट बतानी है समतुल्य एकल छूट बतानी और एकल एक छूट बताया नहीं था तीस परसेंट और बीस परसेंट की एकल एक छूट बताया था जी गुरु जी सर पहले वाली क्लास मिलेगी हाँ ऐप में पहली वाली क्लास मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी मेरे भाई सारी क्लास मिलेंगी ठीक है जी और बोलोगे हां जी अब बोलोगे सर सौ रुपए थे अब सौ रुपए पे डिस्काउंट है भाई डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट है पहले तीस का डिस्काउंट है तो इसको सौ में से माइनस करो तो सो में से माइनस करोगे कितना आ गया सत्तर इन टू फिर डिस्काउंट कितने का है फिर डिस्काउंट बीस का है तो फिर माइनस कर दो कितना आ गया अस्सी बटा कितना आएगा बटा बोलोगे जी जी गुरु अब बोलोगे दो जीरो से दो जीरो कट गया तो कितना आ गया छप्पन आ गया छप्पन तो डिस्काउंट मिला डिस्काउंट मिला कितने का डिस्काउंट मिला सर सो में से छप्पन माइनस कर दो सो में से छप्पन माइनस कर दो तो कितने का डिस्काउंट आया चौवालिस का डिस्काउंट आया चौवालिस परसेंट का कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन सही है चौवालीस परसेंट तो मेरे भाई चौवालिस यूपी वाला छोड़ा मेरे भाई नाम लिया था ना अभी यूपी में तो चल रहा है यूपी में काबा ठीक है वो यूपी में तो गाना चल रहा है तो मैंने नाम लिया था ना आपका ठीक है जी अब बोलो सर अगला क्वेश्चन आया देखो अब बोलोगे अंकित मूल्य निकालना है अंकित मूल्य तो आप जरा हमें ये बताइए जरा हमें यह बताइए क्या कि सर के ये डिस्काउंट किस पे दिया जाता है डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को कहां रखा जाता है विक्रय मूल्य को बराबर में रखा जाता है तो सर पहले तो लिख लो आप अंकित भाई को याद कर लो इसको याद कर लो अंकित भाई को याद कर लो अंकित भाई को अंकित भाई को डिस्काउंट दे दो 25 तो 25 का डिस्काउंट देगो ना तो 100 में से माइनस कर लो तो कितना पिछहत्तर बटा सो फिर सर 15 का डिस्काउंट है तो कितना आ गया गुरुदेव 100 में से उसको भी माइनस करो पिचासी बटा सो अब सर अंकित भाई तो हो गया लेकिन विक्रय मूल्य को बराबर में रखा जाता है तो पांच सौ पैतीस अपोन कितना आ गया अपोन आ गया एक अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना यहां से बात क्या निकलती है तो सर पहले तो इसका पॉइंट हटाओ तो पॉइंट हटाओगे दो जीरो लग जाएगी बोलोगे हाँ जी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी जीरो से ये वाले जीरो कट जाएगी अब सर कैंसिल करो देखो बोलोगे सर पच्ची तीन पिछहत्तर और पच्ची चौक सो कैंसिल करोगे तो पांच दूनी दस और पांच से काटोगे सत्रह बोलोगे हाँ जी अब पहले इसको तीन से काट लो पहले से काट लो तीन से इसको हम तीन से काटेंगे तो काट तीन तीन. काट सत्रह तो पांच पिछासी ठीक है जी. तो इधर तो आया अंकित इधर तो भाई अंकित आया नीचे कितना आया आठ आया आठ बराबर इधर कितना आया एक सौ पांच बटा एक अब वज्र गुणा करेंगे ना तो वज्र गुणा करवा लो तो कितना आएगा वज़र गुणा करोगे चालीस और आठ आंसर कितना आ जाएगा आठ सौ चालीस कितना आंसर आएगा गुरुदेव आठ सौ चालीस ठीक है बोलोगे हाँ छे ठीक है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत देने वाली थी ठीक है जी तो हमें आराम से मेहनत करके क्लियर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है जी अब देखो इसमें अंकित भाई दे दिया इसमें अंकित भाई दे दिया भाई इसमें अंकित भाई दे दिया बोलोगे हाजी गुरु जी इसमें अंकित भाई दे दिया बोलोगे हाजी सर वो गाना गा दो एक बार ना भाई ना हमें नोटिस आ जाएगा हमें नोटिस आ जाएगा तुरंत ही ठीक है जी अच्छा जी फिर आपको पढ़ाएगा कौन जरा बताइए है भाई आपको पढ़ाएगा कौन है आपको पढ़ाएगा कौन ठीक है. है जी एक कुर्सी का नौ सौ रुपए है एक कुर्सी का अंकित मूल्य नौ सौ रुपये दस प्रतिशत की छूट दी जाती है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए देखो और तो हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते उनके लिए हम तारीफ कर सकते हैं उनकी जिन्होंने वो गाना गाया था काबाल उनके हम तारीफ कर सकते हैं कि वास्तव में उनमें हिम्मत है उनमें बिल्कुल भी डर नहीं है ठीक है वो अपने साहस के और हिम्मत के साथ वो गाना गाया है तो डरने वाले तो उनकी कोई बात ही नहीं है और जो भी युवाओं की बात थी उनको उजागर किया है कि भाई युवाओं का ये ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम तो खुद उनके फैन हो गए भाई जो युवाओं की बात उठाएगा हम उनके फैन हो जाएंगे ठीक है जी अब बोलोगे सर एक कुर्सी का अंकित मूल्य नौ सौ रुपये दस परसेंट की छूट दी जाती है कि सर ये नौ सौ रुपए है नौ सौ दस परसेंट का डिस्काउंट है दस परसेंट का डिस्काउंट है तो कितना हो गया नब्बे हाँ जी. दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी आंसर कितना हो जाएगा आठ सौ दस तो कौन सा ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है सही है पहला ही परफेक्ट आंसर हमारा सही है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है क्लियर जी गुरु जी क्लियर अब देखो जरा हमें यह बताइएगा जरा हमें यह बताइएगा यहां पर भी डिस्काउंट ही निकालना है ठीक है जी, कितने प्रतिशत की छूट दी जाए कि एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य इक्कीस सौ रुपए है और अट्ठारह में बेचा गया मैं मार्केट गया और मार्केट जाने के बाद और मैं मार्केट जाने के बाद बोलोगे कि सर दुकानदार से पूछा भाई क्या ये बुक चाहिए बुक तो भाई साहब उसने बताया इक्कीस सौ पचास रुपये मैंने कहा रहे जा रहे जा क्यों लूट रहा है हमें आप ठीक है जी तो दुकानदार ने कहा नहीं लूटेंगे आप अट्ठारह सौ बरानवे दे दो चलो ठीक है अट्ठारह सौ बरानवे में डन हो गई तो डिस्काउंट कितना मिला है भाई डिस्काउंट कितना मिला तो माइनस करो तो आराम से कर लेते हैं इक्कीस सौ पचास में से अट्ठारह सौ बरानवे घटा लेते हैं ठीक है जी आप बोलोगे आठ बज गया और यहाँ पे चार आ गया ये पाँच बज गए ठीक है जी यहां जीरो आ गया तो यहां पे दो सौ अट्ठावन तो भाई दो सौ अट्ठावन का डिस्काउंट है कितने का डिस्काउंट है दो सौ अट्ठावन का डिस्काउंट है किसके ऊपर इक्कीस पचास के ऊपर और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा जी तो आप बोलोगे कि सर जीरो से जीरो कट गया और पांच दूनी दस और पांचों को बीस पांचोंक बीस और पांचिया पंद्रह बोलोगे हाँ जी कितनी बार जा रहा है छह बार जाएगा च्छे. सर कैसे काटा तीन छिगे अट्ठारह तीन छिगे अठारह पॉइंटों में है नहीं ऑप्शन तो छुनी कितना हो गया बारह कौन सा ऑप्शन सही है पहला सर कैसे काटा देखो मैंने काट लिया दो सौ अट्ठावन आया नीचे आया तैयलीस तो मैंने कहा पॉइंटों में तो है नहीं पॉइंटों में नहीं है तो सीधा ही जाएगा फिर कैसे तीन को किससे गुणा करूं आठ आ जाए तो छह से गुणा करवा दो छह ती अट्ठारह बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलो ये प्रश्न बताइए अब भाई अंकित भाई को गाइब कर दिया ठीक है बोलोगे हां जी अंकित भाई को गाइब कर दिया तो अंकित भाई को हम याद करेंगे जब भी अंकित लाइक के अभी सात हजार लाइक की हुई है वाह रे वाह सर इतनी देर में लाइक की हो जानी चाहिए थी आठ हजार ठीक है, है? इतनी देर में लाइक की हो जानी थी आठ हजार सर बर्थडे पर ऑफर मिलेगा बर्थडे पर ऑफर नहीं मिलेगा ऑफर होली पे मिलेगा होली पे ठीक है जी अच्छा जी अब देखो राधा ने एक परिधान अंकित मूल्य पर पंद्रह प्रतिशत छूट के बाद तीन सौ चौहत्तर में खरीदा ठीक है जी तो बोलोगे सर ये अंकित है अंकित बोलोगे हाँ जी क्लियर जी अंकित है अंकित का पता नहीं अंकित भाई को याद कर लो पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट है तो एट्टी फाइव आ गया एट्टी फाइव बोलोगे हाँ जी और कितने में बेच दिया तीन सौ चौहत्तर में बेच दिया तीन सौ चौहत्तर में बोलोगे हाँ जी विक्रय मूल्य को बराबर में रखा जाता है कि ध्यान रख लेना ठीक है जी तो ये आ गया 17 और ये कितना आ गया पांच से काटेंगे 20 यहां पे काटेंगे 17 दूनी 43 17 दूनी 43 तीन बच गया 17 दूनी 43 तो अब बचा अंकित भाई और नीचे बचा 20 और इधर बचा गुरुदेव 22 बटा एक आप बोलोगे हाँ जी आप बोलोगे कि सर वज्र गुणा करेंगे ना तो 440 आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन सही है पहला चार सौ और चालीस बोलोगे हाँ जी। यदि आपने आज की प्रैक्टिस में शामिल हो गए ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आराम से तूफान मचा सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी ठीक है जी हम हर प्रकार का प्रश्न करेंगे टेंशन क्यों कर रहे हो भाई हर प्रकार का प्रश्न हमने ठान लिया तो ठान लिया ठीक है जी बस हमारे शेरों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाकी कुछ भी हो जाए एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20 प्रतिशत तीस परसेंट की डिस्काउंट देकर चौदह सौ रुपए में बेचता है अंकित पूछा है अंकित तो अंकित को याद कर लो भाई अंकित भाई को याद कर लो जी अच्छा जी अंकित पे 20 परसेंट का डिस्काउंट तो कितना आ गया 80 बटा सो बोलोगे हाँ जी फिर सर 30 परसेंट का डिस्काउंट तो कितना आ गया गुरुदेव सत्तर बटासो आ गया सत्तर बटासो विक्रय मूल्य को बराबर रखते हैं विक्रय मूल्य को कहां रखेंगे बराबर में रखेंगे अब देखो दो जीरो से दो जीरो से दो जीरो कट गया दो जीरो से दो जीरो कट गया सात दो नहीं चौदह दो से काटेंगे दो चौके कितना हो गया आठ चार से काटेंगे ये आ गया पच्चीस तो ऊपर तो बचा अंकित भाई ऊपर तो क्या बचा अंकित भाई और नीचे क्या बचा बोलोगे सर नीचे बचा पच्चीस सौ और इधर क्या बचा एक बटा एक तो वजर गुणा करोगे ना तो 2500 ही आंसर आ जाएगा बोलोगे हाँ जी 2500 सौ एक पच्चीस बोलोगे हाँ जी सबके लिए है मेरे भाई चाहे टेक्निकल हो चाहे आर्मी जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो चाहे नर्सिंग वाले हो कोई भी हो सबके लिए ये पर्सन है सबके लिए ठीक है जी अच्छा जी अब आप ये बताओ अभी समझाया ना कि अंकित मूल्य मैं दुकानदार के पास गया भाई इसका मूल्य क्या है तो उसने बोला इसका अंकित मूल्य है ना वो पांच सौ पचास रुपए इसका अंकित मूल्य है ना अंकित मूल्य कितना है सर पांच सौ पचास रुपए है ग्राहक चार सौ पिचानवे देता है तो छूट बताओ छूट कितने की है देखिए भाई दुकानदार ने कहा मैं तो पांचो लूंगा हमने कहा जा रहे बुद्धिजीव हम तो चार सौ पिचानवे देंगे <coughs> जारे बुद्धिजीव हम कितना देंगे चार सौ पिचानवे तो बोलोगे कि सर ये नुकसान हो गया ना ये सॉरी डिस्काउंट हो गया <coughs> 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 ठीक है जी देखिए सर डिस्काउंट कितने हो गया पांच और पचपन का डिस्काउंट हो गया पचपन का किस पे सर पांच सौ पचास पे और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुण सर काट देंगे पचपन से काटेंगे दस जीरो से जीरो कट गया टेन परसेंट आया टेन परसेंट बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है पहला ऑप्शन सही है <coughs> सर फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा तो भाई ये आप पे ये हमारी टेक्निकल टीम से डिस्कस करो जो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम बताओ जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम बताओ मेरे भाई है जी अच्छा अच्छा क्लियर जी गुरु जी बात एकदम क्लियर है इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है ठीक है जी आगे देखिए यस मोटिवेशन लाइन आई है क्या उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती उमर थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती अगर जिद हो जीतने की अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती तो हर बार हम यही कहेंगे कि रख बापू भरोसा तेरा बेटा फौजी बन के आएगा और हंड्रेड परसेंट बन के आएगा ठीक है जी अच्छा जी देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए थोड़ा सा देखिए प्रश्न की स्थिति को समझिए बोलोगे हाँ जी बोला कोई व्यापारी पचास रुपए प्रति मीटर अंकित करता है ठीक है वो कहता है कि भाई पचास रुपए प्रति मीटर दूंगा अंकित करता है मतलब अंकित मूल्य कितना है अंकित मूल्य पचास रुपए अंकित मूल्य कितना है पचास रुपए बोलोगे कि सर ये पंद्रह प्रतिशत का डिस्काउंट है पंद्रह तो प्रतिशत का डिस्काउंट है तो कितना हो गया एट्टी हाँ अब फाइव अब डिस्काउंट है तो कितना आ गया अस्सी बटा सो कितना आ गया अस्सी बटा सो अब देखो सोल कर लो बोलोगे सर पच्चा दूनी सो हो गया दो से काटेंगे चालीस आ गया चालीस जीरो से जीरो कट जाएगा पांच सौ कितना आ गया बीस पाँचों का कितना आ गया बीस आठ चौ बत्तीस और दो कितना हो गया चौंतीस अभी चौंतीस में किसका भाग देना है दस का भाग देना है तो दस का भाग दोगे कट जाएगा और आंसर कितना आएगा चौंतीस तो सी ऑप्शन हो जाएगा मतलब निवल यहाँ पे आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भाई यहाँ पे आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है जी बोलोगे हाँ जी अंकित मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य में दो डिस्काउंट दे रखा है तो दो डिस्काउंट देकर हमें उसका क्या बताना है मूल्य बताना है क्लियर जी अब बताओ तब मानू ये प्रश्न बता दो तब तब मानू ये बता दो ठीक है जी अब देखो आप बन गए फौजी आपकी हो गई शादी आप बन गए फौजी आपकी हो गई शादी तो सर शादी होगी बिल्कुल भाई शादी होगी ठीक है जी अब आपकी शादी हो गई ना तो आप अपनी मैडम को मतलब फोजन को किसको फोजन को आप शॉपिंग कराने लेके गए शॉपिंग कराने लेके गए तो एक दुकानदार वहां पे जोर जोर से बोल रहा था तीन साड़ी पे एक फ्री तीन साड़ी पे एक फ्री तीन साड़ी पे एक फ्री तो बताओ डिस्काउंट कितने का हुआ तो डिस्काउंट कितने का हुआ तो याद है ना क्या बताया था याद ये बताया था फ्री वाली ले लो पहले तो पहले कौन सी ले लो फ्री वाली फिर क्या लेना है टोटल टोटल और फिर इन टू सो याद है टोटल में दोनों का योग कर देते हैं टोटल में दोनों का क्या कर देते हैं योग कर देते हैं क्लियर जी तो बोलोगे सर फ्री कितनी है एक कितने में से टोटल कितनी होगी टोटल टोटल होगी चार और परसेंटेज निकालने के लिए सो से गुणा तो कितना आ गया ट्वेंटी फाइव परसेंटेज तो कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है सही है सी ऑप्शन बोलोगे हाजी गुरुजी क्लियर है ठीक है आगे चलें जी गुरुजी आगे चले अब बताओ कंफ्यूज करने के लिए ये देगा क्या बोलेगा कि पांच सौ रुपए की एक टी है पांच सौ रुपए की एक टी है और बोल रहा है शर्ट है शर्ट तीन शर्टों पे एक शर्ट मुफ्त में है तो बताओ कितना डिस्काउंट मिलेगा तीन शर्टों पर एक डिस्काउंट है तो देखो इस 500 से हमें कोई लेना देना नहीं है इस 500 से हमें कोई लेना देना नहीं है ठीक है? तो है तीन शर्ट लेगा ना तीन शर्ट लेगा ना तो एक मुफ्त में देगा एक किस में देगा मुफ्त में देगा बोलोगे हाँ जी तो फ्री कितनी एक फ्री कितनी एक टोटल कितनी हो गई गुरुदेव टोटल कितनी हो गई टोटल हो गई चार और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा तो आंसर कितना आएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट तो भाई डिस्काउंट आएगा ना वो डिस्काउंट कितने का आएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट आएगा डिस्काउंट ट्वेंटी फाइव जिन सिरों ने लाइक like नहीं किया लाइक like कर दो भाई जल्दी से लाइक like कर दो लाइक like. सर कौन सा सॉन्ग है वो था ना रे काभा 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 ठीक है जी अच्छा जी बताओ जरा ही प्रश्न करके बताओ।, बताओ कि दस प्रतिशत बारह प्रतिशत और पंद्रह प्रतिशत की तीन सामान्य छूट की एकल छूट क्या है तीन सामान्य छूट है उनकी एकल छूट क्या है ये आपको बताना है अच्छा जी भाई देखो चाय आ गई अब चाय पिए भाई ऐसे काम नहीं चलेगा नहीं तो हमारा गला बैठ जा गला बैठ जाएगा नहीं हम बोल ही नहीं पाएंगे फिर क्यों क्योंकि तो अभी हमें बहुत सारे फौजी बनाने हैं ठीक है थीके? हम चाहते हैं घर घर फौजी बने <coughs> कुछ तो मुझे लगता है कुछ तो मुझे लगता है बाबू का फोन आ गया होगा इसलिए चले गए ठीक है धीरे धीरे जैसे जैसे बाबू का फोन आ रहा है ना वैसे वैसे, वैसे बैठे जा रहे हैं जैसे जैसे बाबू का फोन आ रहा है ना वैसे वैसे जा रहे हैं ना जी अच्छा देखिए बोलोगे ये सौ रुपये है। कितने हैं गुरुदेव सो रुपए है सो रुपये ठीक है, है जी और दस परसेंट का डिस्काउंट है कितना आ गया नब्बे इन टू बारह परसेंट का डिस्काउंट है अठासी बटा सो बोलोगे हाँ जी फिर पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट है तो पिछासी बटा सो तो इसको सोल करो भाई इसको क्या करो सोल तो इसको सोल करोगे तो इसको सोल करके बताओ कितना आ रहा है हम चाय भी पीते रहेंगे और सोल भी करते रहेंगे बताओ हम कर दें जी बोलोगे सर 90 है इंटू एट्टी एट है इंटू एट्टी फाइव है और भाग देना है किसका सो फी सो मतलब सड़सठ पॉइंट बत्तीस आएगा सोल करोगे तो सड़सठ पॉइंट बत्तीस तो सर डिस्काउंट कितने का हुआ तो सो में से माइनस कर दो सो में से माइनस करोगे ना तो बोलोगे सर इकाई का अंक आठ आएगा तो दो दो ऑप्शन भरे पड़े नहीं तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन आपका परफेक्ट सही है बी बोलोगे हाँ जी सही है सभी का अगला बताओ बोलोगे हाँ जी पहले ये बताओ फिर हम देखेंगे बाकी का मामला तो ठीक है जी ये बताओ बोलोगी ऐसा सेम का सेम पर्सन आया सेम का सेम सेम का सेम पर्सन क्या कहता है निमन में से कौन सी छूट दस प्रतिशत और पंद्रह और बीस प्रतिशत की तीन कर्मागत छूटों का बताना है। तो बोलोगे कि सर सौ रुपए है सो रुपए ठीक है, है जी अच्छा जी आप चाहो कि सर हम एम एस सर के साथ बर्थडे मनाएं तो हम है ना सारे पर्सन पूरे होने के बाद हम बर्थडे मनाएंगे ठीक है सारे पर्सन होने के बाद पहले नहीं बनाएंगे ठीक है जी अब आप बोलोगे कि सर ये 100 है ठीक है जी तो 100 है तो 10% का डिस्काउंट 90 15% का डिस्काउंट 85 कितना हो गया गुरुदेव 85 हो गया 85 फिर 20 का डिस्काउंट है कितना हो गया गुरुदेव 80/100 हो गया 80/100 अब देखो दो जीरो से दो जीरो कट गया भाई ठीक है जी अब आप बोलोगे सर इनको क्या करवा लो गुणा करवा लो देखो पिचासी को पिछासी को हम गुणा करवा लेते हैं देखो पिचासी को आठ से गुणा करो तो आठ पंजे चालीस आठ पंजे चालीस और कितना हो गया अट्ठे अट्ठे चौसठ और चार अड़सठ इनको तो कितना हो गया नौ जीरो नौ अट्ठे बेहतर नो ची चौवन और कितना हो गया सर ये इकसठ हो गया इकसठ सौ बीस तो आप भाग दोगे इकसठ पॉइंट बीस आएगा ठीक है जी आप बोलोगे सर माइनस कर देते हैं छूट निकालने के लिए सो माइनस इकसठ पॉइंट बीस तो ऑप्शन में नहीं आएगा इसलिए आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ दी जाएगा नन ऑफ दीज सर नब्बे के नीचे सो so क्यों नहीं लगाया ये बेटा क्लास में बताया था ना क्लास में बताया था ना इसलिए नहीं लगाते इसको रियल करने का तरीका ये होता है so, so 90 सो है? सो इंटू नब्बे बटासो ठीक है इंटू पिचासी बटासो तो ये सो से सो कट जाता है इसलिए इसके नीचे नहीं लगाते हैं ठीक है अब बात क्लियर जी गुरु जी हाजी हाजी अभी तो नंबर सिस्टम के पर्सन भी आएंगे भाई टेंशन क्यों कर रहे हो नंबर सिस्टम के सबके पर्सन ही आएंगे अभी टेंशन ना करो हम्म नंबर सिस्टम सारे हर प्रकार का पर्सन आएगा ठीक है जी ठीक है ये पर्सन करके दिखाओ गाथा कड़ीर सब लेंगे टेंशन ना करो ठीक है जी अब देखो एक दुकानदार हर वस्तु को 35 प्रतिशत दस प्रतिशत और 6 प्रतिशत कर्मिक छूट के साथ बेचता है हजार रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा कितने रुपए में ग्राहक खरीदेगा बोला हजार रुपए उसका अंकित मूल्य है हजार रुपए क्या है उसका अंकित मूल्य है ठीक है जी पैंतीस परसेंट का डिस्काउंट है तो यह आ जाएगा पैंसठ परसेंट बोलोगे हाँ जी इंटू सर फिर 10 परसेंट का डिस्काउंट है तो 90 बटा सो आ जाएगा इंटू छ परसेंट का डिस्काउंट है तो कितना आ जाएगा चौरानवे बटा सो आ जाएगा चौरानवे बटा सो क्लियर जी अब बोलोगे सर 100 से 100 कट हजार था ना ये तो भाई ये भाई कितना था हजार था तीन जीरो से तीन जीरो कट गई एक जीरो से ये जीरो कट गई बचा क्या काट लो देखो काटेंगे तो सर ये कितना आ जाएगा <coughs> यहां पे आ जाएगा कितना बोलोगे सर तेरह आ जाएगा तेरह और पांच से काटेंगे तो आंसर तो पॉइंटों में जाएगा भाई आंसर किस में जाएगा पॉइंटों में ऑप्शन मिस्टेक है ऑप्शन मिस्टेक है पॉइंटों में आंसर जाएगा पैंसठ नौ चौरानवे ठीक है चलो दे लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तेरह काटेंगे तेरह पांच से तो पांच से काटेंगे कितना आ जाएगा बीस दो से काटेंगे तो यह आ जाएगा सैतालीस और ये कितना आ जाएगा दस अब बताओ कितना आएगा गुरुदेव गुणा करेंगे ना तो तेरा इंटू नौ इंटू सैतालीस तो यह आएगा पांच सो उनचास सौ उनचास बट पांच सौ उनचास पॉइंट नौ दस का भाग भी तो दोगे ना तो लगभग कितना आएगा लगभग पांच सौ पचास आएगा एग्जिट आंसर नहीं आएगा लगभग आएगा एग्जिट आंसर नहीं आएगा क्या आएगा लगभग पांच सौ आएगा तो हम लगभग कह सकते हैं कि सर कितना आ जाएगा पांच और पचास एक बार आप भी भाग दे लेना है ना जी अब देखो अब चलाते हम क्या एक प्रश्न हो रह गया ये प्रश्न देखो ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है ये कलरक में पूछा था ये प्रश्न ठीक है ये देख लीजिए एक बार कैसे करेंगे देखो आप बोलोगे सर पहले देता था 18 की परसेंट पहले कितना देता था 18% परसेंट की डिस्काउंट और आज कितने की डिस्काउंट देता है? आज देता है साढ़े दस की डिस्काउंट बोलोगे हाँ जी इनका क्या दिया है इनका अंतर दिया है इनका क्या दिया है अंतर दिया है तो इनका अंतर देख लो अंतर कितना आएगा तो सर इनका अंतर आएगा सात और प्रश्न में कितना है वन है तो वन बराबर निकालोगे कितना आएगा वन नाइनटी टू अपॉन सेवन पॉइंट फाइव और परसेंटेज निकालने के लिए सो से गुणा पॉइंट हटाओगे जीरो सर पिछहत्तर पच्चीसोक कितना हो गया सो चालीस तीन से काटेंगे तीन छिगी अट्ठारह तीन छिगी अट्ठारह और तीन चौक कितना हो गया बारह जीरो चार चौक सोलह और छह चौक चौबीस रेख पच्चीस तो पच्चीस सौ साठ आएगा कितना आएगा पच्चीस और साठ ये एक छह फालतू लगा दिया इन्होंने एक पांच फालतू लगा दिया कितना आएगा गुरुदेव पच्चीस और साठ आएगा पच्चीस सौ साठ तो कौन सा ऑप्शन सही है बोलोगे सर बी ऑप्शन सही है बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर जी सर अंशु भाई बोल रहे हैं सर कभी नाम ले लिया करो अंशु भाई हम आपका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे बताओ जी तो पच्चीस सौ साठ आएगा ठीक है जी अच्छा अच्छा अब चलते हैं अब नंबर सिस्टम का चलते हैं ठीक है अभी और आएंगे डिस्काउंट के प्रश्न वो जो तीन प्रकार के प्रश्न बताए थे ना वो भी करेंगे टेंशन ना करो, ठीक है, ये करके बताओ देखो भाई लिखा हुआ तेरा गाथांगी का प्रशन है गाथांग करनी का तेरा सर उनचास को क्या लिख सकते हैं उनचास को लिख सकते हैं सात का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं सात का स्क्वायर बोलोगे हाँ जी उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है उसके ऊपर लगाया हुआ तीन बटा दो बोलोगे हाँ जी घात के ऊपर घात पहले तेरा लिख लो अरे गुरुदेव तेरा लिख लिया अब घात के ऊपर घात ब्रैकेट का माध्यम हो तो घाते गुणा हो जाती है कट जाएगा क्या बचेगा सात की पावर तीन तो तेरा इंटू सात की पावर तीन है तीन सौ गुणा करवाओ तेरह तीन उनचालीस कितना बच गया तीन तेरह चौक बावन बावन और तीन कितना हो गया पचपन उनसठ आना चाहिए लास्ट में लास्ट में क्या आना चाहिए उनसठ तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी ऑप्शन सही हो गया बी सर क्या टेबल याद होगी तो हम आपकी तरह गुणा करेंगे यस टेबल याद होगी ना तो आप हमारी तरह गुणा कर सकते हो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ठीक है जी बिल्कुल करण भाई थैंक यू थैंक यू चाय खत्म नहीं हो रही भाई क्या चक्कर है ये जी भाई चाय खत्म नहीं हो रही क्या चक्कर है ये इधर देखो आप बोलोगे कि सर इसका वर्गमूल निकालना है तो देखो आप पहले ये देखो 441 होता किसका वर्गमूल है 441 21 का होता है 441 किसका होता है भाई 441 21 का होता है अब देखो पॉइंट कितने पे लगा हुआ है पॉइंट छ पे लगा हुआ है तो वर्गमूल में पॉइंट आधा हो जाता है वर्गमूल में वर्गमूल में पॉइंट पॉइंट आधा हो जाता है आधा तो पॉइंट छ पे है तो छ का आधा छ का आधा तीन तो पॉइंट तीन पे लगेगा तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा लो तो पॉइंट कितने पे लगेगा तीन पे तो आंसर आएगा बी ऑप्शन आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन आंसर आएगा बोलोगे हाँ जी अब देखो अब ध्यान से सुनाई घनमूल वाला बड़े प्यार से सुनना सत्ताईस दशमलव वाले संख्या के घनमूल में दशमलव की संख्या कितनी होगी देखो घनमूल में दशमलव लगता है ना घनमूल में दशमलव लगता है ना वो एक बटा तीन होता है कितना होता है सत्ताईस का एक बटा तीन कैसे हम समझा देंगे ठीक है जी इसको हम समझा देंगे तो सर तीन नाम सत्ताईस तो पॉइंट कितने पे लगेगा पॉइंट लगेगा नौ पे दशमलव में सत्ताईस संख्या है दशमलव में कितनी संख्या है दशमलव में सत्ताइस संख्या है तो पॉइंट कितने पे लगता है दशमलव में तो उसका एक बटा तीन निकाल देते कैसे समझाता हूं मैं समझा देता हूं सत्ताईस ये हमें दिया गया कि इसका घनमूल निकालना है क्या निकालना है घनमूल तो आप जरा ये बताइए कि तीन का सत्ताइस का घनमूल क्या होता है सत्ताइस का घनमूल तीन होता है अब घनमूल में पॉइंट कितने पे लगा हुआ पॉइंट तीन पे लगा हुआ है तो फिर उसका एक बटा तीन है निकालते हैं एक बटा तीन एक आया एक पे लगेगा। सर जैसे ये होता जीरो जीरो चौसठ ठीक है जी तीन तीन छह नौ इसका निकालना और क्या निकालना है घनमूल बोलोगे हाँ जी तो सर चौसठ का क्या होता है चौसठ का चार होता है अब घनमूल कितने पे तीन तीन छीन तौ पे घनमूल है इस पे है नो पे घनमूल है तो नो का एक बटा तीन निकाल दो नो का कितना निकाल दो एक बटा तीन तो कितना आया तीन तो पॉइंट कितने पे लगेगा पॉइंट लगेगा तीन पे बोलोगे हाँ जी तो घनमूल में वर्गमूल में पॉइंट आधा हो जाता है वर्गमूल में पॉइंट आधा हो जाता है और घनमूल में पॉइंट एक बटा तीन होता है क्या होता है एक बटा तीन होता है ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्लियर जी गुरु जी आगे देखिए फिकर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता फिकर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता सपना फौज का ना होता तो भाई साहब यदि हमें ऐसा लगता कि यदि हमें डर मौत का होता डर मौत का होता तो फिर हमारा सपना फौज का थोड़ी होता नहीं हमें डर नहीं है हम दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं आधी रात का बोला जाएगा तो भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं ठीक है बोलोगे हाँ जी वैसे <coughs> अगला प्रश्न देखो ये प्रश्न कीजिए प्रश्न क्या है आराम से देखिए सो इकतीस सात सौ उनतीस और पांच सो बारह किसी का घनमूल निकालना है तो किसी का वर्गमूल निकालना है बस यही रणनीति आता नहीं ठीक है थीके? जी तो देखो इसका तो निकालना है घनमूल इसका तो क्या निकालना है इसका तो घनमूल निकालना है, ये किसका घनमूल होता है ये ग्यारह का घनमूल होता है ग्यारह का सर ये वर्गमूल निकालना है सात सौ उनतीस तीस तक याद करवाया था ना तो ये कितने का होता है गुरुदेव ये सत्ताईस का होता है सत्ताईस का बीच में प्लस था बीच में क्या था प्लस था प्लस और पांच सौ बारह का घनमूल क्या होता है पांच सौ ग्यारह का घनमूल आठ होता है तो जैसे पहले तो इसको जोड़ लो तो जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा अड़तीस आएगा अड़तीस तो 38 में से 8 निकालो आंसर कितना आ जाएगा 30 तो बोलोगे सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है सी तो भाई सी एकदम परफेक्ट आंसर सही है सी वाला बोलोगे हाची को ठीक है अभी लाइक है ना तेहतर हुई है मातर मातर लाइक क्या हुई है तेहतर हुई है ठीक है जी आगे देखो <laughs> एक हजार आठ को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो याद करो वर्ग में बोला था मैंने वर्ग में बोला था दो दो के जोड़े बनते हैं वर्ग में क्या बोला था कि दो दो के जोड़े बनते हैं क्या बनते हैं दो दो के जोड़े बनते हैं भाई ये पता है जी गुरु जी पता है दो दो के जोड़े बनते हैं क्लियर गुरु जी बात स्पष्ट है कि कितने कितने के जोड़े बनते हैं दो दो के तो पहले एक हजार आठ को देखिए तो बोलोगे कि सर एक हजार आठ के टुकड़े कीजिए एक हजार आठ के टुकड़े करेंगे ना तो सबसे पहले दो का भाग देना है तो कितना आएगा 504 सौ चार फिर दो का भाग देना है कितना आएगा दो सौ बावन ठीक है।, है जी दो सौ बावन ही आएगा ना जी फिर दो का भाग देना है तो बोलोगे कि सर यहाँ पे दो दूनी चार नहीं दो एकम दो दो एकम दो फिर दो दुनी चारो छि बारह फिर दो का भाग देंगे दो छि बारह दो तो सर फिर तीन का देंगे तीन दुआ छह तीन एकम तीन तीन सत्य इक्कीस और ये सात सात एक तो मैंने ये बताया था ना क्या कि दो दो के जोड़े बना लो दो दो के जोड़े बना लो देखो दो का जोड़ा बन रहा है दो का जोड़ा बन रहा है दो का जोड़ा बन रहा है जी सर जिसका जोड़ा नहीं बने उसको वहां से हटा दिया जाता है जिसका जोड़ा नहीं बने जिसका जोड़ा नहीं बने उसको वहां से क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है तो यहां पे साथ का जोड़ा नहीं बनेगा इसलिए हम इसको क्या कर देंगे यहां से हटा देंगे क्लियर जी गुरु जी क्लियर है बोलोगे हाँ जी भाई देख लो धीरे धीरे जा रहे हैं भाई क्यों जा रहे हैं उनके सोना बाबू का फोन आ रहा है लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान में रखना क्या एग्जाम का ऐसा मान के चलो एक महीना ही बचा है एग्जाम का ऐसे मान के चलो एक महीना ही बचा है बाद में एक महीने में कुछ नहीं आएगा सोना बाबू धरे की धरी रह जाएगी ध्यान रखना अब आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें यदि एक संख्या के वर्ग में से उनचास घटाया जाता है मतलब एक संख्या लेनी है एक नंबर लेना है उस नंबर का हमें नहीं पता एक नंबर लेना है उस नंबर का हमें क्या करना है उस नंबर का हमें वर्ग करना है उस नंबर का हमें क्या करना है वर्ग करना है उस वर्ग में से उनचास घटाना है उस नंबर में से उनचास घटाना है उनचास घटाएंगे तो परिणाम क्या आएगा पाँच छिहत्तर परिणाम क्या आएगा पाँच सौ छिहत्तर इसका परिणाम आ जाएगा तो सर एन स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस का तो पाँच सौ छिहत्तर प्लस उनचास बोलोगे हाँ जी तो बोलोगे एन स्क्वायर बराबर जोड़ोगे कितना आ जाएगा छह सौ पच्चीस कितना आ जाएगा 625 स्क्वायर को हटाओगे स्क्वायर को हटाओगे रूट लग जाएगा कितना आ जाएगा गुरुदेव 25 आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है बी बोलोगे हाथी करो से कोई तकलीफ कोई तकलीफ फिर बाद में फोन करके बोलो कि छह हाँ छह में भार हो गया तो बेटा काम ही तुम ऐसे ही कर रहे हो हम तो कितनी जीजान से आपको मेहनत करवा रहे हैं है भाई हम तो कितना जी जान से मेहनत करवा रहे हैं और आप है ना आप फोनों के चक्करों में लगे हो गलत बात है बाबू गलत बात है क्यों टेंशन करो आजमेश सर का बर्थडे क्या ग्यारह रुपए का रिचार्ज भी नहीं कर सकते क्या ग्यारह रुपए का रिचार्ज भी नहीं कर सकते देखो दो संख्या वो संख्या बताइए दो नहीं है वो है ये। <laughs> वो संख्या बताइए वो संख्या बताई जो अभाज्य नहीं है मतलब आपको ये बतानी अभाज्य मैंने एक से तक तो लिखवाया था एक से तक तो लिखवाया था मैंने ठीक नवासी अभाज्य है नवासी अभाज्य है उन्यासी भी अभाज्य है और सत्तानवे भी अभाज्य है ये सतासी अभाज्य नहीं है क्यों सत्तासी में एक का भाग जाता है खुद का जाता है इसके बाद में तीन का जाता है इसके बाद में उनतीस का जाता है तो कहां हुई तो ये एक से सौ तक की अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए ठीक है क्योंकि यहां से सीधा सीधा प्रश्न आपको पूछ सकता है आगे देखिए अगली बात क्या है देखो नियम के प्रश्न भी लिए हैं मैंने मैंने नियम के प्रश्न भी लिए हैं मैंने भाई नियम के प्रश्न भी लिए नियम के प्रश्न इसलिए लिए हैं कि आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए जो भी पढ़ा हुआ है ना अभी तक जो भी हमने पढ़ा है सारा अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाना चाहिए तो बोलोगे कि सर एट फोर एट फोर बी अठहत्तर ठीक है अब हमें बताना है ये ग्यारह से डिवाइड है तो ग्यारह का रूल क्या कहता है याद करो अरे गुरुदेव ग्यारह का रूल कहता है इस नंबरिंग ढालो एक को छोड़ के एक पे नंबरिंग ढालो तो नंबरिंग ढालेंगे तो आठ आठ सोलह आठ आठ सोलह तो ये हो गया सोलह प्लस बी सोलह प्लस क्या हो गया बी हो गया बी बच कितना गया सात चार ग्यारह कितना बच गया गुरुदेव सात चार ग्यारह बच गया ग्यारह बोलोगे हाँ जी अब इसका अंतर या तो जीरो आना चाहिए या फिर इसका अंतर ग्यारह आना चाहिए तो क्या गुरुदेव इसका अंतर जीरो आ सकता है नहीं इसका अंतर कभी भी जीरो नहीं आ सकता क्यों क्योंकि अपन बी को जीरो भी मानेंगे ना तो ये सोलह आ जाएगा सोलह माइनस ग्यारह कभी भी जीरो नहीं आएगा ठीक है छोटा से छोटा हम जीरो मान सकते हैं इससे नीचे नहीं जा सकते तो सर फिर अंतर कितने का लेके आना ग्यारह का तो आप बोलोगे सर ग्यारह का अंतर कब आएगा जब बी का मान कितना होगा छ का मान छो सोलर छ बाईस सोलर छह बाईस बाईस में से ग्यारह गया कितना बचेगा ग्यारह कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है ऑप्शन रख रख के चेक कर लो ऑप्शन जैसे चार रखो यहां पे चार रखेंगे ना तो सोलर चार बीस बीस में से ग्यारह निकालेंगे ना तो जीरो आएगा ना ही ग्यारह आएगा गलत है तीन रखेंगे तो सोलार तीन उन्नीस उन्नीस में से ग्यारह घटाएंगे ना तो जीरो आएगा ना ही ग्यारह आएगा आप बोलोगे सर सोलार एक सत्रह ना ही आएगा तो छह रखेंगे तो सोलह छह कितना हो गया बाईस, बाईस में से ग्यारह घटाएंगे कितना आ जाएगा ग्यारह आंसर है सही है अरे शिवम भाई आपका नाम लिया है ना हमने क्यों नहीं लिया भाई हमने आपका नाम लिया है जी अब वो अंकित मूल्य वाले देखो भाई <laughs> अंकित ये डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस और आएंगे हमने लिया है फिर दो चार क्वेश्चन बीच में छूट गए थे वो भी हमने लिया है ठीक है जी फिर नंबर सिस्टम का पूरा आगाज नंबर सिस्टम का ही चलेगा ठीक है पांच चार क्वेश्चन और हैं डिस्काउंट के वो ले लेते हैं ठीक है जी या फिर लास्ट में ले अब डिस्काउंट के लास्ट में लास्ट में लेंगे डिस्काउंट के बचे हुए क्वेश्चन ठीक है जी वो अधिक ज्यादा वाले पसंद थे ना वो बोलोगे हाँ जी ठीक है जी अब देखो ये प्रश्न देखो आपको ये प्रश्न बताना है कि निम्न में से 108 से भाज्य है मतलब वो संख्या बतानी है जो 108 से भाज्य है तो 108 को मैं क्या लिख सकता हूं 108 को लिख सकता हूं मैं क्या पारा एक सौ आठ पारा निमी एक सौ आठ बोलोगे हाँ जी पारा निमी एक सौ आठ क्या लिख सकता हूं बारा निमी एक सौ आठ सर बारह का पहाड़ा तो नहीं आता लेकिन भाई नोका तो आता है ना किसका नोका पहाड़ा तो आता है ना तो नो का पहाड़ा ले लीजिए बोलोगे जी तो सर क्या इसमें नोका भाग जा रहा है नहीं क्या इसमें जा रहा नहीं क्या इसमें जा रहा नहीं आठ रेख नौ इसमें जा रहा है कौन सा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन आएगा डी तो बोलोगे हाँ जी गुरु जी सर कितना हो गया बहुत हो गया भाई बहुत बोलोगे हाँ जी सर नौ का नहीं चेक करो तो नौ का नहीं चेक करो तो फिर तीन इंटू तीन तीन का, चेक कर, तीन का चेक कर लो तीन का रूल चेक कर लो तीन का रूल बताया था ना अंकों का योग देखो तीन रे कितना हो गया चार चार में तीन का भाग नहीं जाता चार एक पाँच पाँच में भी नहीं जाता छह एक सात सात में भी नहीं जाता आठ एक नौ नौ में जाता है किसमें जाता है नौ में जाता है बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आगे देखिए देखो एक बड़ा सारा प्रश्न लिया है बहुत बड़ा ओ सर इतनी बड़ी संख्या क्यों ली ताकि आपकी जोड़वाकी अच्छे से हो सके आपकी जोड़वाकी क्या हो सके अच्छे से हो सके इसलिए इतना बड़ा लिया है नंबर ठीक है जी तो देखिए मुझे भी देख देख के लिखना पड़ेगा तेबीस उनत्तर तेबीस उनत्तर तेबीस उनतर तिरपन तिरपन बोलोगे हाँ जी फिर एक्स आठ सौ छिहत्तर यहां पर आपकी जोड़ बाकी चेक होगी 11 का रूल क्या कहता है देखिए <coughs> सरी ये इसे अगले पे चलो आठ आठ से अगले पे चलो तीन तीन से अगले पे नौ नौ से अगले पे तीन ऐसे चलो <coughs> ठीक है जी तो अब जोड़ो देखो आठ छ चौदह चौदह और तीन सत्रह सत्रह और नौ सत्रह और नौ सत्रह तीन बारह तो ये कितना हो गया गुरुदेव उनतीस हो गया उनतीस तो इनको जोड़ा उनतीस आया उनतीस ठीक है जी सर इनको जोड़ो बचे हुए को दो छह आठ आठ पांच तेरह तेरह के बाद में एक्स तेरह सात बीस तो आइया आएगा बीस प्लस एक्स इनका अंतर जीरो या कितना आना चाहिए ग्यारह इनका अंतर जीरो या ग्यारह आना चाहिए क्या सर सात रखेंगे तो ये सत्ताईस हो जाएगा उनतीस सत्ताईस गलत है आठ रखेंगे तो बीस आठ अट्ठाईस गलत है नौ रखेंगे तो नौ रखते ही ये क्या हो जाएगा उनतीस माइनस उनतीस तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो इसका मतलब जीरो आ गया कौन सा ऑप्शन सही, सही है सी ऑप्शन सही है सी तो बोलोगे हा जी गुरु जी तो ये जोड़ बाकी चेक हो गई है आपकी ठीक है जी तो ये जोड़ बाकी आपकी क्या हो चुकी है चेक हो चुकी है ठीक है क्लियर जी गुरु जी क्लियर ये बताओ भाई तब माने हम तो भाई है भाई ये बताओ ये लैंग्वेज को घुमा के लेके आए हम लैंग्वेज को घुमा के लेके आए सैतालीस से एक संख्या को विभाजित किया जाता है मतलब सैतालीस से विभाजित किया जाता है तो सैतालीस क्या हो गया भाजक सैतालीस क्या हो गया भाजक सैतालीस से विभाजित किया जाता है तो हो गया भाजक भागफल कितना है पिछहत्तर भागफल कितना है पिछहत्तर शेषफल कितना है अट्ठारह तो वह संख्या ज्ञात करनी है संख्या मतलब भाज्य ज्ञात करना।, करना है क्या ज्ञात करना है भाज्य तो इसका फॉर्मूला बताया था याद हो तो क्या देखिए सर इसका फॉर्मूला बताया था मैंने क्या भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक भाजक प्लस ठीक है बोलोगे हाँ जी अब देखो यहाँ से क्या बात आती है आप बोलोगे सर भाजक निकालें ये कितना है सैतालीस जी गुरु जी इंटू भागफल कितना है पिछहत्तर प्लस शेषफल कितना है शेषफल है अट्ठारह बोलोगे हाँ जी तोल करो सात पंजी पैंतीस पांच आठ तेरह लास्ट में तीन आएगा ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन तो आपका बी आंसर हो जाएगा कौन सा आएगा बी कैसे किया मैंने इकाई का अंक निकाला सात पंजी पैंतीस पैंतीस में इकाई का अंक पांच प्लस अठारह तो बोलोगे आठ पांच तेरह इकाई कांक सेट हो गया तीन तो कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है बी बोलोगे हाँ जी गुरु जी क्लियर जी गुरु जी क्लियर है कोई दिक्कत ना है बाबू ठीक है जी आगे देखिए <coughs> प्रश्न बताओ भाई आ जाओ इस प्रश्न में आ जाओ इस प्रश्न की कहानी क्या है इस प्रश्न की कहानी क्या है जल्दी से आ जाओ किसी संख्या को छप्पन से भाग देने पर शेष उनतीस बचता मुझे ये देखना इसका आंसर कौन देगा सुरेश मिश्रा ले लिया भाई ठीक है जी इसका बताओ जो इसका बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि वो बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रखी है भाई Hmm, सर कब तक चलेगी ये क्लास ग्यारह बजे तक चलेगी ग्यारह बजे फिर हम आपके आदेश से बर्थडे की ए, मनाएंगे और उसके बाद में फिर हम पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद फिर हम आपको क्या करेंगे फ्री करेंगे ठीक है टेंशन आकर तब तक हम पढ़ाते रहेंगे टेंशन आकर ठीक है अजी जी आप बोलोगे कि सर यहाँ से अपन देखेंगे किसी संख्या को छप्पन से भाग दिया जाता है किससे भाग दिया जाता है छप्पन से भाग दिया जाता है छप्पन से और उनतीस शेष बजता आठ से देंगे तो छप्पन से कोई लेना देना नहीं छप्पन से कोई लेना देना नहीं हम तो इस उनतीस में ही आठ का भाग दे देंगे बताया था ऐसा बोलोगे हाँ जी दिया चौबीस तो शेषफल कितना आया शेषफल आया पांच शेषफल कितना आया गुरुदेव शेषफल आया पांच सर आपने तो बहुत तगड़े दिया ऐसे कौन पढ़ता नया क्वेश्चन लेके आया हूं नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ नया क्वेश्चन से लेकर आया हूं ये ध्यान रखना है ये नया क्वेश्चन लेकर आया हूं जी गुरु जी सर आप तो बड़े खतरनाक पढ़ाते हो देखो एक लाइन में उड़ा देते हैं एक लाइन में ही आपके आर्मी में ऐसे ही क्वेश्चन आता है ठीक है जी ऐसे पहाड़ नहीं आता है वहां पे जो हमारे शेर हमसे पढ़ के फौजी बन गए ना उनसे पूछे ऐसे बोलेंगे अरे टच्चू सवाल आएंगे आर्मी स्टडी से पढ़ लो फिर वा, वा वास्तव में आपको वहां पे टच्चू सवाल आएंगे टच्चू ठीक है कितने एक बटा छ मिलकर इकतालीस सही दो बटा तीन के बराबर होते हैं ठीक है कितने एक बटा छ मिलकर कितने एक बटा छ मिलकर तो क्या करते हैं बड़ी वाली संख्या में छोटी वाले का भाग देते हैं बड़ी वाली में छोटी वाले का भाग देते हैं पहले तो इसको सही भिन्न में बदलो इसको इससे गुणा करो और ऊपर वाला क्या कर दो एड कर दो एड तो बोलोगे सर तीन तो यह आ जाएगा तीन और यह आ जाएगा चारती बारह एक सौ पच्चीस यह आएगा एक सौ पच्चीस बटा तीन बड़ी वाली संख्या में कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे ना कितने एक बटा छह मिलकर निर्माण करेंगे तो क्या करते हैं बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग देते ऐसे 125 अपॉन एक, एक बटा बोलोगे हाँ जी अब आप बोलोगे कि सर इसको इससे गुणा करवा दो ठीक है और इसको इससे गुणा करवा दो तो बोलोगे एक सो पच्चीस इंटू छ गया तीन इंटू एक ऐसे तो गुणा करवाती नीचे वाला नंबर है ना वो ऊपर चला जाता है और ये वाला इससे गुणा हो जाता है क्लियर जी अब सुनिए तो तीन दुआ तो कितना आया तो आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है बोलो हाँ जी तो ये ढाई सौ आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी वाली में किसका भाग दे देते हैं हम बड़ी वाली में छोटी वाले का भाग दे देते बड़ी वाली में किसका भाग दे देते हम छोटी वाले का भाग दे देते हैं बोलोगे हाँ जी क्लियर है बोलोगे हाँ जी गुरु जी बात एकदम क्या है क्लियर <coughs> अजीत सचिन ठीक है बोलोगे हाँ जी तो ये कभी भी ध्यान रखना इस प्रकार का प्रश्न आए ना तो बड़े नंबर में बड़े नंबर में किसका भाग देते हैं छोटे नंबर छोटे नंबर का भाग देते हैं ऐसा प्रश्न आया तो था ठीक है ऐसा प्रश्न आर्मी में आया था वो हम <coughs> जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें करवाएंगे ठीक है बोलोगे हाँ जी अब नौ का इसका बताना है कि नो से डिवाइड है किससे डिवाइड है भाई नो से डिवाइड है नौ से बोलोगे हाँ ठीक है जी आप बोलोगे कि सर स्टार का मान बताना है तो देखो नौ से पूरी तरह क्या है विभाजित है तो आप ये बताओ आप ये बताओ ये मैं लिख लेता हूं चार सो इक्यावन चार इक्यावन एक्स और छह तीन इसमें मैंने आपको क्या बताया था याद करो आपने ये बताया था अंकों का योग कर लो तो देखो चार पांच नौ नौ एक दस दस च्यार, 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 तीन उन्नीस, तो ये उन्नीस प्लस है, तो इसमें किसका भाग जाना चाहिए नौ का भाग जाना चाहिए तो एक्स का मान क्या रखूं ताकि नौ का भाग चला जाए सर सात रख ले उन्नीस सर सात छब्बीस होगा नहीं गलत है आठ रख ले उन्नीस आठ आठ रखोगे ना तो उन्नीस आठ कितना हो जाएगा सत्ताईस उन्नीस आठ सत्ताईस और सत्ताईस में किसका भाग चला जाएगा नौ का तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन सही है गुरुदेव बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर है सही है बी ऑप्शन बोलोगे हाँ जी आगे देखिए अगली बात क्या आती ये बता दू ये बता दो तब मान जाए कि वास्तव में हमारे सिर बहुत खतरनाक है हमारे शेर है ना बहुत ही खतरनाक है तूफान मचाने वाले हैं बोलोगे हाँ जी गुरु जी ठीक है बोलोगे हां जी कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं क्लियर जी अच्छा जी बताओ भाई बताओ है भाई जी सर ये अवशिष्ट क्या होता है अवशिष्ट क्या होता है अवशिष्ट ये बता दीजिए गुरुदेव अवशिष्ट क्या होता है अवशिष्ट मेरे भाई अवशिष्ट बोलते हैं शेष फल को जो बच जाता है अवशिष्ट होता है शेष फल जो बच जाता है ना जो बच जाता है जो बच जाता है ना उसको अवशिष्ट बोलते हैं ठीक है वो क्या हो जाएगा शेष फल हो जाएगा शेष फल क्लियर जी गुरु जी बताओ इसका शेष फल क्या आएगा अब देखो यहां से <coughs> अब यहां से अपन बात करें कि सर चौबीस सौ अड़सठ है चौबीस सौ अड़सठ अब इसमें भाग दे देते हैं किसका सैंतीस का तो 37 का भाग दो इसमें छह बार तो सैंतीस का भाग अपन छह बार देंगे तो छ सत्तू बयालीस बोलोगे हाँ जी छत्तू बयालीस छ छ सौ छह सत्तू अठारह अठारह चार बाईस तो यह आया दो सौ और बाईस कितना आया भाई दो सौ और बाईस आया और बचा कितना चार और दो बोलोगे हाँ जी इधर कितना आ गया गुरुदेव इधर आ गया आठ ठीक है कितना आया दो सौ अड़तालीस अब आप बोलोगे कि सर फिर छह बार जाएगा तो लिख दो, दो सौ बाईस अब कितना आ गया गुरुदेव अब बच गया छब्बीस तो अवशिष्ट कितना बचा छब्बीस मतलब शेषफल कितना आया शेषफल आया छब्बीस बोलोगे हाँ जी गुरु जी एक भाई क्या बोल रहा है हम देख लेते हैं तब तक आप अगला प्रश्न कीजिए है ना जी ये कीजिए गलत नहीं होना चाहिए ये गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न आप हमें करके बताइए कि 50 से डेढ़ सौ के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो तो सात से विभाज्य है जी सर आप मेरा नाम नहीं लेते अभिषेक भाई आपका नाम लिया है ना हमने बहुत बार नाम लिया है ठीक है जी अभिषेक 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 बोलो के हाँ जी आप जल्दी से फौजी बन के हमारे पास इंटरव्यू देने आओ बिल्कुल मेरे भाई ठीक है जी सर बर्थडे वाले टाइम में मेरे नीचे इन ठीक है जी बोलोगे हाँ जी देखिए अब <aust cold -amentoalan> पचास से डेढ़ सौ के बीच पचास से डेढ़ सौ के बीच सात से विभाज्य संख्याएं कितनी है सात से विभाज्य संख्या कितनी है ये हमें बताना है बोलोगे हाँ जी तो पहले तो आपको क्या करना है एक से लेकर डेढ़ सौ तक निकालना है एक से लेकर डेढ़ सौ तक निकालना है तो डेढ़ सौ में सात का भाग दे दो बोलोगे हाँ जी तो बोलोगे सर सात दुनी चौदह फिर कितना बच गया एक साथियां एक कम, साथ कम सात आप बोलोगे हाँ जी गुरु जी ठीक है तब बोलोगे हां जी ठीक है जी फिर आगे क्लास ले लेंगे हम आप बोलोगे सर एक से पचास तक तो पचास बटा कितना हो गया पचास बटा सात हो गया तो सत्तु सत्तु उनचास जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो तो इक्कीस में से माइनस कर दो सात तो आंसर कितना आ जाएगा फोरटीन आंसर कितना आ जाएगा फोरटीन तो डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है डी बोलोगे अरे वाह मैं कह रहा हूं भाई साहब इतनी तगड़ी तैयारी आपकी है आप भाई ये बता दो आप कैसे पढ़ते हो ताकि हम लोग हमसे पूछे ठीक है आप पढ़ाई कैसे करते हो ये जरा हमें बता दीजिए ताकि लोग हमसे पूछें कि भाई हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए ताकि हम बता सकें ताकि हम बता सके ठीक है कि आप पढ़ाई कैसे करते हो ठीक है जी अच्छा जी इतनी तगड़ी पढ़ाई कैसे करते हो इधर देखिए निमन निमन संख्याओं में कौन सी संख्या सात से अविभाज्य संख्या नहीं है मतलब सात से अविभाज्य संख्या नहीं है मतलब सात का भाग किसमें नहीं जाता है ठीक है देखिए सात का भाग देख के देखो बोलोगे सर यहाँ पे अः सात दूनी चौदह इसमें सात का भाग नहीं जाता है इसमें सात छोक अट्ठाइस ठीक है सात छोक अट्ठाइस बोलोगे हाँ जी अट्ठाईस के बाद में तीन बज गया इसमें भी नहीं जाता बोलोगे कि सर यहां से यहां से अपन बात करें सात छु बल इसमें नहीं जाता सात पंजे पैतीस पैतीस किसी में नहीं जा रहा है सात का भाग ये क्या प्रश्न था भाई ये क्या प्रश्न था सात का भाग किस में जा रहा है एक बार हम चेक कर लेते हैं ना सात का भाग ठीक है जी हमारे पास हो सकता है कोई गड़बड़ ना हो जाए है भाई जी देख लेते हैं कौन सी बड़ी बात है है भाई पर्सन क्या था सात से विभाजन नहीं ऐसा तो नहीं था शायद यार पर्सन सात से विभाज्य नहीं है शायद ऐसा पर्सन तो नहीं था तेरी, मेरी ना। ओ, ये पर्सन मिस्टेक है जी बोलोगे ठीक है जी मतलब अभाज्य संख्या, संख्या नहीं है ये पूछा हमसे अभाज्य संख्या नहीं है ठीक है जी हमसे पूछा है क्या कि अभाज्य संख्या नहीं है ठीक है ये लिखो ठीक है चेंज कर लो प्रश्न को थोड़ा सा अभाज्य संख्या नहीं है ये लिखो अभाज्य संख्या नहीं है लिख लो ये बताना है अभाज्य संख्या नहीं है अभाज्य संख्या नहीं है ठीक है जी अभाज्य संख्या नहीं है ये, ये है ये प्रश्न हमसे पूछा ठीक है कि अभाज्य संख्या नहीं है बोलोगे हाँ जी अविभाज्य संख्या अभी भी प्रश्न गलत है इसमें कौन सी संख्या नहीं है ठीक है इसमें अभाज्य पूछ रहे अभाज्य पूछ रहे है? तीन सौ इकरानवे सत्रह सत्रह एक सौ ठीक है, है। बोलोगे यहाँ अभाज्य संख्या नहीं है ठीक है ये पूछा हमसे अभाज्य संख्या नहीं है ऊपर वाला मिस्टेक ठीक है जी ध्यान तो रखना अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है डी एक तो मैंने ये बताया था एक तरीका तो क्या बताया था कि आप एक सौ में छह का भाग दे देखो छत्तीया अठारह छत्तियां अट्ठारह कितना बच रहा सब में एक एक बचेगा यहाँ पे सब में एक एक बचेगा ठीक है यही बताया था या तो एक बचना चाहिए पांच बचना चाहिए ठीक है छत्तीया फिर एक बच गया बोलोगे हाँ जी फिर कितना बच गया छत्ती अठारह एक बच गया तो छदुनी बारह तो पांच बच रहा तो हो सकता है ऐसे ही तो बताया था तीन सौ तेरह तो इसमें छ का भाग देंगे तो छपंजी तीस फिर कितना बच जाएगा एक छदी बारह तो एक बच रहा हो सकता है चार सौ उनचालीस में छह का भाग देंगे छ सत्तू बयालीस और एक तो सिर्फ सारे आ रहे हैं तो हमें एक एक को चेक करना पड़ेगा जो आपको वो तरीका बताया हुआ है ना कि आपको ये देखना पड़ेगा एक सौ किसके स्क्वायर के, के नजदीक है किसके स्क्वायर के, के नजदीक है उसके माध्यम से आपको करना पड़ेगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका डी आप तो आराम से बैठ के कर लेना ना एप में इसका आधे घंटे का लेक्चर है वो बताया हुआ ठीक है जी अब आपको ये बताना है कि सड़सठ से लेकर एक के बीच सड़सठ से ले सड़सठ और एक सौ एक के बीच मतलब कितनी अभाज्य संख्या ये बताना वो चेक कर लेना घर पे बैठ के कर लेना है ना जी सड़सठ और एक सौ एक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है तो ये तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी बोलोगे कर लेंगे सर तो सड़सठ नहीं लेना है सड़सठ और एक सौ एक के बीच की लेनी है तो सड़सठ के बाद में अड़सठ उन सत्तर इकहत्तर आएगी ठीक है बेहतर नहीं आएगी तेहत्तर आएगी इसके बाद में तेहत्तर के बाद में चौहत्तर आएगी भाज्य संख्या पूछा है तो आप एक बार क्या निकाल लीजिए आप एक बार अभाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या निकाल लीजिए भाज्य देख लो आप डायरेक्ट अभाज्य को छोड़ते चलो अड़सठ क्या है भाज्य है उनत्तर भी क्या है भाज्य है इसके बाद में आप देखोगे कि सर सत्तर भाज्य इगतर अभाज्य है बेहत्तर चौहत्तर पिछहत्तर गिनते जाना छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उसी अभाज्य है अस्सी इक्यासी बयासी तयासी अभाज्य है चौरासी पिचासी, छियासी सतासी अठासी नवासी अभाज्य है नब्बे किरानवे बारानवे तिरानवे चौरानवे छानवे छियानवे सत्तानवे अभाज्य है अट्ठानवे निन्यानवे और सौ एक सौ एक के बीच में चाहिए तो ये दोनों नंबर नहीं लेना इनके बीच के नंबर लेना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस तो कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन सही है पहला तो आराम से आप कर सकते थे ये हमें क्या करनी थी काउंटिंग करनी थी भाई क्या करनी थी काउंटिंग करनी थी ठीक है जी आगे देखिए अब देखिए यहां पे जीत की खातर बस जुनून चाहिए जीत की खातर बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए ये आसमां भी आएगा जमी पे ये आसमां भी आएगा जमी पे बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए बस इरादों में जीत की क्या होनी चाहिए गूंज होनी चाहिए ठीक है बोलो के हाँ जी तो देखिए आगे देखिए ठीक है जी अच्छा जी आपको ये बताना है आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन में यह बताना है कि किनका योग एक परिमेय संख्या और उसका पारस्परिक का मतलब होता है व्युतकर्म इसका मतलब होता है व्युतक्रम ठीक है जी का योग इकसठ बटा तीस हो तो आपको ये <Ez1> चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में इनका योग इकसठ बटा तीस आएगा तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं पांच बटा प्लस छ बटा पांच तो लघुतम कितना आएगा लघुतम आएगा तीस तो पंजे तीस और पचम पच्चीस फिर पांच ग तीस और छह छत्तीस तो इसका योग कितना आ रहा है इकसठ बटा तीस पहले ऑप्शन का ही आ रहा है पहले ऑप्शन का योग कितना आ रहा है इकसठ बटा तीस मतलब आपको दो दो नंबर दिए हुए हैं इन दोनों दो दोनों दो नंबरों को जोड़कर आपको चेक करना है कि, कि किसका इकसठ बटा तीस आ रहा है जिसका इकसठ बटा तीस आ रहा है वही आपका आंसर है ठीक है जी अब ये प्रश्न आया था जिसका अभी जस्ट ही तो आया था ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है ये प्रश्न ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया इसका आंसर पच्चीस था ठीक है अभी जस्ट पहले ही करवाया था ये प्रश्न ठीक है जी दो दो तो वो संख्या ये भी रिपीट हो गया तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वो संख्या बताए जो अभाज्य नहीं है अभाज्य नहीं है ये तो अभाज्य है ये भी अभाज्य है ये भी अभाज्य है ये क्या है ये भाज्य संख्या ये क्या है भाज्य संख्या है अभाज्य नहीं है मतलब अभाज्य नहीं है तो क्या बताना है भाज्य बताना तो ये सॉरी हां ये सतासी में किस किस का भाग जाता है एक का सतासी का तीन का और उनतीस का ये भी रिपीट हो गया ठीक है जी अब बताओ हमें इसके गुणनखंड बताने छिहत्तर के गुणनखंड बताने छिहत्तर के ठीक है बता देंगे देखो आराम से देखो ठीक है सर पहले छिहत्तर के टुकड़े करो तो टुकड़े करेंगे तो किसका भाग जा रहा है दो का बोलोगे सर दो का भाग देंगे अड़तीस फिर दो का भाग देंगे उन्नीस फिर उन्नीस का भाग देंगे कितना आएगा एक तो ये लिख लो दो की पावर दो उन्नीस की पावर क्या आ गया एक दो 19 की पावर दो उन्नीस की पावर एक गुणनखंड में क्या बताया था याद करो घात में एक जोड़कर घात में एक जोड़कर घातों में एक एक जोड़ देंगे घातों में एक एक जोड़ देंगे और घातों में एक एक जोड़कर जोड़ दो गुणा करवा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा छः तो कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन सही है पहला ही बोलोगे हाँ जी गुरु जी सर पाँच मिनट का रेस्ट कर लो पाँच मिनट का रेस्ट करेंगे पंद्रह मिनट बाद पंद्रह मिनट बाद पांच मिनट का हम क्या करेंगे रेस्ट करेंगे ठीक है ठीक है अभी हम जितना हो सके उतना करवा दे बताया था बिल्कुल गुरु जी बताई थी ये बात तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं ये प्रश्न बताओ आप तो ठीक है जी अब बोलोगे हां जी 200 से दो तक ऐसी कितनी संख्या है जो सात से डिवाइड 200 से दो तक ऐसी कितनी संख्या जो सात से डिवाइड है तो बोलोगे कि सर पहले एक से लेकर दो तक निकाल लो तो बोलोगे सर सात का भाग दो तो सात चौक अट्ठाईस कितनी संख्या आएंगी चालीस संख्या आएंगी सात चौक अट्ठाइस पॉइंट में भाग देना नहीं है तो ये चालीस आएंगे अब एक से लेकर दो सौ तक का निकाल लो जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो सात दूनी कितना हो गया सर सात दूनी चौदह कितना बच गया छह जीरो सात छप्पन आगे पॉइंटों में नहीं देना है तो जो आपको क्या चाहिए सर हमें जो नहीं चाहिए ना चालीस टोटल नंबर आया उसमें से हमें अट्ठाइस नहीं चाहिए चालीस में से क्या नहीं चाहिए चालीस में से अट्ठाइस नहीं चाहिए तो आंसर कितना आ गया बारह तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर है। सही है बोलोगे हाँ जी सर दो से सौ के बीच तीन के गुणज कितने हैं दो से सो के बीच सो के बीच तीन के गुणज है ना तीन के गुणज तीन के गुणज ठीक है जी तो सो से तीन के सो दो से सो के बीच तीन के गुणज कितने हैं तो सो में तीन का भाग दे दो आंसर कितना आ जाएगा तैतीस तो तैतीस गुणज है कितने गुणज है तैतीस गुणज ठीक है जी अच्छा जी अब ये प्रश्न फिर से एक प्रश्न और बताओ ठीक है जी अच्छा जी ये प्रश्न बताओ 103 से 200 तक 103 से 200 तक की संख्याओं में अंक सात कितनी बार आता गजब प्रश्न पूछा है 103 से 200 के बीच 103 से 200 के बीच सात अंक कितनी बार आता है ये आपको बताना है कि सात अंक कितनी बार आता है ये ध्यान रखना है सर गिने गिनना पड़ेगा देखो गिनना पड़ेगा एक तो पहला आता है 103 एक से 107 में आता है फिर 117 में आता है कोई छूट जाए तो बता देना भाई 127 में आता है फिर 137 में आता है फिर फिर सर 147 में आता है फिर 157 में आता है कोई छूट जाए तो बता देना 167 में आता है फिर एक सौ सत्तर में आता है एक सौ इकहत्तर में आता है एक सौ बहत्तर में आता है एक सौ तिहत्तर में भी आता है एक सौ चौहत्तर में भी आता है एक सौ पिछहत्तर में भी आता है एक सौ छिहत्तर में भी आता है एक सौ सतहत्तर में भी आता है एक सौ अठहत्तर में भी आता है एक सौ उन्यासी में भी आता है फिर एक सौ सतासी में आता है फिर एक सौ में आता है सात एक सौ एक सौ तीन दो सौ के बीच सात किन किन अंकों में आता है तो एक ये हो गया आपका कितना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस एक रह गया भाई एक कोई ना कोई रह गया बोलो कौन सा रह गया है भाई उन्नीस एक रह गया कोई ना कोई तो रहा है ये तो कन्फर्म है जी सात से सत्रह सत्रह से सत्ताईस एक सौ सैंतालीस बोलोगी एक सौ सत्तावन एक सौ सड़सठ एक सौ सड़सठ ठीक है जी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ हो गए ठीक है जी एक कौन सा रह गया एक कौन सा है भाई एक रह गया कौन सा रह गया एभी? एक सौ सात एक सौ सत्रह एक सौ रह एक सौ सैंतीस एक सौ सैतालीस एक सौ सत्तावन एक सौ सड़सठ एक सौ सत्तर एक सौ इकहत्तर एक सौ बहत्तर एक सौ तिहत्तर एक सौ चौहत्तर एक सौ पिछहत्तर एक सौ छिहत्तर एक सौ सतहत्तर एक सौ अठहत्तर एक सौ उन्यासी एक सौ सतासी एक सौ सत्तानवे गिन लेते एक बार वापस। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ही आते, आते है भाई कितने आते हैं उन्नीस एक सौ सतहत्तर एक सौ सतहत्तर ले लिया ना ये रहा एक सौ सतहत्तर एक सौ सतहत्तर ले लिया इसमें मैं गिन लूँ एक बार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ही होता है यार उन्नीस ही होता है सात कितनी बार इसमें सतहत्तर में डबल बार होता है सतहत्तर में डबल बार होता है सतहत्तर में क्या होता है डबल बार होता है डबल बार ठीक है इसलिए बीस आंसर आ जाएगा बीस सतहत्तर में कितनी बार होता है सतहत्तर में दो बार होता है ये टोटल उन्नीस बार है सतहत्तर में डबल बार होता है इसलिए कितनी बार आ जाएगा बीस बार क्लियर है ठीक है सतहत्तर में कितनी बार होता है बीस बार अच्छा जी जो सतहत्तर में कितनी बार होता है दो बार होता है दो बार अब देखो ये प्रश्न देखो गुणनखंड बताने तो दो की पावर तीन की पावर तीन इंटू तीन की पावर कितना है दो दो की पावर तीन इंटू तीन की पावर कितना होता है तो हो हो तो बारह तो कौन सा ऑप्शन सही, सही है सी ऑप्शन सही है सी बोलोगे हाँ जी अरे साथ में दो बार आता है सतहत्तर में दो बार आता है साथ ठीक है जी तो गुणनखंड में क्या बताया था घात में एक जोड़कर क्या दे देते हैं गुणा करवा देते हैं इकाई कांक बताओ भाई भाई इकाई कांक बताओ कि आंसर क्या होने वाला है जी 121 की पावर 21 का इकाई का अंक क्या है तो अब देखो इसका इकाई का अंक क्या है गुरुदेव इसका इकाई का अंक एक है इसका इकाई का अंक क्या है? एक. एक की कुछ भी पावर हो एक की कुछ भी पावर हो इकाई का अंक क्या होता है एक ही, ही होता है क्या होता है गुरुदेव एक ही होता है ये आपको ध्यान में रखना एक की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या होता है एक ही होता है अब देखो ध्यान से सुनना ठीक है जी अब इसका जोड़ करके बताना कौन बताएगा देखते हैं ठीक है जी तो सर पहला तो क्या है पहला तो है जीरो पॉइंट ऑप्शन मिस्टेक है देख लो जीरो पॉइंट जीरो चार जी इसके बाद में क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दो जीरो इधर क्या है जीरो जीरो दो फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दो फाइव ठीक है जी फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दो बोलोगे हाँ जी जीरो कितने बार जीरो जीरो टू है फिर सर पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दो फिर जीरो 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 चार है इधर जीरो है जोड़ लो इसको ठीक है जी तो एक बार चेक कर ले जीरो चार जीरो जीरो दो फाइव जीरो जीरो दो ठीक है अब बोलोगे कि सर ये कितना आ गया चार ये कितना आ गया चार ये कितना आ गया चार ये कितना आ गया पाँच और ये पॉइंट और ये जीरो तो आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट... फाइव फोर 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 ये आंसर आने वाला है इसमें ऑप्शन मिस्टेक थी पहला क्वेश्चन आया है जिसमें ऑप्शन मिस्टेक है पहला क्वेश्चन आया है जिसमें ऑप्शन मिस्टेक है बाकी देख लो अब कितना चेक करके लेके आया हूंगा ठीक है जी अब आया है वो बोर्ड मास जिससे आप बहुत डरते हो डरते थे ना जी अच्छा जी बोर्ड मास में सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं सबसे पहले काको सोल्व करते हैं या ब्रेकेट को सोल्व करते हैं देखो बोर्ड मास बोर्ड मास ठीक है जी तो सर सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं ब्रेकिट को सोल्व करते हैं तो ब्रेकिट को सोल्व कीजिए तो आप बोलोगे सर 27 में तीन निकाल दिया 27 में तीन निकाल दिया तो कितना आ गया गुरुदेव 24 आ गया 24 क्लियर जी अब इसके बाद में किसको सोल्व करते हैं ब्रेकिट तो सोल्व हो गया ठीक है अब इसके बाद में ओफ का को सोल्व करते हैं ये कितना हो गया पंद्रह अट्ठे एक कितना हो गया पंद्रह अठे एक सौ बीस हो गया अब लिख लो एक बार ज्यादा सही रहेगा एक सौ बीस माइनस छ प्लस चौबीस भाग माइनस चार तो अब आप बोलोगे कि सर आप पहले क्या सोल्व करेंगे पहले भाग सोल्व करेंगे तो भाग दो तो छह चौके चौबीस कितना आ गया चार चार में से चार गया चार में से चार गया कितना आ गया गुरुदेव जीरो आ गया जीरो बोलोगे हाँ जी तो आप बोलोगे सर 120 में से 6 निकालो तो आंसर कितना आ गया 114 कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है बोर्ड मास के लिए इसलिए पर्सन लेके आया हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए जिससे वहां पे एक बोर्ड मास का पर्सन तो 100 परसेंट आएगा एक बोर्ड मास का पर्सन तो 100 परसेंट आएगा उसको कोई नहीं रोक सकता उसको कोई नहीं रोक सकता ये ध्यान रखना है ठीक है जी उसको कोई भी नहीं रोक सकता एक बोर्ड मास का पर्सन हंड्रेड परसेंट आएगा तो पहले ब्रेकिट को सोल्व करना है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो दो का स्क्वायर कितना होता है दो का स्क्वायर चार होता है तो अठारह चार कितना हो गया अठारह चार बाईस हो गया अठारह चार कितना हो गया बाईस इधर कितना आया पच्चीस का पच्चीस का चार माइनस तीस ठीक है प्लस कितना आ गया बाईस तो सर पहले क्या करेंगे पहले का को सोल्व करेंगे तो का मतलब गुणा पची चौक सो माइनस तीस प्लस बाईस तो पहले माइनस कर दो या जोड़ दो एक ही बात है तो सर ये कितना आ गया सत्तर आ गया सत्तर और प्लस बाईस तो आंसर कितना आ गया गुरुदेव ब्रान में तो आपका आंसर होने वाला है ना वो कौन सा आंसर होने वाला है ब्रां तो बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है हो जाएगा ठीक है जी ये देखिए बोलोगे सर ये बता दीजिए इसको क्या करेंगे तो देखो सर पहले पहले किसको सोल्व करेंगे पहले का को सोल्व करेंगे तो सर ये का है तो का का मतलब क्या होता है गुणा तो गुणा करोगे कितना आ गया बारह आ गया गुणा करोगे कितना आ गया गुरुदेव गुणा करोगे बारह आ गया अब इसको सोल्व करो देखो आप बोलोगे सर ये चार चौक कितना हो गया सोलह सोलह हो गया अरे ये सोलह और चार कितना हो गया सोलह और चार हो गया बीस तो ऊपर हो गया बीस नीचे है पांच 4 का 16 चार का स्क्वायर सोलह प्लस चार बीस बीस में पांच का भाग दोगे बीस में पांच का भाग दोगे कितना आएगा चार तो चार प्लस पांच चार प्लस पांच इंटू दो माइनस कितना हो गया बारह ठीक है जी लिख लिया बाकी को बचे हुए को लिख लिया मैंने इन दो इसको सोल्व किया इसको सोल्व किया अब बोलोगे कि सर पहले गुणा करेंगे तो पांच दोनों कितना हो गया दस दस चार कितना हो गया चौदह दस आर चार कितना हो गया चौदह बोलोगे हाँ जी ठीक है बोलोगे भाई पक्का एक वीडियो बना के है ना मैं कल इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा ठीक है डन है हंड्रेड परसेंट एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं कल ठीक है भाई साहब के शेयर करना दबा के इतना मजा आएगा उस वीडियो को शेयर करने में तूफान मच जाएगा भाई साहब ठीक है अब बोलोगे कि सर यहां से अपन देखेंगे तो चौदह में से बारह गया कितना आ गया दो तो दो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तो बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी ठीक है जी अच्छा अच्छा अब देखिए अगला प्रश्न एक और लेंगे ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लिया है ताकि थोड़ा सा मैनेज हो नहीं तो आप सारे तो ही प्रश्न सही कर दोगे सारे ही प्रश्न क्या कर दोगे सही कर दोगे तो पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लो या नीचे वाले को कैसे कर लो ऑफ ऑफ मतलब ये ये का है? ये क्या है? का है 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 क्या तो पहले ऊपर वाले को सोल्व करो पहले किसको सोल्व करो ऊपर वाले को तो बोलोगे कि सर यहां पे ग्यारह सो सत्तर में छब्बीस का भाग दो ग्यारह सो सत्तर में किसका भाग दो छब्बीस का भाग दो छब्बीस का तो तेरा दुनी छब्बीस तेरा नाम 117 90 में दो का भाग देंगे कितना आ जाएगा 45 तो आप बोलोगे कि सर यहां तो आएगा 45 बोलोगे हाँ जी अब आप बोलोगे कि सर तेरा दोनी कितना हो गया तेरा दोनी हो गया 26 गुणा करवा दिया अब जोड़ दो देखो बावन 45, बावन और 45 कितना हो गया गुरुदेव सत्यानवे हो गया सत्यानवे बावन और पैतालीस पांच और दो सात सत्यानवे और इधर छब्बीस है जोड़ दो तेरह नोट दो कितना हो गया ग्यारह रे कितना हो गया बारह तो ये आया एक सौ तेबिस तो गुणा में गलती हो जाए ना तो बता देना भाई है ना जी एक सौ अब नीचे वाले को सोल्व करो तो नीचे वाले को सोल्व करोगे तो पहले काको सोल्व किया जाएगा तो आप बोलोगे आठ एकम आठ रे कितना हो गया नो तो बोलोगे सर ये हो गया नौ बटा आठ इंटू दो तो दो चौके आठ तो ये कितना हो गया नौ बटा चार आएगा सोल करोगे ना तो ये नौ बटा चार आएगा दो प्लस नौ बटा चार माइनस है, सही मिनय बदलो चार एकम चारे कितना हो गया पांच बटा चार अब आप बोलोगे कि सर पहले इसको घटा लो इसको घटाओगे ना तो नौ में से पांच गए नौ में से पांच गए चार बचेगा और चार में चार का भाग दोगे ना एक आएगा दो रे कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा तीन बोलोगे हाँ जी घर पे बैठ के सोल्व कर लेना तो कितना आएगा सर तो ये आएगा तीन चौक बारह इकतालीस आंसर आ रहा है इकतालीस कोई मिस्टेक तो नहीं होना भाई ठीक है इकतालीस इकतालीस आ रहा कौन सा ऑप्शन सही है ये वाला ये वाला ऑप्शन सही है सी ऑप्शन ठीक है घर पे बैठ के करना आराम से ये आपका कंप्लीट हो गया अब देखिए इसको अब इसमें बताना है ये नंबर है ये नंबर है इसमें ये बताना है कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है इसमें बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको बताना है बोलोगे हाँ जी अंडर रूट ग्यारह प्लस अंडर रूट फाइव ठीक है एक नंबर तो ये है और सर फिर है चौदह अंडर रूट प्लस कितना है रूट दो एक नंबर ये है और एक नंबर है आठ प्लस रूट आठ है बोलोगे हाँ जी तो इनमें बताना कैसे बताया था गुणा करके बताया था कैसे बताया था गुणा करके बताया था तो इनको गुणा करोगे कि कितना आएगा ग्यारह पांच पचपन बोलोगे हाँ जी सर इसको गुणा करोगे चौदह दूनी कितना हो गया अट्ठाईस हो गया अट्ठाईस और ये कितना हो गया अट्ठे अट्ठे चौसठ हो गया तो बड़ा कौन आया गुरुदेव ये बड़ा चौसठ वाला आया है बड़ा कौन आया चौसठ वाला तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही है सी बोलोगे हाजी गुरु जी सी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है सही है जी गुरु जी आगे चलते भाई आगे चलते इसमें बताना है कि इसमें बड़ी कौन सी है ठीक है जी अच्छा जी अब देखो इसमें बतानी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न बड़ी है तो आप देखो आप ये देखो चार बट्टा पांच सात बट्टा आठ और छह बट्टा सात तो मैंने बताया था ना अंतर देखो इनका अंतर कितने का है अंतर एक का है अंतर एक का है अंतर एक का है तो अंतर सेम होता है तब क्या बताया था मैंने अंतर सेम होता है तो मैंने बताया था जिसका अंश बड़ा जिसका अंश बड़ा वही बड़ी होगी तो बड़ी कौन सी होगी सात बटा आठ जो ऊपर वाली में बड़ी होगी वही बड़ी होगी तो कौन सा ऑप्शन सही है सर सात बटे आठ आपका परफेक्ट आंसर है सही है जी गुरु जी देखिए आगे चलते तो हैं ना जी बोलोगे हां जी अब बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो बोलोगे कि सर निमन समीकरण को हल कीजिए निमन समीकरण को हल कीजिए तो बोलोगे सर चार बटा तीन सर भाग को किस में बदल देंगे गुणा में बदल देंगे तो अगला नंबर पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा छ बटा एक इन कितना हो जाएगा दो माइनस कितना है एक अब बोलोगे सर ये कितना हो गया तीन दुआ गुणा करवाओ पहले चार दूनी आठ आठ दूनी कितना हो गया सोलह सोलह में से एक माइनस कर दो आंसर कितना हो गया पंद्रह तो पंद्रह आपका एकदम परफेक्ट आंसर है सही हो जाएगा ठीक है जी एक परसेंट और बचा है देखो फिर है ना डिस्काउंट के बचे हुए क्वेश्चन हम करवाएंगे ठीक है ठीक है जी बोलोगे हाँ जी अब देखिए यहां से तो बोलोगे कि सर पहले भाग दे लो देखो ध्यान से सुनना पहले क्या करेंगे पहले हम भाग देंगे ठीक है जी तो आप बोलोगे सर भाग तो जाएगा नहीं पे पे क्या होगा भाग तो जाएगा नहीं ठीक है जी तो हम लिख लेते हैं तो बोलोगे सर ऊपर तो है चौवन ठीक है माइनस ये कितना आ गया पांच बट्टा दो इतना आ गया पांच बट्टा दो इन कितना है आठ जी इसको सोल करो पहले तो इसको सोल करेंगे ना तो ये दो चौक के कितना आ जाएगा आठ पांच चौक बीस तो चौवन में से बीस निकाल दो तो चौवन में से बीस निकालेंगे कितना जाएगा? आ जाएगा चौंतीस आ जाएगा चौंतीस और उसमें अगले वाले तेरह जोड़ दो तो चौंतीस में तेरह जोड़ोगे सात और सैंतालीस आ जाएगा ये तो आएगा गुरुदेव ऊपर वाले को सोल्व करेंगे ना तो कितना आएगा सैंतालीस ये ध्यान रखना अब सर इसको सोल्व करो तो आप इसको सोल्व करोगे ना तो देखो अड़तालीस माइनस बोलोगे सर चार भाग भाग वाले को नीचे रख देंगे आठ ऊपर रह जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा दो अब आप बोलोगे कि सर ये कितना हो गया अड़तालीस माइनस बत्तीस अपॉन थ्री माइनस टू तो लघुतम लेके करना पड़ेगा तो इसके नीचे एक मान लो इसके नीचे एक तो तीन तो बोलोगे आठतिया कितना हो गया चौबीस तो कितना आ गया दो तो आठतिया चौबीस दो आ गया ठीक है जी इसके बाद में बोलोगे कि सर यहाँ पे चार चौक चारती या बारह बारह दो कितना हो गया चौदह अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बत्तीस और ये कितना आ जाएगा छः बोलोगे जी गुरु जी छः दोनों ही माइनस है ना जी बत्तीस और छः कितना हो गया अड़तीस तो एक सौ चौवालीस में से अड़तीस माइनस करो तो ये छ आ जाएगा ये ज़ीरो आ जाएगा ठीक है बोलोगे जी और यहाँ पे एक सौ छ आ जाएगा तो एक सौ छ बटा तीन आएगा कितना आएगा एक सौ छः बटा तीन आ जाएगा 106 सौ बटा तीन तो आप क्या करोगे 47 अपॉन एक सौ बटा तीन तो तीन ऊपर चला जाएगा गुणा करवा देना वही आपका आंसर हो जाएगा तो इसको आपको सोल्व करना है इसको क्या करना है आपको सोल्व करना है ठीक है जी बोलोगे हाँ जी अब मेरे जो कुछ क्वेश्चन थे डिस्काउंट वाले वो कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लाइन हाजिर करेंगे ठीक है जी गुरु जी उनको लाइन हाजिर कर दो उनको लाइन हाजिर हम करेंगे, ठीक है? हाँ है भाई कौन बिजू सर आ रहे हैं ठीक है, है जी ये पांच पर्सन रोके बर्थडे मनाने के बाद पांच क्वेश्चन लेंगे ठीक है जी तो आप बिजू सर से एक मिनट बात कीजिए तब तक मैं मेरा ब्लेजर वापस पहन लेता हूं नहीं तो फोटो बढ़िया नहीं आएगी अरे कैसे हो मेरे देश के भावी फौजियों सर बहुत अच्छे हैं सर ठंड लग रही है अरे किसको लग रही है ससुरा फौजी को कभी ठंड नहीं लगती कभी ठंड में टिटूर कर देख लेना कभी तपती धूप में जल कर देख लेना कैसे हिफाजत होती है मुल्क की कभी सरहद पर चल कर देख लेना जो तो फौज की तैयारी करते हैं या करवाते हैं उनको ठंड नहीं लगती है बिल्कुल केक कटेगा और सब में बराबर बटेगा एम एस गुरु का आज बर्थडे था कितने नंबर का है ये तो पता नहीं गुरुदेव कितने नंबर का है अच्छा पिछहत्तरवा मना लिया छिहत्तरवा जन्मदिन है इनका और बिल्कुल खुशी का दिन है लेकिन तैयारी भी देखिए जरूरी है तो एमएस गुरु ने कहा क्लास लेंगे और इनके लिए तो ये सरप्राइज है इनको पता भी नहीं था कि बिल्कुल आज केक कटेगा आप देख सकते हैं तैयार भी हो रहे हैं थोड़ा हमने इसको जूमआउट जूम इन कर लिया है केक भी इनका आ गया है बिल्कुल मिल्क केक आया है पूरा ये एकदम मावा का केक है फर्जी केक नहीं फर्जी केक भी आते हैं आजकल मार्केट के अंदर जो चेहरा खराब कर देते हैं लगाने के बाद और बताइए कैसे हो आप और आज हम कमेंट्स देख रहे थे बहुत सारे ऐसे नौजवान है जिनका आज जन्मदिन भी है थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा नहीं तो <laughs> बिल्कुल ये पढ़ने वाले बच्चे रहे हैं गुरुदेव पढ़ाई कैसी है इनकी ये बताओ पहले तो आप हम्म कुछ लाना पड़ेगा दिख जाएगा क्या दिक्कत है ये लोग ओनली इसको, इसको, इसको।, इसको, इसको चलो भाई आ जाओ तो सबसे पहले आप सभी की ओर से और आर्मी स्टडी जोधा टीम की ओर से बिल्कुल एम एस गुरु का एम एस गुरु को माला पहनाएंगे और इनको जन्मदिन की आप सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इसी प्रकार ये तरक्की करे जीवन में आगे बढ़े और आप सभी देश के भावी फौजियों को पढ़ाते रहे और आपकी मंजिल तक पहुंचाते रहे बिल्कुल आपकी ओर से भी पहनाई जा रही है देश के लाडले विशाल भाई आर्मी लवर तर नहीं दिख रहा है अरे क्या नहीं दिख रहा है किसको देखना है आपको बताओ हम्म इतने बड़े इंसान आपको दिख रहे हैं पूरे सिक्स बाई सिक्स है आप देख सकते हैं सर आज मेरा बर्थडे है बिल्कुल फील कीजिए आपका ही बर्थडे हम यहाँ पर मना रहे हैं बिल्कुल ये हमारे टेक्निकल टीम की ओर से है सुरेंद्र जी हाँ। बिल्कुल गोदारा जी भी देखिए अब आ रहे हैं राजू भाई विशाल भाई बिल्कुल अच्छी आप सभी देखिए मेहनत कीजिए बर्थडे आता रहेगा जाता रहेगा लेकिन सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है अच्छी मेहनत कीजिए हाँ आप सभी के बेस्ट विशेषज है वो मिल रहे हैं एम एस गुरु को अच्छा चलो ठीक है अब केक काट लेते हैं और बिल्कुल आपको भी खिलाएंगे आप सभी देखिए यहां पर देख सकते हैं कैप आप केक आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कैप की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है ये देखिए आप ये मिल्क केक है आप सभी यहां पर देख सकते हैं मिल्क केक है और हाँ जी भाई बिल्कुल बर्थडे आप सभी का स्वीकार कर लिया है चलिए अब इस केक का एम एस गुरु भी धुआं धुआं करेंगी और शुरुआत करते हैं ये देखिए बिल्कुल हैप्पी बर्थडे टू यू एम एस गुरु अब केक कटेगा एम एस गुरु के हाथों से और बिल्कुल सबके अंदर ये बटेगा और आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल मैराथन क्लासें आपके एग्जाम तक इसी अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी आने वाली जो संडे है उसको भी 10 घंटे की मैराथन क्लास है वो आपकी रहने वाली है क्योंकि पढ़ाई भी करना बेहद जरूरी है आप सभी को पता है समय बहुत कम बचा है तो ये सबसे पहले एम एस गुरु को हमारे ये देश के जो प्यारे बच्चे हैं इनकी ओर से सबसे पहले आपको खिलाया जाएगा ये आपकी ओर से है जितने भी अभी जो देश के भावी फौजी है आपकी ओर से एमएस गुरु को केक खिला दिया गया है अब आप सभी के लिए रहेगा हमारा ये केक आप सभी बिल्कुल अपना मुंह है उसे खोल के रखिए आ रहा है आपके पास और उसके बाद जो हमारे टीम के मेंबर है वो खाएंगे आप सभी के लिए है ये लीजिए आप सभी के लिए और जिसका बिल्कुल बर्थडे है वो भी जबरदस्त तरीके से खाइए हाँ केक कैसा लगा बताइए नाम लिखा हुआ है स्पेशल एम एस गुरु आप देखिए ये है केक बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी मिठाई से इसे बनाया गया है हाँ यह है एम एस गुरु के छोटे भाई आप सभी को पता है गुरु ने बताया भी होगा अभी इनका सिलेक्शन भी हो गया है मास्टर जी ये बन चुके हैं और ये आर्मी स्टडी की ओर से बिल्कुल एम एस गुरु को साफा भी पहनाया जाएगा अभी दूल्हे बने नहीं है बहुत जल्द बना भी दिए जाएंगे और ये लीजिए बना भी दिया है दूल्हे राजा इनको बना दिया है इनकी जब शादी होगी बिल्कुल आप सभी को बुलाया जाएगा और जल्द होगी शादी भी आप सभी की दुआओं से सर मजा आ गया बिल्कुल मजे लेते लेते मेहनत भी करना है सिलेक्शन हो जाएगा अपने माता पिता का नाम रोशन करना है क्योंकि ये वक्त ये उम्र वापिस नहीं आएगी वादा कीजिए कि अगला बर्थडे आएगा तब तक बिल्कुल फौजी बन जाएंगे एम एस गुरु का जो अगला बर्थडे आएगा उससे पहले पहले आप सभी को बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा और वहीं से बनाएंगे सर बहुत अच्छा लग रहा है देखिए जो भी प्रोग्राम है छोटा मोटा आपके साथ ही है क्योंकि मेहनत भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ चलो आप देखिए ज्यादा यहां पर आपका हम समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है समय का सही सदुपयोग करना है एम एस गुरु बिल्कुल आपकी क्लास आगे कंटिन्यू भी करेंगे और इसी रोल के अंदर पढ़ाना है नौजवानों को ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखे ठीक है जी एक नौजवान ने लिखा है सर बुक पे ऑफर दे दो तो, अब बुक पे ऑफर देखिए अमेश गुरु अगर अपनी सैलरी से कुछ कट करे तो आपको ऑफर दिलवा सकते हैं यह देखो हाथ की रफ्तार देखो इनकी दिलवा देंगे कल जाएंगे भाई फ्लिपकार्ट वालों के पास के ऑफर वाफर कुछ है तो निकाल दो है ना जल्द करवाएंगे आपके लिए बुक भी अभी आउट ऑफ स्टॉक है जैसे स्टॉक के अंदर होगी करवा देंगे आप निश्चिंत रहिए ठीक है जी चलो आगे की क्लास आप सभी को कंटिन्यू करना है सर हमारे गांव में एक लड़की है एमएस गुरु के लिए अच्छा बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल चलो बहुत बढ़िया अच्छी मेहनत करो आगे अपना जो मैराथन क्लास है वो रहने वाली देखो अपने सामने भाई गोधरा भाई आए लेकिन मैं गोधरा भाई के लिए एक लाइन कहना चाहता हूं तो देखो इनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आती है ठीक आप आप भी देख सकते हो कितनी प्यारी मुस्कुराहट आ रही है इनके लिए एक मैं लाइन बोलना चाहूंगा कि क्यूट सा फेस तेरा क्यूट सा फेस तेरा किलर तेरी स्टाइल किलर तेरी स्टाइल ये वक्त भी थम जाता है गोदारा भाई ये वक्त भी थम जाता है गोदारा भाई जब तुम करते हो स्माइल जब तुम करते हो स्माइल तो ये भाई अपने गोदारा भाई है अब अपने एक भाई टाइपेस्ट भाई और है ठीक है तो एक बार टाइपेस्ट भाई को और बोल उनके लिए भी हम एक लाइन बोलना चाहेंगे भाई साहब ये है टाइपेस ये जो कंटेंट तैयार करते हैं ना इधर आगे आ जाओ कंटेंट तैयार करते हैं ना पूरा का पूरा शरीर को जाता है मात्र आज देखो आपने देखा होगा सिंगल क्वेश्चन में भी गलती नहीं है सिंगल क्वेश्चन में भी गलती नहीं है वास्तव में क्या मेहनत की है तो भाई मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि एक शख्स है जो आर्मी स्टडी पर अपना प्रोमिस निभा रहा है एक शख्स है जो आर्मी स्टडी पर अपना प्रोमिस निभा रहा है और फौजी भाइयों की मोहब्बत का और फौजी भाइयों की मोहब्बत का फर्ज निभा रहा है फर्ज निभा रहा है तो ये हमारे टाइपेस्ट भाई है एक बार इनके लिए दबा के तालियां बज जाए भाई फिर हम क्लास को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे ठीक है जी तो हमारे डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी अपन क्या करते हैं चर्चा करते हैं देखिए बोलोगे हाँ जी अब देखना यहां से क्या बात निकल कर आती है ठीक है जी अब देखो वजन हो गया अब करें क्या भाई ठीक है जी अब देखना यहां से क्या बात निकलते है? एक मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से सत्तर प्रतिशत अधिक है यदि मशीन को 44.4 परसेंट के लाभ पर बेचा गया है तो छूट क्या है हमें फिर बतानी है छूट क्या है ये डिस्काउंट के पांच चार परसेंट बचे हुए हैं इनकी चर्चा करके फिर अपन क्लास को विराम दे देंगे कोई तकलीफ नहीं ठीक है थीके? जी तो बोलोगे कि सर ये करह है और ये क्या है गुरुदेव ये विक्रय है विक्रय और ये क्या है भाई ये है अंकित तो हम करह को क्या मान लेते, है? लेते हैं बोलोगे जी गुरु जी कर को अपन सो मान लेते हैं तो क्रय को अपन सो मानेंगे ना तो आप बोलोगे कि सर ये इससे कितना अधिक है तो बोलोगे सत्तर अधिक है मतलब अंकित मूल्य है ना अंकित मूल्य अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है सत्तर परसेंट अधिक है और ये चौवालिस पॉइंट पांच परसेंट के लाभ पर बेचा गया चौवालीस पॉइंट पांच परसेंट के लाभ पर बेचा गया है तो बोलोगे कि सर कितना हो गया एक सौ चौवालीस पॉइंट पांच तो ये इसका प्रॉफिट हो गया तो हमें ये बताना है कि इसका डिस्काउंट क्या है हमें यह बताना है फौजी भाई कि इसका डिस्काउंट क्या है तो 170 में से पहले एक घटा लेते हैं तो बोलोगे सर कितना आने वाला सिक्स बोलोगे छह तो ये 26 आने वाला है कितना आने वाला 26 तो 25.5 आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 25.5 आ जाएगा लेकिन ये डिस्काउंट किस पे दिया गया 170 पे पॉइंट को हटाएंगे जीरो परसेंटेज निकालने के लिए सौ से गुणा जी दो जीरो से दो जीरो कट गया आप बोलोगे सर सत्रह एकम सत्रह आठ बच गए सत्रह पांच पिछासी तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा परफेक्ट अरे गुड बोलोगे आपने तो गुरुदेव तूफान मचा रखी है भाई साहब बहुत तगड़े तरीके की कम से कम एक आधे प्रश्न को मेरे लिए छोड़ दो भाई एक आधे प्रश्न को मेरे लिए छोड़ दो अरे गुरुदेव छोड़ देंगे क्या तकलीफ है अगला क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ देना है ना जी आप बोलोगे कि सर ये बताइए ये, ये हमें बताना है ठीक है ये प्रश्न मेरे लिए छोड़ दो ताकि मैं कर दू है ना सारे प्रश्न आप कर दोगे कैसे काम चलेगा एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30 प्रतिशत अधिक अंकित करता है कितना अंकित करता है अधिक अंकित करता है तो बोलोगे कि सर यहां पे कितना है बोलोगे सर यहां पे 100 है क्रय मूल्य और यहां पे क्या लिख दो यहां पे लिख दो विक्रय मूल्य और यहां पे क्या लिख दो अंकित मूल्य ठीक है तो सर यहां पे तीस परसेंट अधिक अंकित करता है तीस परसेंट अधिक तो कितना हो गया एक सौ तीस अब एक सौ तीस पे 12 की छूट दे देता है तो एक सौ तीस पे 12 की छूट दे देता है तो बोलोगे सर एक सौ तीस इंटू की छूट देगा अठासी बटा सो हो जाएगा बोलोगे हाँ जी अब बोलोगे कि सर यहां से काटेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा तेरह अट्ठे एक सौ तो चार दस आ गया बोलोगे तेरह अट्ठे फिर से एक सौ चार तो कितना आ जाएगा एक सौ चौदह कितना आ जाएगा एक सौ चौदह आ जाएगा अब बोलोगे कि सर यहां से अपन देखेंगे एक सौ चार गलती कर दी ना मैंने हाँ जी गलती कर दी देखो तेरह अट्ठे एक सौ चार एक सौ चार।, चार बच कितने गए दस तेरह अट्ठे एक सौ चार तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा एक सौ चौदह और इसमें आप भाग दोगे किसका दस का तो ये कितना आ जाएगा एक सौ चौदह पॉइंट चार आ जाएगा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है चौदह पॉइंट चार परसेंट का क्या हो रहा है प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है 14.4 पॉइंट चार आएगा ये ध्यान रखना चौदह पॉइंट चार आएगा इसमें हमें गलती नहीं करनी है ठीक है जी अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या होने वाला है देखिए आप बोलोगे कि सर ये डिस्काउंट वाला है ये प्रश्न अभी हमने हाल ही में किया भी है ठीक है और इसमें आपको दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए सर गुरुजी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी देख पच्चीस सौ रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को बाईस सौ रुपए में बेचा जाता है कितने में बेचा जाता है बाईस सौ रुपए में मतलब मैं दुकानदार के पास गया और मैंने कहा कि भाई ये ये है ना ये जींस कितने की तो उन्होंने कहा ये जींस 2500 सौ की हमने कहा अरे जा बुद्धिजीव हम 2500 ना देंगे तो उन्होंने कहा कि चलो चलो एक काम करो आप मेरे सुबह सुबह के पहले ग्राहक हो तो आप एक काम करो 2200 दे दो तो इन्होंने कितना डिस्काउंट दिया तीन का डिस्काउंट दिया किस पे पच्चीस पे और परसेंटेज निकालने के लिए सो से क्या करवा देंगे गुणा करवा देंगे अब दो जीरो से दो जीरो कट गया भाई अब बोलोगे पच्चीस से कम पच्चीस पांच बच गए पच्चीस दूना पचास कितना परसेंट हो जाएगा बारह परसेंट तो सी ऑप्शन आपका एग्जाम परफेक्ट आंसर हो जाएगा बोलोगे हाजी गुरु जी सर मेरी तरफ से चरण स्पष्ट करो मेरे भाई अब की बार आप फौजी बन जाओ ये हमारा आशीर्वाद है ठीक है बोलोगे जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखिए अगला प्रश्न ये आया है अब देखो आराम से बोला क्या कि एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य पिछहत्तर सौ कि यदि उसको वॉशिंग मशीन खरीदनी है ना तो उसका अंकित मूल्य कितना है उसका अंकित मूल्य पिछहत्तर सौ रुपए उसका अंकित मूल्य कितना है उसका अंकित मूल्य है ना भाई पिछहत्तर सौ रुपए है कितना है पिछहत्तर सौ और उस पर छह परसेंट की छूट दी जाती है तो बोलोगे सर पिछहत्तर सौ रुपए उसका अंकित मूल्य है उस पर छह परसेंट की छूट दी जाती है कितना आ गया चौरानवे अब देखो सर कैंसिल कर देते हैं दो जीरो से दो जीरो कट गया अब सर इसका गुणा करा के बता दीजिए गुणा कितना आएगा जरा आप ही बता दीजिए हम में से कौन गुणा करेगा इसका आप ही गुणा करके बता दीजिए इसका आंसर क्या आने वाला हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं पिछहत्तर इंटू चौरानवे तो सात हजार पचास आ जाएगा कितना सात हजार पचास कौन सा ऑप्शन सही, सही है और परफेक्ट आंसर है सर आनंद का नाम लो अरे मेरे भाई आनंद नहीं सो जाएगा अरे भाई आनंद आपको अभी से एक याद कर रहा है आनंद भाई आपको अभी से एक याद कर रहा है बोलोगे हाँ जी <coughs> पच्चीस इंटू बाईस बटा सो इसको मैं सूत्र से कर रहा हूं किससे कर रहा हूं भाई इसको मैं सूत्र से कर रहा हूं किससे कर रहा हूं सूत्र से कर रहा हूं ठीक है जी आप सो मान के भी कर सकते हो कोई तकलीफ नहीं है तो बोलोगे कि सर ये कितना हो गया पच्चीस ये हो गया सात दो कितना हो गया चार माइनस पच्चीसौक सो तो चार पंजे बीस और फिर चार पंजे बीस तो आंसर कितना आ जाएगा इकतालीस पॉइंट पांच तो कौन सा ऑप्शन सही है पहला ही ऑप्शन सही है आपका इकतालीस पॉइंट पांच सो मानकर भी आप इस प्रश्न का जवाब कर सकते हो बोलोगे हां जी देखो भाई आप बोलोगे हाँ जी आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया ठान लिया तो ठान लिया बोलोगे हाँ जी एक मोटिवेशन लाइन और लेंगे हम तुरंत ही ठीक है जी अभी थोड़े से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हमारे भाई वो क्वेश्चन लेके आ जाए देखो जीत की खातर बस जुनून चाहिए जीत की नहीं। जीत की खातर बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए ये आसमा भी आएगा जब इं पर बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए बोलोगे हाजी करो चाहिए ठीक है बोलोगे डाटा खत्म हो गया बहुत सारे भाई भी बोल रहे हैं जी बोलोगे हाँ अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि संडे को है ना संडे को मैराथन क्लास है दस घंटे की क्लास है ये ध्यान रखना मैराथन क्लास जीके की क्लास है खुद बिजु सर लेकर आएंगे उस क्लास को देखना या बिजू सर आ जाएंगे या फिर अपने दूसरे वाले सर आ जाएंगे लेकिन आपकी जीके की मैराथन क्लास होने वाली बहुत तगड़े तरीके से भाई साहब क्लास को देखना ना भूले जी जान लगा देना है नेट बचा के रखना है नेट बचा के रखोगे तभी तो हमारी क्या होगा क्लास पूरी देखी जाएगी या फिर आप ग्यारह रुपए का क्या करा लिया करो रिचार्ज करा लिया करो बोलोगे जी सर ग्यारह रुपए का रिचार्ज करेंगे तो आसानी से क्लास देखी जाएगी तो बिल्कुल मेरे दोस्तों आपका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं ठीक है आज हमारी क्लास में आपने जुड़कर पूरा लुप्त उठाया आनंद उठाया इसके लिए थैंक्स और आपने जिस प्रकार से आंसर दिया प्रत्येक प्रश्न का आपने आंसर दिया उससे हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया ऐसे आनंद आने लग गया मज़ा हो गया कि वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को खुद को आभास हो गया कि वास्तव में मैंने मेहनत करवाई मैंने अच्छे से पढ़ाया उसका परिणाम मुझे दिख रहा था बिल्कुल भी परिणाम बेकार नहीं था एकदम आपका परिणाम एक्सीलेंट से भी कई गुना ज्यादा था तो मुझे उम्मीद है कि आर्मी स्टडी के शेर और सेनिया ना तो कभी रुके ना तो कभी रुके ना कभी थके और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे ठीक है इसके लिए हम आप सभी भाइयों ने विश किया इसके लिए भी हम बहुत बहुत आपके आभार है थैंक्स हैं और हम तो वैसे फौजी भाइयों के तगड़े फैन हैं इसी के साथ हम लाइन बोलना चाहेंगे अब फौजी भाइयों के लिए ही क्यूट सा फेस तेरा ए के फोर्टी सेवन तेरी स्टाइल क्यूट सा फेस तेरा ए के फोर्टी सेवन तेरी स्टाइल ये वक्त भी थम जाता है मेरे फौजी भाई ये वक्त भी थम जाता है मेरे फौजी भाई जब तुम करते हो स्माइल जब तुम करते हो स्माइल ठीक है भाई जी अब हमें जाने की अनुमति दीजिए चलो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जी जान से मेहनत करते रहिए अब की बार हमें हर हालत में फौजी बनना है रख बापू भरोसा तेरा बेटा भी फौजी बनकर आएगा हंड्रेड परसेंट बन के आएगा जिस प्रकार से आज मैंने इनकी मेहनत देखी है लाजवाब मेहनत है दिन रात इन्होंने एक कर रखा है मतलब आपके मुकाबले में मतलब कोई भी नहीं है वो कहते हैं ना कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में तो आपके टक्कर में कोई है ही नहीं आपकी टक्कर में कोई है ही नहीं तो मेरे भाई अब की बार हम पेपर को फाड़ देंगे बस आने दो पेपर सत्रह तारीख को तूफान मचा देंगे ठीक है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जी जान से मेहनत करते रहिए अब की बार हमें हर हालत में फौजी बनना है फौजी बनना है जय हिंद वंदे मातरम बाय बाय लव यू टू मेरे शेर और सैन्य गुड नाइट बाय बाय टाटा सभी भाइयों को थैंक्स सभी भाइयों को लव यू ठीक है मेरे भाई